दरवाजे तो बंद होते ही हैं। कितनी बार छीनोगे इसे मुझसे? ताकि एक दिन फिर से खुल सके। ये मेरा सिंहासन है, ये हमारा सिंहासन। वो आएगा। अच्छा, तुझे मेरे पे भरोसा है? कदम कदम पे खतरा है, खतरा मतलब जानलेवा खतरा, जान भी जा सकता है। जहां सिंहासन की लालच में सदियां बीत गई और इस सिंहासन में झुलस रहा अतीत आज भी जिंदा है। I can see 10 people. ये का काम करत बड़ा? ये हमसे भी बड़ा हरामी है। मुझे अब तक लगता था कि भूत भूत कुछ नहीं होता। मेरा सिंहासन उसको दिया तूने? मंजोलिका से मिलने के बाद मैंने उसके जैसे और भूतों से बात करने की कोशिश करी, लेकिन तब जाके मुझे पता चला। महसूस कर सकता हूं कि वो बाहर आ चुकी। आप तो डर गए। नंदू की कुटिया रोज काटने को दौड़ती, कहीं ये मेरी मरी मात्र नहीं है? अबे भूतनी के ऊपर ढूंढो, नीचे ढूंढो। जिक्र कहीं नहीं था कि अगर ये तूफान था। मैं सिर्फ भूतों से बात नहीं करता, भूत को मैं अपने अंदर समा के उनकी फीलिंग्स जान भी सकता हूँ। उतनी चुड़ैल वैम्पायर खून देखते ही आ जाती है। हमारा यहां आना विधि लिखित था और देखो वही हुआ। नियति से कोई नहीं। घबराइए मत, आप इस राज्य के राजकुमार हैं, युवराज हैं। एक कोनो राजकुमार नहीं है। वो नहीं आया क्या? उसके आने के बाद ही सब कुछ ठीक होगा तुम्हारे घर में। राजकुमार का पा भी नहीं है। राजकुमार में पा कहां से आता है? पाखंडी में तो पा आता है। उसी वजह से मुझे एक छोटी सी लड़की की आत्मान था। तो प्रलय का आना अभी बाकी है। जिसको बचपन में ही किसी ने मार दिया था, उसका सपना था कि वो बड़ी होकर शादी करे और उसके भी बच्चे हो। मुझे भूल गए क्या? क्या जी की बेटी पिछले साल हम सबको छोड़ के इस दुनिया से चली गई। वाओ, आई मीन हाउ? मैं आत्माओं से सिर्फ बात नहीं करता, आत्माएं मेरे अंदर आ भी जाती है। रक्त घाट के सम्राट पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। आमे महाराज, ऐ हमार अंग रक्षक। अगर इसे कमरे में बंद नहीं किया तो इस घर में मौत तांडव करेगी। तुम लोग पीछे पीछे कहां आ रहे हो? इधर ही रुको। श्वास करते हैं और उसकी बात कभी नहीं टालेंगे। इतना घबराया हुआ क्यों है? नेटफ्लिक्स कौन चालू किया रे सारा? अगर आप हमें अंधेरे से निकाल कर रोशनी की ओर ले जाएंगे, then I'll be there with you. यहाँ क्यों आई है? आपके गले में क्या है? ये तो एनिवर्सरी गिफ्ट है। इससे तो सीधा मौत होगी भाई। ये शापित है, ये शापित है, ये भी शापित है। मंजो, आई एम कमिंग। एक लड़की यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। अरे, हमारी शादी होने वाली है रुहान, आओ ऊपर आओ। हाँ? इसी जगह मैंने फांसी लगा कर चाहती थी। जब तक उसे मौत के घाट नहीं उतारती, यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। मर के भी मैं उस पापी का सर्वनाश करने लौट आई।
इसलिए उसकी आत्मा भटक रही थी। एक पुरानी कहानी को बदलकर उस पर विश्वास कर लेना, सपनों में जीना और उस दुनिया में अटक जाना, यही कर रही है वो। यदि जीवित रहना चाहते हो तो तुम लोग यहां से चले जाओ, जाओ। और इसीलिए अब वो किसी ऐसी लड़की को ढूंढ रही है। यही सोच रहा है ना कि हम दोनों में से मंजुलिका कौन है। सपना पूरा हो सके, तुम्हारे जैसे बहुत मासूम लोग उनके क्रोध का शिकार बने। अब ये द्वार अगले समय तक बंद रहेगा। तो अगर आप भूलभुलैया 3 मूवी को फुल HD हिंदी में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूरी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बातचीत करने वाले हैं उसका नाम है भूलभुलैया 3। तो दोस्तों, भूलभुलैया 3 फिल्म का हिंदी वर्जन, दूसरे सभी वर्जन वो कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे, कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर और कौन से यूट्यूब चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली 4K HD में देखने को मिलेगा, आज की इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं। इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, फिल्मिंग, बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के ऊपर एक डिटेलिंग मिलने वाली है। साथ ही साथ फिल्म का एक डीप रिव्यू किया जाएगा जहां पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा और मूवी की स्टोरी का एक्सप्लेनेशन भी करने वाला हूं। साथ ही फिल्म के स्टारकास्ट, सपोर्टिंग स्टारकास्ट के परफॉर्मेंस के ऊपर बातचीत करेंगे। वहीं फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट, VFX टीम, एडिटिंग टीम के ऊपर भी आज के इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं। साथ ही साथ इस फिल्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं जिनके बारे में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आज का हमारे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, भूलभुलैया 3 साल 2024 की अपकमिंग हॉरर कॉमेडी इंडियन हिंदी लैंग्वेज की हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन अनीस बज्मी द्वारा किया गया है। वहीं फिल्म की स्टोरी को आकाश कौशिक द्वारा लिखा गया है। वहीं यह फिल्म टी सीरीज फिल्म्स और सीने वन स्टूडियो द्वारा निर्मित की गई है। यह फिल्म भूलभुलैया फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म है जो कि भूलभुलैया 3-1 जो कि साल 2007 में, वहीं भूलभुलैया 2 जो कि साल 2022 में के बाद फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगी। वहीं फिल्म की कहानी कोलकाता, पश्चिम बंगाल के इर्द गिर्द घूमती नजर आने वाली है। वहीं फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अनीस बज्मी। वहीं फिल्म की स्टोरी को आकाश कौशिक द्वारा लिखा गया है। वहीं फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं भूषण कुमार, कृष्ण कुमार खेदवानी और मुराद खेदानी। वहीं फिल्म के स्टारकास्ट में नजर आएंगे कार्तिक आर्यन, रूहान रांधवा रूप बाबा के रूप में, विद्या बालन पुरानी मंजुलिका के रूप में, माधुरी दीक्षित नई मंजुलिका के रूप में, तृप्ति डिमरी मीरा कपूर के रूप में, विजय राज महाराज रक्तघाट के राजा के रूप में नजर आएंगे। वहीं राजपाल यादव नटवर उर्फ छोटा पंडित के रोल में देखने को मिलेंगे। वहीं इनके अलावा संजय मिश्रा जगन्नाथ शास्त्री बड़े पंडित के रोल में, वहीं अक्षय कुमार डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव फ्रोस्ट के डेट सीन में देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात कर लें इस फिल्म की, सिनेमेटोग्राफी मनु आनंद द्वारा की गई है। वहीं इस फिल्म का म्यूजिक संदीप सिरोडकर, बैकग्राउंड स्कोर वहीं तनिष बख्शी, सचेत परंपरा, अमाल मलिक, लीजो लॉर्ड, DJ चेतास द्वारा इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर और बैकग्राउंड म्यूजिक को दिया गया है। वहीं इस फिल्म को एडिट किया है संजय कनकला ने। वहीं इस फिल्म का बजट 150 करोड़ के इर्द गिर्द होने वाला है। वहीं इस फिल्म को 1 नवंबर 2024 को दिवाली के अवसर पर वर्ल्ड वाइड लेवल पर रिलीज किया जाने वाला है। वहीं बात कर लें इस फिल्म की स्टोरी की, तो दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी लगभग कोलकाता के भूलभुलैया 3 फिल्म की कहानी कोलकाता के एक प्राचीन और भूतिया हवेली के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी जहां रूप बाबा कार्तिक आर्यन एक रहस्यमयी मकसद से पहुंचता है। हवेली का इतिहास बेहद डरावना और यहां पहले भी कई घटनाएं घट चुकी होती हैं। हवेली के अंदर आने वाले लोगों की चीखें आज भी हवेली की दीवारों में गूंजती हैं और सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मंजुलिका की आत्मा जिसे लोग आज तक भुला नहीं पाए हैं, लेकिन इस बार स्थिति और भी पेचीदा है क्योंकि अब मंजुलिका की आत्मा केवल अकेली नहीं है बल्कि उसके साथ साथ और भी लोग हैं। वहीं कहानी की शुरुआत रूप बाबा फिर से हवेली में आने से, जहां वह किसी अनजान कारण से खींचा चलाता उसे हवेली के रहस्यों का कुछ अंदाजा है लेकिन असल खतरे की पहचान नहीं होती। हवेली के अंदर आते ही उसे महसूस होता है कि मंजुलिका यानी विद्या बालन की आत्मा अब और भी शक्तिशाली हो गई है और उसके साथ एक और आत्मा जुड़ी हुई है और नई मंजुलिका माधुरी दीक्षित जो कि उससे भी अधिक प्रतिशोधी और शक्तिशाली होती है। रूप बाबा की मुलाकात मीरा तृप्ति डिमरी से होती जो कि एक युवती और हवेली के रहस्यों के पीछे का सच पता लगाने की कोशिश कर रही होती है। मीरा को हवेली के साथ कुछ पुरानी कड़ियां जुड़ी हुई मिलती हैं
जो कि उसकी जिंदगी से संबंधित हो सकती हैं। मैं बात कर लें रू बाबा और छोटा चेतन जो कि रू बाबा के साथ काम करता है, वो दोनों मिलकर लोगों को ठगने का और भूत न होने का इस विश्वास के अंधविश्वास के साथ बहुत सारे पैसे कमा रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच रू बाबा की मुलाकात तीप्ति तिमड़ी यानी कि मीरा कपूर से होती है, जो कि उस किले की मालकिन होती है और वहाँ पे पुराना खंडर जैसे होने वाली वहाँ की मालकिन और उसके पापा वह रक्तघाट के राजा होती हैं जो कि विजय राज प्ले करने वाली हैं। इन सब के बीच कहानी होती है जहाँ पे रू बाबा उसे प्यार के चक्कर में उसकी हवेली में जाता है और वहाँ के भूत को भगाने की उससे कसम खाता है। लेकिन कहानी कुछ इस प्रकार से होती है जहाँ पे रू बाबा को पता चलता है कि वहाँ कुछ पुरानी शक्तियाँ और जिससे रू बाबा डरकर भागने की कोशिश में नजर आते हुए दिखता है। वहीं जब दोनों मंजूल का आपस में बढ़ती हैं, जैसे जैसे रू बाबा और मीरा हवेली के अंदर और गहराई में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पुरानी मंजुलिका यानी कि विद्या बालन और नई मंजुलिका के बीच एक पुराना संघर्ष चल रहा है और ये दोनों आत्माएं पुरानी हवेली पर अधिकार जताना चाहती हैं। पुरानी हवेली यानी कि रक्तघाट की का हवेली ने सदियों से इस हवेली को अपना जागीर समझा है, जबकि नई मंजुलिका का दावा है कि वह असली मालकिन वहाँ रक्तघाट के गढ़ की होने वाली है और पुरानी मंजुलिका ने उसे धोखा किया और उसके साथ छल कपट करके यह किया। यहाँ पर कहानी और भी खतरनाक होती हुई नजर आती है क्योंकि अब रू बाबा को इन दोनों आत्माओं के बीच समझौता कराना होगा या कि फिर उन्हें रोकना होगा ताकि वो निर्दोष लोगों को नुकसान ना पहुंचा सके। कहानी तब मुश्किल मोड़ में आती है जब पता चलता है कि वो आत्माएं एक दूसरे से लड़ रही हैं और पूरे उस रक्तघाट के महल को खंडहर बनाने में तुली हुई हैं। रहस्यमय की गाथा और भी खतरनाक होती है जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है। रू बाबा को एक प्राचीन किताब मिलती है जो कि दोनों आत्माओं के पीछे छिपे रहस्यों को खोलती हुई नजर आती है। इसमें खुलासा होता नजर आता है कि मंजुलिका असल में पुराने जमाने में एक रानी थी जिसे धोखे से उसी हवेली में मरवा दिया गया था और वह सहेली मंजुलिका बनकर हवेली में राज करती है और इसी गाथा को वर्तमान में फिर से उभर आई है। अब दोनों आत्माएं हवेली पर अपना कब्जा करना चाहती हैं। रू बाबा और मीरा इस गाथा को सुलझाने की कोशिश में लगे होते हैं। इस दौरान उनका सामना नटवर और छोटा पंडित राजपाल यादव और बड़े पंडित संजय मिश्रा से होता है जो अपनी हरसमयी लेकिन गंभीर स्थिति में हवेली के रहस्य से जुड़े होते हैं और वो दोनों रू बाबा और उसके साथी को वो ठहराने में तुले होते हैं कि ये लोग पाखंडी लोग हैं, झूठे पाखंडी लोग हैं। क्लाइमेक्स की ओर जैसे जैसे कहानी बढ़ती वैसे वैसे कार्तिक आर्यन उन तीनों को चुनकिया बनाने में कामयाब रहता है और प्रकाश राज जो कि उस किले के राजा हैं और तृप्ति तिमड़ी जो कि उस किले की महारानी होती हैं कुछ इस प्रकार की रहस्यमयी क्लाइमैक्स में हमें कहानी देखने को मिलती है जिसे हमें पता चलता है कि हवेली के राजा महाराज विजयराज और उनकी सेना की कहानी भी सामने आती है और इस पूरे कहानी का एक नया संघर्ष सामने निकल कर आता है और एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि कहानी में मोड़ तब आता है जब पुरानी मंजुलिका और नई मंजुलिका दोनों ही रू बाबा और मीरा को निशाना बनाने की कोशिश करती हुई नजर आती हैं। हवेली में कई अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं जैसे कि दीवारों से चीखें निकलना, अचानक जलते दीपक और दरवाजों का खुला बंद होना। अंततः रू बाबा को एक ऐसा उपाय ढूंढना होता है जिससे वह दोनों आत्माओं को शांत कर सके। लेकिन रू बाबा को उन दोनों आत्माओं को देखने के बाद पहले तो रू बाबा को विश्वास नहीं होता कि भूत जैसी नाम की चीज कोई होती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है रू बाबा डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करते हुए नजर आती है। लेकिन मीरा और प्रतिपति तिमड़ी के रोल में जो कि रानी होती है वहाँ की, वो उसे समझाती है और उसे अपने प्यार में होने के बावजूद वहाँ से उस आत्माओं को निकालने और उसके अंगरक्षक कच्चन की आत्माओं से जुड़ती हुई नजर आती हैं जो कि भूतिया लड़ाई में शामिल होती जाती हैं। अंतिम युद्ध फिल्म की कहानी बेहद अंतिम के क्लाइमेक्स सीन में बेहद रोमांचक और डरावना हो सकता है जहाँ का हवेली में एक भीषण आत्माओं का युद्ध छिड़ा जाता है। रू बाबा अपनी खास शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दोनों मंजुलिका के बीच युद्ध रोकने की कोशिश करते हुए नजर आता है लेकिन इसी बीच उसकी जान भी खतरे में पड़ जाती है। हवेली के भूतिया माहौल में जब सब कुछ टूट जाता है बिखरता है रू बाबा और मीरा का इस रहस्य का अंतिम समाधान मिल जाता है। अंत में दोनों मंजुलिकाओं को आत्माओं की शांति मिलती है और हवेली के बावजूद हमेशा मिट जाता है और रू बाबा और मीरा इस भूतिया अनुभव से बाहर निकलती हैं। लेकिन कहानी में अंतिम मोड़ तब लेती है जब पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव यानी कि अक्षय कुमार की एंट्री होती है जो एक नए और बड़े रहस्य की ओर संकेत करती है जिससे फ्रेंचाइज का भविष्य और भी रोमांचक और खतरनाक देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ आपको फिल्म की पूरी कहानी जाननी है तो दोस्तों इस फिल्म की पूरी कहानी जानने के लिए आपको इस फिल्म को थिएटर्स में देखना होगा। वहीं बात कर लें फुल ब्लेड 3 ओवरऑल केवल एक हॉरर कॉमेडी फिल्म नहीं है बल्कि इसमें आत्माओं के संघर्ष, पौराणिक कथाओं, रोमांच रहस्यों का संगम साथ ही साथ हॉरर कॉमेडी स्त्री 2 के बाद हॉरर कॉमेडी इंडिया में काफी ज्यादा प्रचलित है तो फिल्म को दर्शकों को हंसाने के साथ साथ डराती हुई भी नजर आएगी
और फिल्म में रू बाबा की जादुई ताकतें और उनकी रहस्यपूर्ण हरकतें फिल्म में और दिलचस्प बनाने का काम करती हैं। साथ ही साथ फिल्म की कहानी और कॉमेडी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नज़र आती है, जिससे ऑडियंस और क्रिटिक्स को मूवी को इस फिल्म में अंत तक बांधे रहने में कामयाब होती हुई नज़र आती है। वहीं बात कर लें कि इस फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से मोड़ लेती हुई नज़र आती है। साथ ही साथ ऑडियंस और क्रिटिक्स का मानना है कि इस फिल्म में अक्षय कुमार का कैमियो हो सकता है। आने वाले समय में जैसे ही इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा तो पता चल जाएगा कि इस फिल्म में अक्षय कुमार का कैमियो देखने को मिलता है या नहीं। अगर इस फिल्म में अक्षय कुमार का कैमियो हुआ तो दोस्तों यह फिल्म लगभग 400 से 500 करोड़ के बीच की कमाई कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो सकती है, क्योंकि भूल भुलैया 1 जो कि 2007 में रिलीज हुई थी वह एक कल्ट क्लासिक हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जो कि अक्षय कुमार की वजह से एक कल्ट क्लासिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म बन पाई थी। चूँकि अक्षय कुमार का कॉमेडी रोल्स में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक कल्ट रोल देखने को मिलता है, तो दोस्तों अगर इस फिल्म में अक्षय कुमार का कैमियो हुआ तो दोस्तों यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फाड़ के रख देने वाली है। वहीं बात कर लें कि फिल्म की कहानी ट्रेलर देखने के बाद कुछ इसी प्रकार नजर आने वाली है। वहीं बात कर लें इस फिल्म कास्टिंग और फिल्मांकन की, तो दोस्तों कार्तिक आर्यन ने भूल भुलैया 2 की भूमिका के लिए फिर से कास्ट किया गया था, जहाँ पे बताया गया था कि भूल भुलैया 2 के बाद कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 के लिए भी साइन किया गया, जहाँ की भूल भुलैया 3 में कार्तिक आर्यन ही हमें मुख्य लीड भूमिका में देखने को मिलेंगे। वहीं 12 फरवरी 2024 को विद्या बालन की वापसी की घोषणा की गई थी। वहीं 21 फरवरी 2024 को माधुरी दीक्षित और तृप्ति दिमने की साथ फिल्म के साथ जुड़ने की खबर आई थी। वहीं अंततः राजकुमार यादव और संजय मिश्रा, विजय राज और अन्य कलाकार भी प्रमुख भूमिकाओं में शामिल हुए। वहीं फिल्म की शूटिंग 9 मार्च 2024 को पूरी तरह से मुंबई में शुरू हुई थी 9 मार्च 2024 को मुंबई में शुरू हुई, जिसमें कार्तिक आर्यन का पहला ट्रेन सीन के साथ शुरू हुआ, जिसमें निर्देशक अनीस बज्मी ने फिल्म के शूटिंग के दौरान चोट लगी लेकिन उन्होंने फिल्म की शूटिंग जारी रखा और कोलकाता में फिल्म का अगला शेड्यूल 8 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ, जहां कार्तिक आर्यन को हावड़ा ब्रिज और विक्टोरिया मेमोरियम पर बाइक चलाते हुए शूट किया गया था। इसके बाद फिल्म की शूटिंग मध्य प्रदेश के ऊर्जा लेह लद्दाख में की गई, जहाँ प्रमुख सीन और रोमांटिक गानों को फिल्माया गया। फिल्म का क्लाइमेक्स ओरछा के प्रसिद्ध स्थलों में ओरछा किला और राम राजा मंदिर में शूट किया गया था और अंततः फिल्म की शूटिंग जुलाई 2024 तक फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट करवा ली गई थी। वहीं बात कर लें इस फिल्म के म्यूजिक की, तो दोस्तों फिल्म का संगीत तनिष्क बख्शी, सचेत परम्परा, अमाल मलिक, लीजो जॉर्ज, डीजे चेतास ने तैयार किया। वहीं गीतों के बोल समीर रंजन, आर रश्मि, विराग और अन्य द्वारा इस फिल्म के संगीत को लिखा गया है। वहीं फिल्म में टाइटल ट्रैक और ओमी जो तुम्हार गाना फिर से रिक्रिएट किया जाएगा, जो कि भूलभुलैया 2 में भी था, जो कि भूलभुलैया 1 के बाद एक कल्ट क्लासिक बन गया था। वहीं बात कर लें इस फिल्म के ट्रेलर और टीजर की, तो दोस्तों जैसे इस फिल्म के टीजर को रिलीज किया गया ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म के टीजर को कुछ खास रिस्पांस देखने को नहीं मिला, तो मेकर्स ने इस फिल्म के ट्रेलर को जल्दी रिलीज करने का फैसला किया, जहां पे सिंगम अगेन के मेकर्स ने टीजर ना रिलीज करते हुए डायरेक्ट ट्रेलर रिलीज करने का फैसला किया और उन्होंने 7 अक्टूबर को अपने ट्रेलर को रिलीज किया, जहाँ पे मेकर्स ने पहले भूलभुलैया 2 के टीजर के बाद 6 अक्टूबर को ट्रेलर रिलीज किया जाने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणवश उन्होंने इस फिल्म के ट्रेलर को डिले करते हुए भूलभुलैया के ट्रेलर के 7 अक्टूबर के रिलीज होने के बाद भूलभुलैया के मेकर्स ने सिंगम अगेन के ट्रेलर के 7 अक्टूबर को रिलीज होने के बाद 9 अक्टूबर को भूलभुलैया 3 का ट्रेलर रिलीज किया, जहाँ पे इस फिल्म के ट्रेलर रिलीज के साथ ही इस फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिला, जहाँ पे फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से ट्रेलर के मुताबिक देखने को मिलती है। रू बाबा कार्तिक आर्यन जो कि लोगों को ठगने का काम करता है, लोगों को चूतिया बनाकर, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि रू बाबा को मीरा कपूर यानी कि तृप्ति दिमरी से प्यार हो जाता है और तृप्ति दिमरी उसे अपने किले यानी कि रक्तगढ़ के किले में ले जाती है, जहां उसे पता चलता है यहां पे कई सारी आत्माएं भटक रही हैं। जानने से मंजुलिका, पुरानी मंजुलिका और नई मंजुलिका के बीच की कुछ कहानियां देखने को मिलती है, जहां पे ये सब के बीच का पहले तो कार्तिक आर्यन को लग रहा होता है कि इस हवेली में कोई भूत ऊत नहीं है और वह इस सबको निपटारा करके तृप्ति दिमरी से जल्द शादी कर लेगा, लेकिन कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है हमें कुछ रहस्यमय घटनाएं साथ ही साथ तृप्ति दिमरी के साथ कुछ अचानक से रहस्यमय घटनाएं होती हुई नजर आती हैं। साथ ही साथ राजपाल यादव, संजय मिश्रा और ये तीनों लोग मिलकर कुछ खिचड़ी पकाते हुए नजर आते हैं, जहां पे
जहाँ पे हमें जानने को मिलता है कि इन वहाँ पे सचमुच में कई सारी भूत और आत्माएं हैं और ये सभी डर के मारे भागने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। जहाँ पे कार्तिक आर्यन यानी कि रू बाबा को पहले लगता है कि यहाँ पे कोई भूत ऊत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है कार्तिक आर्यन को पता चलता है रू बाबा को कि यहाँ पे कई सारी आत्माएं हैं और वो डर के वहाँ से डर के मारे भागने की कोशिश करते हुए नजर आता है। लेकिन इन्हीं सब कारणों के बीच उसे कई सारी कहानियों को रस्में को सुलझाने के लिए मीरा कपूर यानी कि तीती दिमरी मजबूर करती है और बताती है उसके प्यार में पड़ जाने के बाद कार्तिक आर्यन फाइनली डिसाइड करता है कि वो इन आत्माओं को भगाने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आएगा और उनसे वो लड़ने के लिए तैयार होता है। और कई सारे टर्न एंड ट्विस्ट देखने को मिलते हैं जहाँ पे क्रिटिक्स द्वारा बताया जा रहा है कि इस फिल्म के क्लाइमेक्स में हमें अक्षय कुमार उर्फ आदित्य श्रीवास्तव का कैमियो देखने को मिल सकता है। जहाँ पे भूल भुलैया 1 के बाद अक्षय कुमार इस फिल्म में कैमियो करते हुए देखने को मिल सकते हैं। चूँकि भूल भुलैया 1 के हिट होने के बाद लगभग साल 2007 के बाद साल 2022 में टी सीरीज ने पुनः अनाउंस किया था कि भूल भुलैया 2 को बनाया जाएगा। जहाँ पे मेकर्स ने बताया था कि भूल भुलैया 2 में अक्षय कुमार की जगह हमें कार्तिक आर्यन देखने को मिलेंगे। जहाँ पे कार्तिक आर्यन को रिप्लेस करने के बाद भूल भुलैया 2 एक हिट फिल्म साबित हुई। जहाँ की मेकर्स ने उसके कुछ दिनों बाद अनाउंस किया कि भूल भुलैया 3 का अगला पार्ट भी हमें देखने को मिलेगा और मेकर्स ने इस मूवी को फ्रेंचाइज के रूप में बदलने का डिसाइड किया और इसमें कई सारी मूवीज को आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं। जहाँ पे टी सीरीज के मेकर्स इस फिल्म के बाद हमें कई सारी कहानियों को जोड़ते हुए फिल्म में देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ क्रिटिक्स की माने तो इस फिल्म में अक्षय कुमार का छोटा सा लेकिन मजबूत कैमियो देखने को मिल सकता है। वहीं बात कर लें इस फिल्म के ट्रेलर रिस्पॉन्स की और सिंगामा गेम के साथ इस फिल्म के क्लैश की। तो दोस्तों जैसे ही इस फिल्म को 9 अक्टूबर को इस फिल्म के ट्रेलर को रिलीज किया गया, इस फिल्म ने अपने 24 घंटे में लगभग 157 मिलियन से अधिक व्यूज क्रॉस कर दिए। जहां पे इस फिल्म ने सभी पुरानी मूवीज के ट्रेलर को रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सबसे ज़्यादा 24 घंटे में देखे जाने वाला ट्रेलर बना। जहाँ पे सिंघम अगेन के मेकर्स द्वारा अनाउंस किया गया था कि उन्होंने 24 घंटों में लगभग 135 मिलियन से अधिक व्यूज प्राप्त किए हैं। वहीं पे भूल भुलैया 3 के मेकर्स ने बताया कि 24 घंटे में उनके ट्रेलर ने लगभग 158 मिलियन से अधिक व्यूज क्रॉस कर लिए हैं। जहाँ पे भूल भुलैया 3 का ट्रेलर और सिंघम अगेन के ट्रेलर से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित नजर आया है और लोगों को भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन दोनों से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। जहाँ पे सिंघम अगेन एक कल्ट क्लासिक मास मसाला फिल्म होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ भूल भुलैया 3 एक कल्ट क्लासिक हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म होगी। आग देखने में जहाँ पे दोनों फिल्में एक फ्रेंचाइज होंगी, जहाँ पे दोनों फिल्में तीसरी फिल्म की तीसरी कड़ी देखने को मिलेगी। जहाँ पे सिंघम अगेन सिंघम 3 होने वाली है, वहीं भूल भुलैया 3 जो कि भूल भुलैया का थर्ड पार्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों दोनों फिल्मों के बीच जबरदस्त टक्कर होने वाली है। जिस फिल्म की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई, लोगों को वही फिल्म पसंद आने वाली है और वही फिल्म ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो सकती है। जहाँ पे भूल भुलैया के मेकर्स ने पहले ही एक साल पहले बता दिया था कि वो इस फिल्म को 1 नवंबर 2024 को रिलीज करने वाले हैं, वहीं सिंघम अगेन के मेकर्स ने बता दिया कि वो लोग भी इस फिल्म को 31 अक्टूबर 2024 को रिलीज करने वाले हैं। जहाँ पे दोनों के मेकर्स ही दिवाली के मौके पर क्लैश करने वाले हैं। जिस फिल्म की स्टोरी थोड़ी सी भी बेहतर होती हुई नजर आई तो त्यौहार के मौके चल रहे हैं वो फिल्म लगभग 500 से अधिक करोड़ के बीच की कमाई कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो सकती है। अगर भूल भुलैया 3 फिल्म की कहानी में दम हुआ और काफ़ी सारे टर्न एंड ट्विस्ट, क्योंकि इस फिल्म की स्टारकास्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, वहीं दूसरी तरफ सिंघम अगेन की स्टारकास्ट भी काफ़ी ज़्यादा, बहुत सारे बॉलीवुड के एक्ट्रेस देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों दोनों ही फिल्मों में कई स्टारकास्ट काफ़ी बड़ी और भयंकर देखने को मिल रही है। जिस फिल्म की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग और ऑडियंस को बैठाए रखने में कामयाब होती है, वही फिल्म इस दिवाली की विनर फिल्म साबित हो सकती है। वहीं बात कर लें कि भूल भुलैया 3 के मेकर्स को एक प्रॉफिट मिलने वाला है, चूँकि इस फिल्म का बजट लगभग 100 से 120 करोड़ के बीच का होना है। तो दोस्तों इस फिल्म को हिट होने के लिए लगभग 250 से 300 करोड़ के बीच की कमाई करनी होगी। वहीं की बात कर लें सिंघम 3 की, तो दोस्तों इस फिल्म का बजट लगभग 250 से 300 करोड़ के बीच का होगा। तो दोस्तों इस फिल्म को हिट होने के लिए लगभग 400 से 500 करोड़ के बीच की कमाई करनी होगी। तो दोस्तों अगर भूल भुलैया 3 ने 300 करोड़ का भी कलेक्शन कर लिया तो यह फिल्म एक हिट फिल्म साबित हो जाएगी। वहीं बात कर लें इस फिल्म की रिलीजेस की, तो दोस्तों इस फिल्म को 1 नवंबर 2024 को वर्ल्ड वाइड लेवल पे हिंदी के साथ साथ साउथ की सभी लैंग्वेज में रिलीज किया जाने वाला है। वहीं बात कर लें इस फिल्म के OTT रिलीज डेट, सैटेलाइट राइट्स और यूट्यूब प्रीमियर की, तो दोस्तों इस फिल्म के OTT राइट्स को नेटफ्लिक्स द्वारा खरीदा गया है। तो दोस्तों थिएटर रिलीज के कुछ दिनों बाद यह फिल्म आपको नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे, और डिजिटल प्रीमियर की बात करें तो दोस्तों यह फिल्म आपको सोनी मैक्स के टेलीविजन चैनल में Full HD 4K में देखने को मिल जाएगी। भूल भुलैया 3 साल 2024 की अपकमिंग ए हॉरर कॉमेडी इंडियन हिंदी लैंग्वेज की हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन अनीस बज्मी द्वारा किया गया है।
वहीं इस फिल्म की स्टोरी को आकाश कौशिक द्वारा लिखा गया है, वहीं यह फिल्म टी सीरीज फिल्म और सीने वन स्टूडियो द्वारा निर्मित की गई है। यह फिल्म भूल भुलैया फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म है, जो कि भूल भुलैया 3-1 जो कि साल 2007 में, वहीं भूल भुलैया 2 जो कि साल 2022 में के बाद फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगी। वहीं इस फिल्म की कहानी कोलकाता पश्चिम बंगाल के इर्द गिर्द घूमती नजर आने वाली है। वहीं इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अनीस बज्मी। वहीं इस फिल्म की स्टोरी को आकाश कौशिक द्वारा लिखा गया है। वहीं इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं भूषण कुमार, कृष्ण कुमार खेदवानी और मुराद खेदानी। वहीं इस फिल्म के स्टारकास्ट में नजर आएंगे कार्तिक आर्यन रूहान रांधवा रूप बाबा के रूप में, विद्या बालन पुरानी मंजुलिका के रूप में, माधुरी दीक्षित नई मंजुलिका के रूप में, तृप्ति डिमरी मीरा कपूर के रूप में, विजय राज महाराज रक्तघाट के राजा के रूप में नजर आएंगे। वहीं राजपाल यादव नटवर उर्फ छोटा पंडित के रोल में देखने को मिलेंगे। वहीं इनके अलावा संजय मिश्रा जगन्नाथ शास्त्री बड़े पंडित के रोल में, वहीं अक्षय कुमार डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात कर लें इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी मनु आनंद द्वारा की गई है। वहीं इस फिल्म का म्यूजिक संदीप सिरोडकर, बैकग्राउंड स्कोर वहीं तनिष्क बख्शी, सचेत परंपरा, अमाल मलिक, लीजो लॉर्ड, डीजे चेतास द्वारा इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर और बैकग्राउंड म्यूजिक को दिया गया है। वहीं इस फिल्म को एडिट किया है संजय कनकला ने। वहीं इस फिल्म का बजट 150 करोड़ के इर्द गिर्द होने वाला है। वहीं इस फिल्म को 1 नवंबर 2024 को दिवाली के अवसर पर वर्ल्ड वाइड लेवल पर रिलीज किया जाने वाला है। वहीं बात कर लें इस फिल्म की स्टोरी की, तो दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी लगभग कोलकाता के भूल भुलैया 3 फिल्म की कहानी कोलकाता के एक प्राचीन और भूतिया हवेली के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी, जहां रूप बाबा कार्तिक आर्यन एक रहस्यमयी मकसद से पहुंचता है। हवेली का इतिहास बेहद डरावना और यहां पहले भी कई घटनाएं घट चुकी होती हैं। हवेली के अंदर आने वाले लोगों की चीखें आज भी हवेली की दीवारों में गूंजती हैं और सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मंजुलिका की आत्मा, जिसे लोग आज तक भुला नहीं पाए हैं, लेकिन इस बार स्थिति और भी पेचीदा है, क्योंकि अब मंजुलिका की आत्मा केवल अकेली नहीं है बल्कि उसके साथ साथ और भी लोग हैं। वहीं कहानी की शुरुआत रूप बाबा फिर से हवेली में आने से, जहां वह किसी अनजान कारण से खींचा चला था, उसे हवेली के रहस्यों का कुछ अंदाजा है लेकिन असल खतरे की पहचान नहीं होती। हवेली के अंदर आते ही उसे महसूस होता है कि मंजुलिका यानी विद्या बालन की आत्मा अब और भी शक्तिशाली हो गई है और उसके साथ एक और आत्मा जुड़ी हुई है और नई मंजुलिका माधुरी दीक्षित, जो कि उससे भी अधिक प्रतिशोधी और शक्तिशाली होती है। रूप बाबा की मुलाकात मीरा तृप्ति डिमरी से होती है, जो कि एक युवती और हवेली के रहस्यों के पीछे का सच पता लगाने की कोशिश कर रही होती है। मीरा को हवेली के साथ कुछ पुरानी कड़ियाँ जुड़ी हुई मिलती हैं, जो कि उसकी जिंदगी से संबंधित हो सकती हैं। वहीं बात कर लें रूप बाबा और छोटा चेतन, जो कि रूप बाबा के साथ काम करता है, वो दोनों मिलकर लोगों को ठगने का और भूत न होने का इस विश्वास अंधविश्वास के साथ बहुत सारे पैसे कमा हो रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच रूप बाबा की मुलाकात तृप्ति डिमरी यानी कि मीरा कपूर से होती है, जो कि उस किले की मालकिन होती है और वहाँ पे पुराना खंडर जैसे होने वाली वहाँ की मालकिन और उसके पापा वह रक्तघाट के राजा होती हैं, जो कि विजय राज प्ले करने वाली हैं। इन सब के बीच कहानी होती है जहाँ पे रूप बाबा उससे प्यार के चक्कर में उसकी हवेली में जाता है और वहाँ के भूत को भगाने की उससे कसम खाता है। लेकिन कहानी कुछ इस प्रकार से होती है जहाँ पे रूप बाबा को पता चलता है कि वहाँ कुछ पुरानी शक्तियाँ और जिससे रूप बाबा डरकर भागने की कोशिश में नजर आते हुए दिखता है। वहीं जब दोनों मंजुलिका आपस में बढ़ती हैं, जैसे जैसे रूप बाबा और मीरा हवेली के अंदर और गहराई में जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि पुरानी मंजुलिका यानी कि विद्या बालन और नई मंजुलिका के बीच एक पुराना संघर्ष चल रहा है और ये दोनों आत्माएं पुरानी हवेली पर अधिकार जताना चाहती हैं। पुरानी हवेली यानी कि रक्तघाट की का हवेली ने सदियों से इस हवेली को अपना जागीर समझा है, जबकि नई मंजुलिका का दावा है कि वह असली मालकिन वहाँ रक्तघाट के गढ़ की होने वाली है और पुरानी मंजुलिका ने उसे धोखा किया और उसके साथ छल कपट करके यह किया। यहाँ पर कहानी और भी खतरनाक होती हुई नजर आती है, क्योंकि अब रूप बाबा को इन दोनों आत्माओं के बीच समझौता कराना होगा या कि फिर उन्हें रोकना होगा ताकि वो निर्दोष लोगों को नुकसान ना पहुंचा सके। कहानी तब मुश्किल मोड़ में आती है जब पता चलता है कि वो आत्माएं एक दूसरे से लड़ रही हैं और पूरे उस रक्तघाट को रक्तघाट के महल को खंडहर बनाने में तुली हुई हैं। रहस्यमय की गाथा और भी खतरनाक होती है जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है। रूप बाबा को एक प्राचीन किताब मिलती है, जो कि दोनों आत्माओं के पीछे छिपे रहस्यों को खोलती हुई नजर आती है। इसमें खुलासा होता नजर आता है कि मंजुलिका असल में पुराने जमाने में एक रानी थी, जिसे धोखे से उसी हवेली में मरवा दिया गया था और वह सहेली मंजुलिका बनकर हवेली में राज करती है
और इसी गाथा को वर्तमान में फिर से उभर आई है। अब दोनों आत्माएं हवेली पर अपना कब्जा करना चाहती हैं। रू बाबा और मीरा इस गाथा को सुलझाने की कोशिश में लगे होते हैं। इस दौरान उनका सामना नटवर और छोटा पंडित राजपाल यादव और बड़े पंडित संजय मिश्रा से होता है, जो अपनी हस्बैंड लेकिन गंभीर स्थिति में हवेली के रहस्य से जुड़े होते हैं। और वो दोनों रू बाबा और उसके साथी को वो ठहराने में तुले होते हैं कि ये लोग पाखंडी लोग हैं, झूठे पाखंडी लोग हैं। क्लाइमेक्स की ओर जैसे जैसे कहानी बढ़ती वैसे वैसे कार्तिक आर्यन उन तीनों को चूतिया बनाने में कामयाब रहता है और प्रकाश राज जो कि उस किले के राजा हैं और तृप्ति तिमड़ी जो कि उस किले की महारानी होती हैं, कुछ इस प्रकार की रहस्यमयी क्लाइमैक्स में हमें कहानी देखने को मिलती है, जिसे हमें पता चलता है कि हवेली के राजा महाराज विजयराज और उनकी सेना की कहानी भी सामने आती है और इस पूरे कहानी का एक नया संघर्ष सामने निकल कर आता है। और एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि कहानी में मोड़ तब आता है जब पुरानी मंजुलिका और नई मंजुलिका दोनों ही रूप बाबा और मीरा को निशाना बनाने की कोशिश करती हुई नजर आती हैं। हवेली में कई अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं, जैसे कि दीवारों से चीखें निकलना, अचानक जलते दीपक और दरवाजों का खुला बंद होना। अंततः रू बाबा को एक ऐसा उपाय ढूंढना होता है जिससे वह दोनों आत्माओं को शांत कर सके, लेकिन रू बाबा को उन दोनों आत्माओं को देखने के बाद पहले तो रू बाबा को विश्वास नहीं होता कि भूत जैसी नाम की चीज कोई होती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है रू बाबा डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करते हुए नजर आती है। लेकिन मीरा और प्रतिपति तिमरे के रोल में जो कि रानी होती है वहाँ की, वो उसे समझाती है और उसे अपने प्यार में होने के बावजूद वहाँ से उस आत्माओं को निकालने और उसके अंगरक्षक कच्चन की आत्माओं से जुड़ती हुई नजर आती हैं, जो कि भूतिया लड़ाई में शामिल होती जाती हैं। अंतिम युद्ध फिल्म की कहानी बेहद अंतिम के क्लाइमेक्स सीन में बेहद रोमांचक और डरावना हो सकता है, जहां का हवेली में एक भीषण आत्माओं का युद्ध छिड़ा जाता है। रू बाबा अपनी खास शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दोनों मंजुलिका के बीच युद्ध रोकने की कोशिश करते हुए नजर आता है, लेकिन इसी बीच उसकी जान भी खतरे में पड़ जाती है। हवेली के भूतिया माहौल में जब सब कुछ टूट जाता है, बिखरता है, रू बाबा और मीरा का इस रहस्य का अंतिम समाधान मिल जाता है। अंत में दोनों मंजुलिकाओं को आत्माओं की शांति मिलती है और हवेली के बावजूद हमेशा मिट जाता है और रू बाबा और मीरा इस भूतिया अनुभव से बाहर निकलती हैं। लेकिन कहानी में अंतिम मोड़ तब लेती है जब पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव यानी कि अक्षय कुमार की एंट्री होती है, जो एक नए और बड़े रहस्य की ओर संकेत करती है, जिससे फ्रेंचाइज का भविष्य और भी रोमांचक और खतरनाक देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ आपको फिल्म की पूरी कहानी जाननी है तो दोस्तों इस फिल्म की पूरी कहानी जानने के लिए आपको इस फिल्म को थिएटर्स में देखना होगा। वहीं बात कर लें पुल प्ले 3 ओवरऑल केवल एक हॉरर कॉमेडी फिल्म नहीं है, बल्कि इसमें आत्माओं के संघर्ष, पौराणिक कथाओं, रोमांच रहस्यों का संगम, साथ ही साथ हॉरर कॉमेडी स्त्री 2 के बाद हॉरर कॉमेडी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। तो फिल्म को दर्शकों को हंसाने के साथ साथ डराती हुई भी नजर आएगी और फिल्म में रू बाबा की जादुई ताकतें और उनकी रहस्यपूर्ण हरकतें फिल्म में और दिलचस्प बनाने का काम करती हैं। साथ ही साथ फिल्म की कहानी और कॉमेडी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नजर आती है, जिससे ऑडियंस और क्रिटिक्स को मूवी को इस फिल्म में अंत तक बांधे रहने में कामयाब होती हुई नजर आती है। वहीं बात कर लें कि इस फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से मोड़ लेती हुई नजर आ सकती है। साथ ही साथ ऑडियंस और क्रिटिक्स का मानना है कि इस फिल्म में अक्षय कुमार का कैमियो हो सकता है। आने वाले समय में जैसे ही इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा तो पता चल जाएगा कि इस फिल्म में अक्षय कुमार का कैमियो देखने को मिलता है या नहीं। अगर इस फिल्म में अक्षय कुमार का कैमियो हुआ तो दोस्तों यह फिल्म लगभग 400 से 500 करोड़ के बीच की कमाई कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो सकती है, क्योंकि भूल भुलैया 1 जो कि 2007 में रिलीज हुई थी वह एक कल्ट क्लासिक हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जो कि अक्षय कुमार की वजह से एक कल्ट क्लासिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म बन पाई थी, क्योंकि अक्षय कुमार का कॉमेडी रोल्स में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक कल्ट रोल देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर इस फिल्म में अक्षय कुमार का कैमियो हुआ तो दोस्तों यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फाड़ के रख देने वाली है। मैं बात कर लें कि फिल्म की कहानी ट्रेलर देखने के बाद कुछ इसी प्रकार नजर आने वाली है। भूल भुलैया 3 साल 2024 की अपकमिंग ए हॉरर कॉमेडी इंडियन हिंदी लैंग्वेज की हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन अनीस बज्मी द्वारा किया गया है। वहीं इस फिल्म की स्टोरी को आकाश कौशिक द्वारा लिखा गया है। वहीं यह फिल्म टी सीरीज फिल्म और सीने वन स्टूडियो द्वारा निर्मित की गई है। यह फिल्म भूल भुलैया फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म है, जो कि भूल भुलैया 3-1 जो कि साल 2007 में, वहीं भूल भुलैया 2 जो कि साल 2022 में के बाद फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरे मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगी। वहीं इस फिल्म की कहानी कोलकाता पश्चिम बंगाल के इर्द गिर्द घूमती नजर आने वाली है। वहीं इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अनीस बज्मी। वहीं इस फिल्म की स्टोरी को आकाश कौशिक द्वारा लिखा गया है। वहीं इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं भूषण कुमार, कृष्ण कुमार खेदवानी और मुराद खेदानी। वहीं इस फिल्म के स्टारकास्ट में नजर आएंगे कार्तिक आर्यन, रूहान रांधवा रू बाबा के रूप में, विद्या बालन पुरानी मंजुलिका के रूप में, माधुरी दीक्षित नई मंजुलिका के रूप में, तृप्ति तिमरे मीरा कपूर के रूप में,
विजयराज महाराज रक्तघाट के राजा के रूप में नजर आएंगे। वहीं राजपाल यादव नटवर उर्फ छोटा पंडित के रोल में देखने को मिलेंगे। वहीं इनके अलावा संजय मिश्रा जगन्नाथ शास्त्री बड़े पंडित के रोल में, वहीं अक्षय कुमार डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव क्रोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात कर लें इस फिल्म की, सिनेमेटोग्राफी मनु आनंद द्वारा की गई है। वहीं इस फिल्म का म्यूजिक संदीप सिरोडकर, बैकग्राउंड स्कोर वहीं तनिष बख्शी, सचेत परंपरा, अमाल मलिक, लीजो लॉर्ड, डीजे चेतास द्वारा इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर और बैकग्राउंड म्यूजिक को दिया गया है। वहीं इस फिल्म को एडिट किया है संजय कनकला ने। वहीं इस फिल्म का बजट 150 करोड़ के इर्द गिर्द होने वाला है। वहीं इस फिल्म को 1 नवंबर 2024 को दिवाली के अवसर पर वर्ल्ड वाइड लेवल पर रिलीज किया जाने वाला है। वहीं बात कर लें इस फिल्म की स्टोरी की, तो दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी लगभग कोलकाता के भूलभुलैया 3 फिल्म की कहानी कोलकाता के एक प्राचीन और भूतिया हवेली के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी, जहां रूप बाबा कार्तिक आर्यन एक रहस्यमयी मकसद से पहुंचता है। हवेली का इतिहास बेहद डरावना और यहां पहले भी कई घटनाएं घट चुकी होती हैं। हवेली के अंदर आने वाले लोगों की चीखें आज भी हवेली की दीवारों में गूंजती हैं। और सबसे बड़ा रहस्य है कि मंजुलिका की आत्मा, जिसे लोग आज तक भुला नहीं पाए हैं, लेकिन इस बार स्थिति और भी पेचीदा है, क्योंकि अब मंजुलिका की आत्मा केवल अकेली नहीं है बल्कि उसके साथ साथ और भी लोग हैं। वहीं कहानी की शुरुआत रूप बाबा फिर से हवेली में आने से, जहां वह किसी अनजान कारण से खींचा चलाता, उसे हवेली के रहस्यों का कुछ अंदाजा है लेकिन असल खतरे की पहचान नहीं होती। हवेली के अंदर आते ही उसे महसूस होता है कि मंजुलिका यानी विद्या बालन की आत्मा अब और भी शक्तिशाली हो गई है और उसके साथ एक और आत्मा जुड़ी हुई है और नई मंजुलिका माधुरी दीक्षित, जो कि उससे भी अधिक प्रतिशोधी और शक्तिशाली होती है। रूप बाबा की मुलाकात मीरा तृप्ति दिमरी से होती है, जो कि एक युवती और हवेली के रहस्यों के पीछे का सच पता लगाने की कोशिश कर रही होती है। मीरा को हवेली के साथ कुछ पुरानी कड़ियाँ जुड़ी हुई मिलती हैं, जो कि उसकी जिंदगी से संबंधित हो सकती हैं। मैं बात कर लें रूप बाबा और छोटा चेतन, जो कि रूप बाबा के साथ काम करता है, वो दोनों मिलकर लोगों को ठगने का और भूत न होने का इस विश्वास अंधविश्वास के साथ बहुत सारे पैसे कमा रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच रूप बाबा की मुलाकात तृप्ति दिमरी यानी कि मीरा कपूर से होती है, जो कि उस किले की मालकिन होती है और वहाँ पे पुराना खंडर जैसे होने वाली वहाँ की मालकिन, और उसके पापा रक्तघाट के राजा होती हैं, जो कि विजयराज प्ले करने वाली हैं। इन सब के बीच कहानी होती है, जहाँ पे रूप बाबा उससे प्यार के चक्कर में उसकी हवेली में जाता है और वहाँ के भूत को भगाने की उससे कसम खाता है। लेकिन कहानी कुछ इस प्रकार से होती है, जहाँ पे रूप बाबा को पता चलता है कि वहाँ कुछ पुरानी शक्तियाँ, और जिससे रूप बाबा डरकर भागने की कोशिश में नजर आते हुए दिखता है। वहीं जब दोनों मंजुलिका आपस में बढ़ती हैं, जैसे जैसे रूप बाबा और मीरा हवेली के अंदर और गहराई में जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि पुरानी मंजुलिका यानी कि विद्या बालन और नई मंजुलिका के बीच एक पुराना संघर्ष चल रहा है और ये दोनों आत्माएं पुरानी हवेली पर अधिकार जताना चाहती हैं। पुरानी हवेली यानी कि रक्तघाट की का हवेली ने सदियों से इस हवेली को अपना जागीर समझा है, जबकि नई मंजुलिका का दावा है कि वह असली मालकिन वहाँ रक्तघाट के गढ़ की होने वाली है और पुरानी मंजुलिका ने उसे धोखा किया और उसके साथ छल कपट करके यह किया। यहाँ पर कहानी और भी खतरनाक होती हुई नजर आती है, क्योंकि अब रूप बाबा को इन दोनों आत्माओं के बीच समझौता कराना होगा या कि फिर उन्हें रोकना होगा, ताकि वो निर्दोष लोगों को नुकसान ना पहुंचा सके। कहानी तब मुश्किल मोड़ में आती है जब पता चलता है कि वो आत्माएं एक दूसरे से लड़ रही हैं और पूरे उस रक्तघाट के महल को खंडहर बनाने में तुली हुई हैं। रहस्यमय की गाथा और भी खतरनाक होती है, जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है रूप बाबा को एक प्राचीन किताब मिलती है, जो कि दोनों आत्माओं के पीछे छिपे रहस्यों को खोलती हुई नजर आती है। इसमें खुलासा होता नजर आता है कि मंजुलिका असल में पुराने जमाने में एक रानी थी, जिसे धोखे से उसी हवेली में मरवा दिया गया था और वह सहेली मंजुलिका बनकर हवेली में राज करती है और इसी गाथा को वर्तमान में फिर से उभर आई है। अब दोनों आत्माएं हवेली पर अपना कब्जा करना चाहती हैं। रूप बाबा और मीरा इस गाथा को सुलझाने की कोशिश में लगे होते हैं। इस दौरान उनका सामना नटवर और छोटा पंडित राजपाल यादव और बड़े पंडित संजय मिश्रा से होता है, जो अपनी हरसमयी लेकिन गंभीर स्थिति में हवेली के रहस्य से जुड़े होते हैं और वो दोनों रूप बाबा और उसके साथी को वो ठहराने में तुले होते हैं कि ये लोग पाखंडी लोग हैं, झूठे पाखंडी लोग हैं। क्लाइमेक्स की ओर जैसे जैसे कहानी बढ़ती, वैसे वैसे कार्तिक आर्यन उन तीनों को चूतिया बनाने में कामयाब रहता है और प्रकाश राज, जो कि उस किले के राजा हैं, और तृप्ति दिमरी, जो कि उस किले की महारानी होती हैं, कुछ इस प्रकार की क्लाइमैक्स में हमें कहानी देखने को मिलती है, जिससे हमें पता चलता है कि हवेली के राजा महाराज विजयराज और उनकी सेना की कहानी भी सामने आती है और इस पूरे कहानी का एक नया संघर्ष सामने निकल कर आता है। और एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि कहानी में मोड़ तब आता है जब पुरानी मंजुलिका और नई मंजुलिका दोनों ही रूप बाबा और मीरा को निशाना बनाने की कोशिश करती हुई नजर आती हैं।
हवेली में कई अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं, जैसे कि दीवारों से चीखे निकलना, अचानक जलते दीपक और दरवाजों का खुला बंद होना। अंततः रू बाबा को एक ऐसा उपाय ढूंढना होता है जिससे वह दोनों आत्माओं को शांत कर सके। लेकिन रू बाबा को उन दोनों आत्माओं को देखने के बाद पहले तो रू बाबा को विश्वास नहीं होता कि भूत जैसी नाम की चीज कोई होती है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, रू बाबा डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करते हुए नजर आती है। लेकिन मीरा और प्रतिपति दिमरे के रोल में जो कि रानी होती है वहाँ की, वो उसे समझाती है और उसे अपने प्यार में होने के बावजूद वहाँ से उस आत्माओं को निकालने और उसके अंगरक्षक कच्चन की आत्माओं से जुड़ती हुई नजर आती हैं, जो कि भूतिया लड़ाई में शामिल होती जाती हैं। अंतिम युद्ध फिल्म की कहानी बेहद अंतिम के क्लाइमेक्स सीन में बेहद रोमांचक और डरावना हो सकता है, जहाँ का हवेली में एक भीषण आत्माओं का युद्ध छिड़ा जाता है। रू बाबा अपनी खास शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दोनों मंजुलिका के बीच युद्ध रोकने की कोशिश करते हुए नजर आता है, लेकिन इसी बीच उसकी जान भी खतरे में पड़ जाती है। हवेली के भूतिया माहौल में जब सब कुछ टूट जाता है, बिखरता है, रू बाबा और मीरा का इस रहस्य का अंतिम समाधान मिल जाता है। अंत में दोनों मंजुलिकाओं को आत्माओं की शांति मिलती है और हवेली के बावजूद हमेशा मिट जाता है और रू बाबा और मीरा इस भूतिया अनुभव से बाहर निकलती हैं। लेकिन कहानी में अंतिम मोड़ तब लेती है जब पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव यानी कि अक्षय कुमार की एंट्री होती है, जो एक नए और बड़े रहस्य की ओर संकेत करती है, जिससे फ्रेंचाइज का भविष्य और भी रोमांचक और खतरनाक देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ आपको फिल्म की पूरी कहानी जाननी है तो दोस्तों, इस फिल्म की पूरी कहानी जानने के लिए आपको इस फिल्म को थिएटर्स में देखना होगा। वहीं बात कर लें, फुल ब्लड 3 ओवरऑल केवल एक हॉरर कॉमेडी फिल्म नहीं है, बल्कि इसमें आत्माओं के संघर्ष, पौराणिक कथाओं, रोमांच रहस्यों का संगम, साथ ही साथ हॉरर कॉमेडी स्त्री 2 के बाद हॉरर कॉमेडी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। तो फिल्म को दर्शकों को हंसाने के साथ साथ डराती हुई भी नजर आएगी और फिल्म में रू बाबा की जादुई ताकतें और उनकी रहस्यपूर्ण हरकतें फिल्म में और दिलचस्प बनाने का काम करती हैं। साथ ही साथ फिल्म की कहानी और कॉमेडी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नजर आती है, जिससे ऑडियंस और क्रिटिक्स को मूवी को इस फिल्म में अंत तक बांधे रहने में कामयाब होती हुई नजर आती है। वहीं बात कर लें कि इस फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से मोड़ लेती हुई नजर आ सकती है। साथ ही साथ ऑडियंस और क्रिटिक्स का मानना है कि इस फिल्म में अक्षय कुमार का कैमियो हो सकता है। आने वाले समय में जैसे ही इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा तो पता चल जाएगा कि इस फिल्म में अक्षय कुमार का कैमियो देखने को मिलता है या नहीं। अगर इस फिल्म में अक्षय कुमार का कैमियो हुआ तो दोस्तों, यह फिल्म लगभग 400 से 500 करोड़ के बीच की कमाई कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो सकती है, क्योंकि भूल भुलैया 1 जो कि 2007 में रिलीज हुई थी, वह एक कल्ट क्लासिक हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जो कि अक्षय कुमार की वजह से एक कल्ट क्लासिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म बन पाई थी, क्योंकि अक्षय कुमार का कॉमेडी रोल्स में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक कल्ट रोल देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अगर इस फिल्म में अक्षय कुमार का कैमियो हुआ तो दोस्तों, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फाड़ के रख देने वाली है। वहीं बात कर लें कि फिल्म की कहानी टेलर देखने के बाद कुछ इसी प्रकार नजर आने वाली है। वहीं बात कर लें इस फिल्म कास्टिंग और फिल्मांकन की, तो दोस्तों, कार्तिक आर्यन ने भूल भुलैया 2 की भूमिका के लिए फिर से कास्ट किया गया था, जहाँ पे बताया गया था कि भूल भुलैया 2 के बाद कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 के लिए भी साइन किया गया, जहाँ की भूल भुलैया 3 में कार्तिक आर्यन ही हमें मुख्य लीड भूमिका में देखने को मिलेंगे। वहीं 12 फरवरी 2024 को विद्या बालन की वापसी की घोषणा की गई थी। वहीं 21 फरवरी 2024 को माधुरी दीक्षित और तृप्ति दिमरे की 7 फिल्म के साथ जुड़ने की खबर आई थी। वहीं अंततः राजकुमार यादव और संजय मिश्रा, विजय राज और अन्य कलाकार भी प्रमुख भूमिकाओं में शामिल हुए। वहीं फिल्म की शूटिंग 9 मार्च 2024 को पूरी तरह से मुंबई में शुरू हुई थी 9 मार्च 2024 को मुंबई में शुरू हुई, जिसमें कार्तिक आर्यन का पहला ट्रेन सीन के साथ शुरू हुआ, जिसमें निर्देशक अनीस बज्मी ने फिल्म के शूटिंग के दौरान चोट लगी, लेकिन उन्होंने फिल्म की शूटिंग जारी रखा और कोलकाता में फिल्म का अगला शेड्यूल 8 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ, जहां कार्तिक आर्यन को हावड़ा ब्रिज और विक्टोरिया मेमोरियम पर बाइक चलाते हुए शूट किया गया था। इसके बाद फिल्म की शूटिंग मध्य प्रदेश के ऊर्जा लेह लद्दाख में की गई, जहाँ प्रमुख सीन और रोमांटिक गानों को फिल्माया गया। फिल्म का क्लाइमेक्स ओरछा के प्रसिद्ध स्थलों में ओरछा किला और राम राजा मंदिर में शूट किया गया था और अंततः फिल्म की शूटिंग जुलाई 2024 तक फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट करवा ली गई थी। वहीं बात कर लें इस फिल्म के म्यूजिक की, तो दोस्तों, फिल्म का संगीत तनीष बख्शी, सचेत परंपरा, अमाल मलिक, लीजो जॉर्ज, डीजे चेताश ने तैयार किया। वहीं गीतों के बोल समीर रंजन, आर रश्मि, विराग और अन्य द्वारा इस फिल्म के संगीत को लिखा गया है। वहीं फिल्म में टाइटल ट्रैक और ओमी जो तुम्हार गाना फिर से रिक्रिएट किया जाएगा, जो कि भूल भुलैया 2 में भी था, जो कि भूल भुलैया 1 के बाद एक कल्ट क्लासिक बन गया था। वहीं बात कर लें इस फिल्म के टेलर और टीजर की, तो दोस्तों, जैसे इस फिल्म के टीजर को रिलीज किया गया,
ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म के टीजर को कुछ खास रिस्पांस देखने को नहीं मिला तो मेकर्स ने इस फिल्म के ट्रेलर को जल्दी रिलीज करने का फैसला किया, जहां पे सिंगम अगेन के मेकर्स ने टीजर ना रिलीज करते हुए डायरेक्ट ट्रेलर रिलीज करने का फैसला किया और उन्होंने 7 अक्टूबर को अपने ट्रेलर को रिलीज किया, जहाँ पे मेकर्स ने पहले भूलभुलैया 2 के टीजर के बाद 6 अक्टूबर को ट्रेलर रिलीज किया जाने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणवश उन्होंने इस फिल्म के टीजर को ट्रेलर को डिले करते हुए भूलभुलैया के ट्रेलर के 7 अक्टूबर के रिलीज होने के बाद भूलभुलैया के मेकर्स ने सिंगम अगेन के ट्रेलर के 7 अक्टूबर को रिलीज होने के बाद 9 अक्टूबर को भूलभुलैया 3 का ट्रेलर रिलीज किया, जहाँ पे इस फिल्म के ट्रेलर रिलीज के साथ ही इस फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिला, जहाँ पे फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से ट्रेलर के मुताबिक देखने को मिलती है। रूबाबा कार्तिक आर्यन जो कि लोगों को ठगने का काम करता है, लोगों को चूतिया बनाकर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि रूबाबा को मीरा कपूर यानी कि तृप्ति दिमरी से प्यार हो जाता है और तृप्ति दिमरी उसे अपने किले यानी कि रक्तगढ़ के किले में ले जाती है, जहां उसे पता चलता है कि यहां पे कई सारी आत्माएं भटक रही हैं। जानने से मंजुलिका, पुरानी मंजुलिका और नई मंजुलिका के बीच की कुछ कहानियां देखने को मिलती है, जहां पे ये सब के बीच का पहले तो कार्तिक आर्यन को लग रहा होता है कि इस हवेली में कोई भूत ऊत नहीं है और वह इस सबको निपटारा करके तृप्ति दिमरी से जल्द शादी कर लेगा, लेकिन कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है हमें कुछ रहस्यमयी घटनाएं साथ ही साथ तृप्ति दिमरी के साथ कुछ अचानक से रहस्यमयी घटनाएं होती हुई नजर आती हैं, साथ ही साथ राजपाल यादव, संजय मिश्रा और ये तीनों लोग मिलकर कुछ खिचड़ी पकाते हुए नजर आते हैं, जहाँ पे हमें जानने को मिलता है कि इन लोग वहाँ पे सचमुच में कई सारी भूत और आत्माएं हैं और ये सभी डर के मारे भागने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं, जहाँ पे कार्तिक आर्यन यानी कि रूबाबा को पहले लगता है कि यहाँ पे कोई भूत ऊत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है कार्तिक आर्यन को पता चलता है रूबाबा को कि यहाँ पे कई सारी आत्माएं हैं और वो डर के मारे भागने की कोशिश करते हुए नजर आता है, लेकिन इन्हीं सब कारणों के बीच उसे कई सारी कहानियों को रस्में को सुलझाने के लिए मीरा कपूर यानी कि तृप्ति दिमरी मजबूर करती है और बताती है उसके प्यार में पड़ जाने के बाद कार्तिक आर्यन फाइनली डिसाइड करता है कि वो इन आत्माओं को भगाने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आएगा और उनसे वो लड़ने के लिए तैयार होता है और कई सारे टर्न एंड ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, जहाँ पे क्रिटिक्स द्वारा बताया जा रहा है कि इस फिल्म के क्लाइमेक्स में हमें अक्षय कुमार उर्फ आदित्य श्रीवास्तव का कैमियो देखने को मिल सकता है, जहाँ पे भूलभुलैया 1 के बाद अक्षय कुमार इस फिल्म में कैमियो करते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि भूलभुलैया 1 के हिट होने के बाद लगभग साल 2022 में टी सीरीज ने पुनः अनाउंस किया था कि भूलभुलैया 2 को बनाया जाएगा, जहाँ पे मेकर्स ने बताया था कि भूलभुलैया 2 में अक्षय कुमार की जगह हमें कार्तिक आर्यन देखने को मिलेगी, जहाँ पे कार्तिक आर्यन को रिप्लेस करने के बाद भूलभुलैया 2 एक हिट फिल्म साबित हुई, जहाँ के मेकर्स ने उसके कुछ दिनों बाद अनाउंस किया कि भूलभुलैया 3 का अगला पार्ट भी हमें देखने को मिलेगा और मेकर्स ने इस मूवी को फ्रेंचाइज के रूप में बदलने का डिसाइड किया और इसमें कई सारी मूवीज को आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं, जहाँ पे टी सीरीज के मेकर इस फिल्म के बाद हमें कई सारी कहानियों को जोड़ते हुए फिल्में देखने को मिल सकती हैं, साथ ही साथ क्रिटिक्स की माने तो इस फिल्म में अक्षय कुमार का छोटा सा लेकिन मजबूत कैमियो देखने को मिल सकता है। वहीं बात कर लें इस फिल्म के ट्रेलर रिस्पांस की और सिंगम अगेन के साथ इस फिल्म के क्लैश की, तो दोस्तों जैसे ही इस फिल्म को 9 अक्टूबर को इस फिल्म के ट्रेलर को रिलीज किया गया, इस फिल्म ने अपने 24 घंटे में लगभग 157 मिलियन से अधिक व्यूज क्रॉस कर दिए, जहां पे इस फिल्म ने सभी पुरानी मूवीज के ट्रेलर को रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सबसे ज्यादा 24 घंटे में देखे जाने वाला ट्रेलर बना, जहां पे सिंगम अगेन के मेकर्स द्वारा अनाउंस किया गया था कि उन्होंने 24 घंटों में लगभग 135 मिलियन से अधिक व्यूज प्राप्त किए हैं। वहीं पे भूलभुलैया 3 के मेकर्स ने बताया कि 24 घंटे में उनके ट्रेलर ने लगभग 158 मिलियन से अधिक व्यूज क्रॉस कर लिए हैं, जहाँ पे भूलभुलैया 3 का ट्रेलर और सिंगम अगेन के ट्रेलर से काफी ज्यादा प्रभावित नजर आया है और लोगों को भूलभुलैया 3 और सिंगम अगेन दोनों से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, जहाँ पे सिंगम अगेन एक कल्ट क्लासिक मास मसाला फिल्म होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ भूलभुलैया 3 एक कल्ट क्लासिक हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म होगी, आगे देखने में जहाँ पे दोनों फिल्में एक फ्रेंचाइज होंगी, जहाँ पे दोनों फिल्में तीसरी फिल्म की तीसरी कड़ी देखने को मिलेगी, जहाँ पे सिंगम अगेन सिंगम 3 होने वाली है, वहीं भूलभुलैया 3 जो कि भूलभुलैया का थर्ड पार्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों दोनों फिल्मों के बीच जबरदस्त टक्कर होने वाली है, जिस फिल्म की स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी हुई लोगों को वही फिल्म पसंद आने वाली है और वही फिल्म ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो सकती है, जहाँ पे भूलभुलैया के मेकर्स ने पहले ही एक साल पहले बता दिया था कि वो इस फिल्म को 1 नवंबर 2024 को रिलीज करने वाले हैं, वहीं सिंगम अगेन के मेकर्स ने बता दिया कि वो लोग भी इस फिल्म को 31
अक्टूबर 2024 को रिलीज करने वाले हैं, जहाँ पे दोनों के मेकर सी दिवाली के मौके पर क्लैश करने वाले हैं। जिस फिल्म की स्टोरी थोड़ी सी भी बेहतर होती हुई नजर आई तो त्यौहार के मौके चल रहे हैं, वो फिल्म लगभग 500 से अधिक करोड़ के बीच की कमाई कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो सकती है। अगर बुलबुल A3 फिल्म की कहानी में दम हुआ और काफ़ी सारे टर्न एंड ट्विस्ट, क्योंकि इस फिल्म की स्टारकास्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, वहीं दूसरी तरफ सिंघम अगेन की स्टारकास्ट भी काफ़ी ज़्यादा, बहुत सारे बॉलीवुड के एक्ट्रेस देखने को मिलने वाली हैं। तो दोस्तों दोनों ही फिल्मों में कई स्टारकास्ट काफ़ी बड़ी और भयंकर देखने को मिल रही है। जिस फिल्म की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग और ऑडियंस को बैठाए रखने में कामयाब होती है, वही फिल्म इस दिवाली की विनर फिल्म साबित हो सकती है। वहीं बात कर लें कि भूलभुलैया 3 के मेकर्स को एक प्रॉफिट मिलने वाला है, क्योंकि इस फिल्म का बजट लगभग 100 से 120 करोड़ के बीच का होना है। तो दोस्तों इस फिल्म को हिट होने के लिए लगभग 250 से 300 करोड़ के बीच की कमाई करनी होगी। वहीं की बात कर लें सिंघम 3 की, तो दोस्तों इस फिल्म का बजट लगभग 250 से 300 करोड़ के बीच का होगा। तो दोस्तों इस फिल्म को हिट होने के लिए लगभग 400 से 500 करोड़ के बीच की कमाई करनी होगी। तो दोस्तों अगर भूलभुलैया 3 ने 300 करोड़ का भी कलेक्शन कर लिया तो यह फिल्म एक हिट फिल्म साबित हो जाएगी। वहीं बात कर लें इस फिल्म की रिलीजियस की, तो दोस्तों इस फिल्म को 1 नवंबर 2024 को वर्ल्ड वाइड लेवल पे हिंदी के साथ साथ साउथ की सभी लैंग्वेज में रिलीज किया जाने वाला है। वहीं बात कर लें इस फिल्म के OTT रिलीज डेट, सैटेलाइट राइट्स और यूट्यूब प्रीमियर की, तो दोस्तों इस फिल्म के OTT राइट्स को नेटफ्लिक्स द्वारा खरीदा गया है। तो दोस्तों थिएटर रिलीज के कुछ दिनों बाद यह फिल्म आपको नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे, और डिजिटल प्रीमियर की बात करें तो दोस्तों यह फिल्म आपको सोनी मैक्स के टेलीविजन चैनल में Full HD 4K में देखने को मिल जाएगी। भूलभुलैया 3 साल 2024 की अपकमिंग ए हॉरर कॉमेडी इंडियन हिंदी लैंग्वेज की हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन अनीस बज्मी द्वारा किया गया है। वहीं फिल्म की स्टोरी को आकाश कौशिक द्वारा लिखा गया है। वहीं यह फिल्म टी सीरीज फिल्म्स और सिनेवन स्टूडियो द्वारा निर्मित की गई है। यह फिल्म भूलभुलैया फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म है, जो कि भूलभुलैया 3-1 जो कि साल 2007 में, वहीं भूलभुलैया 2 जो कि साल 2022 में के बाद फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगी। वहीं इस फिल्म की कहानी कोलकाता पश्चिम बंगाल के इर्द गिर्द घूमती नजर आने वाली है। वहीं इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अनीस बज्मी। वहीं इस फिल्म की स्टोरी को आकाश कौशिक द्वारा लिखा गया है। वहीं इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं भूषण कुमार, कृष्ण कुमार खेदवानी और मुराद खेदानी। वहीं इस फिल्म के स्टारकास्ट में नजर आएंगे कार्तिक आर्यन, रूहान रांधवा रूप बाबा के रूप में, विद्या बालन पुरानी मंजुलिका के रूप में, माधुरी दीक्षित नई मंजुलिका के रूप में, तृप्ति डिमरी मीरा कपूर के रूप में, विजय राज महाराज रक्तघाट के राजा के रूप में नजर आएंगे। वहीं राजपाल यादव नटपर उर्फ छोटा पंडित के रोल में देखने को मिलेंगे। वहीं इनके अलावा संजय मिश्रा जगन्नाथ शास्त्री बड़े पंडित के रोल में, वहीं अक्षय कुमार डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव क्रोस्ट के डेट सीन में देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात कर लें इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी मनु आनंद द्वारा की गई है। वहीं इस फिल्म का म्यूजिक संदीप सिरोडकर, बैकग्राउंड स्कोर वहीं तनिष बख्शी, सचेत परंपरा, अमाल मलिक, लीजो लॉर्ड, डीजे चेतास द्वारा इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर और बैकग्राउंड म्यूजिक को दिया गया है। वहीं इस फिल्म को एडिट किया है संजय कनकला ने। वहीं इस फिल्म का बजट 150 करोड़ के इर्द गिर्द होने वाला है। वहीं इस फिल्म को 1 नवंबर 2024 को दिवाली के अवसर पर वर्ल्ड वाइड लेवल पर रिलीज किया जाने वाला है। वहीं बात कर लें इस फिल्म की स्टोरी की, तो दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी लगभग कोलकाता के भूलभुलैया 3 फिल्म की कहानी कोलकाता के एक प्राचीन और भूतिया हवेली के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी, जहाँ रूप बाबा कार्तिक आर्यन एक रहस्यमयी मकसद से पहुँचता है। हवेली का इतिहास बेहद डरावना और यहाँ पहले भी कई घटनाएं घट चुकी होती हैं। हवेली के अंदर आने वाले लोगों की चीखें आज भी हवेली की दीवारों में गूंजती हैं, और सबसे बड़ा रहस्य है कि मंजुलिका की आत्मा, जिसे लोग आज तक भुला नहीं पाए हैं, लेकिन इस बार स्थिति और भी पेचीदा है, क्योंकि अब मंजुलिका की आत्मा केवल अकेली नहीं है बल्कि उसके साथ साथ और भी लोग हैं। वहीं कहानी की शुरुआत रूप बाबा फिर से हवेली में आने से, जहाँ वह किसी अनजान कारण से खींचा चलाता, उसे हवेली के रहस्यों का कुछ अंदाजा है लेकिन असल खतरे की पहचान नहीं होती। हवेली के अंदर आते ही उसे महसूस होता है कि मंजुलिका यानी विद्या बालन की आत्मा अब और भी शक्तिशाली हो गई है, और उसके साथ एक और आत्मा जुड़ी हुई है, और नई मंजुलिका माधुरी दीक्षित, जो कि उससे भी अधिक प्रतिशोधी और शक्तिशाली होती है। रूप बाबा की मुलाकात मीरा तृप्ति दिमरी से होती, जो कि एक युवती और हवेली के रहस्यों के पीछे का सच पता लगाने की कोशिश कर रही होती है। मीरा को हवेली के साथ कुछ पुरानी कड़ियाँ जुड़ी हुई मिलती हैं, जो कि उसकी जिंदगी से संबंधित हो सकती हैं। मैं बात कर लें रूप बाबा और छोटा चेतन, जो कि रूप बाबा के साथ काम करता है, वो दोनों मिलकर लोगों को ठगने का और भूत न होने का इस विश्वास अंधविश्वास के साथ बहुत सारे पैसे कमा रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच रूप बाबा की मुलाकात तृप्ति दिमरी यानी कि मीरा कपूर से होती है, जो कि उस
किले की मालकिन होती है और वहाँ पे पुराना खंडर जैसे होने वाली वहाँ की मालकिन और उसके पापा रक्तघाट के राजा होती हैं जो कि विजय राज प्ले करने वाली हैं। इन सब के बीच कहानी होती है जहाँ पे रूबाबा उसे प्यार के चक्कर में उसकी हवेली में जाता है और वहाँ के भूत को भगाने की उससे कसम खाता है। लेकिन कहानी कुछ इस प्रकार से होती है जहाँ पे रूबाबा को पता चलता है कि वहाँ कुछ पुरानी शक्तियाँ और जिससे रूबाबा डरकर भागने की कोशिश में नजर आते हुए दिखता है। वहीं जब दोनों मंजुलिका आपस में बढ़ती हैं, जैसे जैसे रूबाबा और मीरा हवेली के अंदर और गहराई में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पुरानी मंजुलिका यानी कि विद्यावालन और नई मंजुलिका के बीच एक पुराना संघर्ष चल रहा है और ये दोनों आत्माएं पुरानी हवेली पर अधिकार जताना चाहती हैं। पुरानी हवेली यानी कि रक्तघाट की का हवेली ने सदियों से इस हवेली को अपना जागीर समझा है जबकि नई मंजुलिका का दावा है कि वह असली मालकिन वहाँ रक्तघाट के गढ़ की होने वाली है और पुरानी मंजुलिका ने उसे धोखा किया और उसके साथ छल कपट करके यह किया। यहाँ पर कहानी और भी खतरनाक होती हुई नजर आती है क्योंकि अब रू बाबा को इन दोनों आत्माओं के बीच समझौता कराना होगा या कि फिर उन्हें रोकना होगा ताकि वो निर्दोष लोगों को नुकसान ना पहुंचा सके। कहानी तब मुश्किल मोड़ में आती है जब पता चलता है कि वो आत्माएं एक दूसरे से लड़ रही हैं और पूरे उस रक्तघाट के महल को खंडहर बनाने में तुली हुई हैं। रहस्यमय की गाथा और भी खतरनाक होती है जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है। रू बाबा को एक प्राचीन किताब मिलती है जो कि दोनों आत्माओं के पीछे छिपे रहस्यों को खोलती हुई नजर आती है। इसमें खुलासा होता नजर आता है कि मंजुलिका असल में पुराने जमाने में एक रानी थी जिसे धोखे से उसी हवेली में मरवा दिया गया था और वह सहेली मंजुलिका बनकर हवेली में राज करती है और इसी गाथा को वर्तमान में फिर से उभर आई है। अब दोनों आत्माएं हवेली पर अपना कब्जा करना चाहती हैं। रू बाबा और मीरा इस गाथा को सुलझाने की कोशिश में लगे होते हैं। इस दौरान उनका सामना नटवर और छोटा पंडित राजपाल यादव और बड़े पंडित संजय मिश्रा से होता है जो अपनी हरसमयी लेकिन गंभीर स्थिति में हवेली के रहस्य से जुड़े होते हैं और वो दोनों रू बाबा और उसके साथी को वो ठहराने में तुले होते हैं कि ये लोग पाखंडी लोग हैं, झूठे पाखंडी लोग हैं। क्लाइमेक्स की ओर जैसे जैसे कहानी बढ़ती वैसे वैसे कार्तिक आर्यन उन तीनों को चूतिया बनाने में कामयाब रहता है और प्रकाश राज जो कि उस किले के राजा हैं और तृप्ति दिमड़ी जो कि उस किले की महारानी होती हैं कुछ इस प्रकार की रहस्यमयी क्लाइमैक्स में हमें कहानी देखने को मिलती है जिसे हमें पता चलता है कि हवेली के राजा महाराज विजयराज और उनकी सेना की कहानी भी सामने आती है और इस पूरे कहानी का एक नया संघर्ष सामने निकल कर आता है और एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि कहानी में मोड़ तब आता है जब पुरानी मंजुलिका और नई मंजुलिका दोनों ही रू बाबा और मीरा को निशाना बनाने की कोशिश करती हुई नजर आती हैं। हवेली में कई अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं जैसे कि दीवारों से चीखें निकलना, अचानक जलते दीपक और दरवाजों का खुला बंद होना। अंततः रू बाबा को एक ऐसा उपाय ढूंढना होता है जिससे वह दोनों आत्माओं को शांत कर सके। लेकिन रू बाबा को उन दोनों आत्माओं को देखने के बाद पहले तो रू बाबा को विश्वास नहीं होता कि भूत जैसी नाम की चीज कोई होती है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है रू बाबा डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करते हुए नजर आती है। लेकिन मीरा और प्रतिपति के रोल में जो कि रानी होती है वहाँ की वो उसे समझाती है और उसे अपने प्यार में होने के बावजूद वहाँ से उस आत्माओं को निकालने और उसके अंगरक्षक कच्चन की आत्माओं से जुड़ती हुई नजर आती हैं जो कि भूतिया लड़ाई में शामिल होती जाती हैं। अंतिम युद्ध फिल्म की कहानी बेहद अंतिम के क्लाइमेक्स सीन में बेहद रोमांचक और डरावना हो सकता है जहाँ का हवेली में एक भीषण आत्माओं का युद्ध छिड़ा जाता है। रू बाबा अपनी खास शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दोनों मंजुलिका के बीच युद्ध रोकने की कोशिश करते हुए नजर आता है लेकिन इसी बीच उसकी जान भी खतरे में पड़ जाती है। हवेली के भूतिया माहौल में जब सब कुछ टूट जाता है बिखरता है रू बाबा और मीरा का इस रहस्य का अंतिम समाधान मिल जाता है। अंत में दोनों मंजुलिकाओं को आत्माओं की शांति मिलती है और हवेली के बावजूद हमेशा मिट जाता है और रू बाबा और मीरा इस भूतिया अनुभव से बाहर निकलती हैं। लेकिन कहानी में अंतिम मोड़ तब लेती है जब पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव यानी कि अक्षय कुमार की एंट्री होती है जो एक नए और बड़े रहस्य की ओर संकेत करती है जिससे फ्रेंचाइज का भविष्य और भी रोमांचक और खतरनाक देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ आपको फिल्म की पूरी कहानी जाननी है तो दोस्तों इस फिल्म की पूरी कहानी जानने के लिए आपको इस फिल्म को थिएटर्स में देखना होगा। वहीं बात कर लें फुल ब्लड 3 ओवरऑल केवल एक हॉरर कॉमेडी फिल्म नहीं है बल्कि इसमें आत्माओं के संघर्ष, पौराणिक कथाओं, रोमांच रहस्यों का संगम साथ ही साथ हॉरर कॉमेडी स्त्री 2 के बाद हॉरर कॉमेडी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है तो फिल्म को दर्शकों को हंसाने के साथ साथ डराती हुई भी नजर आएगी और फिल्म में रू बाबा की जादुई ताकतें और उनकी रहस्यपूर्ण हरकतें फिल्म में और दिलचस्प बनाने का काम करती हैं।
साथ ही साथ फिल्म की कहानी और कॉमेडी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग नजर आती है, जिससे ऑडियंस और क्रिटिक्स को मूवी को इस फिल्म में अंत तक बांधे रहने में कामयाब होती हुई नजर आती है। वहीं बात कर लें कि इस फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से मोड़ लेती हुई नजर आती है। साथ ही साथ ऑडियंस और क्रिटिक्स का मानना है कि इस फिल्म में अक्षय कुमार का कैमियो हो सकता है। आने वाले समय में जैसे ही इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा तो पता चल जाएगा कि इस फिल्म में अक्षय कुमार का कैमियो देखने को मिलता है या नहीं। अगर इस फिल्म में अक्षय कुमार का कैमियो हुआ तो दोस्तों यह फिल्म लगभग 400 से 500 करोड़ के बीच की कमाई कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो सकती है, क्योंकि भूल भुलैया 1 जो कि 2007 में रिलीज हुई थी वह एक कल्ट क्लासिक हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जो कि अक्षय कुमार की वजह से एक कल्ट क्लासिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म बन पाई थी। क्योंकि अक्षय कुमार का कॉमेडी रोल्स में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक कल्ट रोल देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर इस फिल्म में अक्षय कुमार का कैमियो हुआ तो दोस्तों यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फाड़ के रख देने वाली है। वहीं बात कर लें कि फिल्म की कहानी ट्रेलर देखने के बाद कुछ इसी प्रकार नजर आने वाली है। वहीं बात कर लें इस फिल्म कास्टिंग और फिल्मांकन की, तो दोस्तों कार्तिक आर्यन ने भूल भुलैया 2 की भूमिका के लिए फिर से कास्ट किया गया था, जहाँ पे बताया गया था कि भूल भुलैया 2 के बाद कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 के लिए भी साइन किया गया, जहाँ की भूल भुलैया 3 में कार्तिक आर्यन ही हमें मुख्य लीड भूमिका में देखने को मिलेंगे। वहीं 12 फरवरी 2024 को विद्या बालन की वापसी की घोषणा की गई थी। वहीं 21 फरवरी 2024 को माधुरी दीक्षित और तृप्ति दिवने की साथ फिल्म के साथ जुड़ने की खबर आई थी। वहीं अंततः राजकुमार यादव और संजय मिश्रा, विजय राज और अन्य कलाकार भी प्रमुख भूमिकाओं में शामिल हुए। वहीं फिल्म की शूटिंग 9 मार्च 2024 को पूरी तरह से मुंबई में शुरू हुई थी 9 मार्च 2024 को मुंबई में शुरू हुई, जिसमें कार्तिक आर्यन का पहला ट्रेन सीन के साथ शुरू हुआ, जिसमें निर्देशक अनीस बज्मी ने फिल्म के शूटिंग के दौरान चोट लगी लेकिन उन्होंने फिल्म की शूटिंग जारी रखा और कोलकाता में फिल्म का अगला शेड्यूल 8 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ, जहां कार्तिक आर्यन को हावड़ा ब्रिज और विक्टोरिया मेमोरियम पर बाइक चलाते हुए शूट किया गया था। इसके बाद फिल्म की शूटिंग मध्य प्रदेश के ऊर्जा लेह लद्दाख में की गई, जहाँ प्रमुख सीन और रोमांटिक गानों को फिल्माया गया। फिल्म का क्लाइमेक्स ओरछा के प्रसिद्ध स्थलों में ओरछा किला और राम राजा मंदिर में शूट किया गया था और अंततः फिल्म की शूटिंग जुलाई 2024 तक फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट करवा ली गई थी। वहीं बात कर लें फिल्म के म्यूजिक की, तो दोस्तों फिल्म का संगीत तनिष्क बख्शी, सचेत परंपरा, अमाल मलिक, लीजो जॉर्ज, डीजे चेताश ने तैयार किया। वहीं गीतों के बोल समीर रंजन, आर रश्मि, विराग और अन्य द्वारा इस फिल्म के संगीत को लिखा गया है। वहीं फिल्म में टाइटल ट्रैक और ओमी जो तुम्हार गाना फिर से रिक्रिएट किया जाएगा, जो कि भूलभुलैया 2 में भी था, जो कि भूलभुलैया 1 के बाद एक कल्ट क्लासिक बन गया था। वहीं बात कर लें इस फिल्म के ट्रेलर और टीजर की, तो दोस्तों जैसे इस फिल्म के टीजर को रिलीज किया गया ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म के टीजर को कुछ खास रिस्पांस देखने को नहीं मिला, तो मेकर्स ने इस फिल्म के ट्रेलर को जल्दी रिलीज करने का फैसला किया, जहां पे सिंगम अगेन के मेकर्स ने टीजर ना रिलीज करते हुए डायरेक्ट ट्रेलर रिलीज करने का फैसला किया और उन्होंने 7 अक्टूबर को अपने ट्रेलर को रिलीज किया, जहाँ पे मेकर्स ने पहले भूलभुलैया 2 के टीजर के बाद 6 अक्टूबर को ट्रेलर रिलीज किया जाने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणवश उन्होंने इस फिल्म के टीजर को ट्रेलर को डिले करते हुए भूलभुलैया के ट्रेलर के 7 अक्टूबर के रिलीज होने के बाद भूलभुलैया के मेकर्स ने सिंगम अगेन के ट्रेलर के 7 अक्टूबर को रिलीज होने के बाद 9 अक्टूबर को भूलभुलैया 3 का ट्रेलर रिलीज किया, जहाँ पे इस फिल्म के ट्रेलर रिलीज के साथ ही इस फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिला, जहाँ पे फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से ट्रेलर के मुताबिक देखने को मिलती है। रूबाबा कार्तिक आर्यन, जो कि लोगों को ठगने का काम करता है, लोगों को चूतिया बनाकर, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि रूबाबा को मीरा कपूर यानी कि तृप्ति दिमरी से प्यार हो जाता है और तृप्ति दिमरी उसे अपने किले यानी कि रक्तगढ़ के किले में ले जाती है, जहां उसे पता चलता है कि यहां पे कई सारी आत्माएं भटक रही हैं। जानने से मंजुलिका, पुरानी मंजुलिका और नई मंजुलिका के बीच की कुछ कहानियां देखने को मिलती है, जहां पे यह सब के बीच का पहले तो कार्तिक आर्यन को लग रहा होता है कि इस हवेली में कोई भूत ऊत नहीं है और वह इस सबको निपटारा करके तृप्ति दिमरी से जल्द शादी कर लेगा, लेकिन कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है हमें कुछ रहस्यमय घटनाएं साथ ही साथ तृप्ति दिमरी के साथ कुछ अचानक से रहस्यमय घटनाएं होती हुई नजर आती हैं। साथ ही साथ राजपाल यादव, संजय मिश्रा और ये तीनों लोग मिलकर कुछ खिचड़ी पकाते हुए नजर आते हैं, जहाँ पे हमें जानने को मिलता है कि इन लोग वहाँ पे सचमुच में कई सारी भूत और आत्माएं हैं और ये सभी डर के मारे भागने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं, जहाँ पे कार्तिक आर्यन यानी कि रू बाबा को पहले लगता है कि यहाँ पे कोई भूत ऊत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है कार्तिक आर्यन को पता चलता है रू बाबा को कि यहाँ पे कई सारी आत्माएं हैं और वो डर के मारे भागने की कोशिश करते हुए नजर आता है,
लेकिन इन्हीं सब कारणों के बीच उसे कई सारी कहानियों को रस्में को सुलझाने के लिए मीरा कपूर यानी कि तृप्ति डिमरी मजबूर करती है और बताती है उसके प्यार में पड़ जाने के बाद कार्तिक आर्यन फाइनली डिसाइड करता है कि वो इन आत्माओं को भगाने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आएगा और उनसे वो लड़ने के लिए तैयार होता है और कई सारे टर्न एंड ट्विस्ट देखने को मिलते हैं जहाँ पे क्रिटिक्स द्वारा बताया जा रहा है कि इस फिल्म के क्लाइमेक्स में हमें अक्षय कुमार उर्फ आदित्य श्रीवास्तव का कैमियो देखने को मिल सकता है, जहाँ पे भूल भुलैया 1 के बाद अक्षय कुमार इस फिल्म में कैमियो करते हुए देखने को मिल सकते हैं। चूँकि भूल भुलैया 1 के हिट होने के बाद लगभग साल 2007 के बाद साल 2022 में टी सीरीज ने पुनः अनाउंस किया था कि भूल भुलैया 2 को बनाया जाएगा, जहाँ पे मेकर्स ने बताया था कि भूल भुलैया 2 में अक्षय कुमार की जगह हमें कार्तिक आर्यन देखने को मिलेंगे, जहाँ पे कार्तिक आर्यन को रिप्लेस करने के बाद भूल भुलैया 2 एक हिट फिल्म साबित हुई, जहाँ के मेकर्स ने उसके कुछ दिनों बाद अनाउंस किया कि भूल भुलैया 3 का अगला पार्ट भी हमें देखने को मिलेगा और मेकर्स ने इस मूवी को फ्रेंचाइज के रूप में बदलने का डिसाइड किया और इसमें कई सारी मूवीज को आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं, जहाँ पे टी सीरीज के मेकर इस फिल्म के बाद हमें कई सारी कहानियों को जोड़ते हुए फिल्म में देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ क्रिटिक्स की माने तो इस फिल्म में अक्षय कुमार का छोटा सा लेकिन मजबूत कैमियो देखने को मिल सकता है। वहीं बात कर लें इस फिल्म के ट्रेलर रिस्पॉन्स की और सिंगामा गेम के साथ इस फिल्म के क्लैश की, तो दोस्तों जैसे ही इस फिल्म को 9 अक्टूबर को इस फिल्म के ट्रेलर को रिलीज किया गया, इस फिल्म ने अपने 24 घंटे में लगभग 157 मिलियन से अधिक व्यूज क्रॉस कर दिए, जहां पे इस फिल्म में सभी पुरानी मूवीज के ट्रेलर को रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सबसे ज्यादा 24 घंटे में देखे जाने वाला ट्रेलर बना, जहाँ पे सिंघम अगेन के मेकर द्वारा अनाउंस किया गया था कि उन्होंने 24 घंटों में लगभग 135 मिलियन से अधिक व्यूज प्राप्त किए हैं। वहीं पे भूल भुलैया 3 के मेकर्स ने बताया कि 24 घंटों में उनके ट्रेलर ने लगभग 158 मिलियन से अधिक व्यूज क्रॉस कर लिए हैं, जहाँ पे भूल भुलैया 3 का ट्रेलर और सिंघम अगेन के ट्रेलर से काफी ज्यादा प्रभावित नजर आया है और लोगों को भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन दोनों से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, जहाँ पे सिंघम अगेन एक कल्ट क्लासिक मास मसाला फिल्म होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ भूल भुलैया 3 एक कल्ट क्लासिक हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म होगी। आग देखने में जहाँ पे दोनों फिल्में एक फ्रेंचाइज होंगी, जहाँ पे दोनों फिल्में तीसरी फिल्म की तीसरी कड़ी देखने को मिलेगी, जहाँ पे सिंघम अगेन सिंघम 3 होने वाली है, वहीं भूल भुलैया 3 जो कि भूल भुलैया का थर्ड पार्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों दोनों फिल्मों के बीच जबरदस्त टक्कर होने वाली है, जिस फिल्म की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई लोगों को वही फिल्म पसंद आने वाली है और वही फिल्म ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो सकती है, जहाँ पे भूल भुलैया के मेकर्स ने पहले ही एक साल पहले बता दिया था कि वो इस फिल्म को 1 नवंबर 2024 को रिलीज करने वाले हैं। वहीं सिंघम अगेन के मेकर्स ने बता दिया कि वो लोग भी इस फिल्म को 31 अक्टूबर 2024 को रिलीज करने वाले हैं, जहाँ पे दोनों के मेकर्स ही दिवाली के मौके पर क्लैश करने वाले हैं। जिस फिल्म की स्टोरी थोड़ी सी भी बेहतर होती हुई नजर आई तो त्यौहार के मौके चल रहे हैं वो फिल्म लगभग 500 से अधिक करोड़ के बीच की कमाई कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो सकती है। अगर भूल भुलैया 3 फिल्म की कहानी में दम हुआ और काफ़ी सारे टर्न एंड ट्विस्ट, क्योंकि इस फिल्म की स्टारकास्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, वहीं दूसरी तरफ सिंघम अगेन की स्टारकास्ट भी काफ़ी ज़्यादा, बहुत सारे बॉलीवुड के एक्ट्रेस देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों दोनों ही फिल्मों में कई स्टारकास्ट काफ़ी बड़ी और भयंकर देखने को मिल रही है। जिस फिल्म की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग और ऑडियंस को बैठाए रखने में कामयाब होती है, वही फिल्म इस दिवाली की विनर फिल्म साबित हो सकती है। वहीं बात कर लें कि भूल भुलैया 3 के मेकर्स को एक प्रॉफिट मिलने वाला है, क्योंकि इस फिल्म का बजट लगभग 100 से 120 करोड़ के बीच का होना है, तो दोस्तों इस फिल्म को हिट होने के लिए लगभग 250 से 300 करोड़ के बीच की कमाई करनी होगी। वहीं की बात कर लें सिंघम 3 की, तो दोस्तों इस फिल्म का बजट लगभग 250 से 300 करोड़ के बीच का होगा, तो दोस्तों इस फिल्म को हिट होने के लिए लगभग 400 से 500 करोड़ के बीच की कमाई करनी होगी। तो दोस्तों अगर भूल भुलैया 3 ने 300 करोड़ का भी कलेक्शन कर लिया तो यह फिल्म एक हिट फिल्म साबित हो जाएगी। वहीं बात कर लें इस फिल्म की रिलीजेस की, तो दोस्तों इस फिल्म को 1 नवंबर 2024 को वर्ल्ड वाइड लेवल पे हिंदी के साथ साथ साउथ की सभी लैंग्वेज में रिलीज किया जाने वाला है। वहीं बात कर लें इस फिल्म के OTT रिलीज डेट, सैटेलाइट राइट्स और यूट्यूब प्रीमियर की, तो दोस्तों इस फिल्म के OTT राइट्स को नेटफ्लिक्स द्वारा खरीदा गया है, तो दोस्तों थिएटर रिलीज के कुछ दिनों बाद यह फिल्म आपको नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे, और डिजिटल प्रीमियर की बात करें तो दोस्तों यह फिल्म आपको सोनी मैक्स के टेलीविजन चैनल में Full HD 4K में देखने को मिल जाएगी। भूल भुलैया 3 साल 2024 की अपकमिंग ए हॉरर कॉमेडी इंडियन हिंदी लैंग्वेज की हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन अनीस बज्मी द्वारा किया गया है। वहीं फिल्म की स्टोरी को आकाश कौशिक द्वारा लिखा गया है। वहीं यह फिल्म टी सीरीज फिल्म्स और सीने वन स्टूडियो द्वारा निर्मित की गई है। यह फिल्म भूल भुलैया फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म है, जो कि भूल भुलैया 3-1 जो कि साल 2007 में, वहीं भूल भुलैया 2 जो कि साल 2022 में के बाद फिल्म में कार्तिक आर्यन
के साथ विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगी। वहीं इस फिल्म की कहानी कोलकाता पश्चिम बंगाल के इर्द गिर्द घूमती नजर आने वाली है। वहीं इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अनीस बजमी। वहीं इस फिल्म की स्टोरी को आकाश कौशिक द्वारा लिखा गया है। वहीं इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं भूषण कुमार, कृष्ण कुमार खेदवानी और मुराद खेदानी। वहीं इस फिल्म के स्टारकास्ट में नजर आएंगे कार्तिक आर्यन, रूहान रंधवा रूप बाबा के रूप में, विद्या बालन पुरानी मंजुलिका के रूप में, माधुरी दीक्षित नई मंजुलिका के रूप में, तृप्ति डिमरी मीरा कपूर के रूप में, विजय राज महाराज रक्तघाट के राजा के रूप में नजर आएंगे। वहीं राजपाल यादव नटवर उर्फ छोटा पंडित के रोल में देखने को मिलेंगे। वहीं इनके अलावा संजय मिश्रा जगन्नाथ शास्त्री बड़े पंडित के रोल में, वहीं अक्षय कुमार डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव क्रोस्ट के डेट सीन में देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात कर लें इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी मनु आनंद द्वारा की गई है। वहीं इस फिल्म का म्यूजिक संदीप सिरोडकर, बैकग्राउंड स्कोर वहीं तनिष बख्शी, सचेत परंपरा, अमाल मलिक, लीजो लॉर्ड, डीजे चेतास द्वारा इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर और बैकग्राउंड म्यूजिक को दिया गया है। वहीं इस फिल्म को एडिट किया है संजय कनकला ने। वहीं इस फिल्म का बजट 150 करोड़ के इर्द गिर्द होने वाला है। वहीं इस फिल्म को 1 नवंबर 2024 को दिवाली के अवसर पर वर्ल्ड वाइड लेवल पर रिलीज किया जाने वाला है। वहीं बात कर लें इस फिल्म की स्टोरी की, तो दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी लगभग कोलकाता के भूलभुलैया 3 फिल्म की कहानी कोलकाता के एक प्राचीन और भूतिया हवेली के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी, जहां रूप बाबा कार्तिक आर्यन एक रहस्यमयी मकसद से पहुंचता है। हवेली का इतिहास बेहद डरावना और यहां पहले भी कई घटनाएं घट चुकी होती हैं। हवेली के अंदर आने वाले लोगों की चीखें आज भी हवेली की दीवारों में गूंजती हैं और सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मंजुलिका की आत्मा, जिसे लोग आज तक भुला नहीं पाए हैं, लेकिन इस बार स्थिति और भी पेचीदा है क्योंकि अब मंजुलिका की आत्मा केवल अकेली नहीं है बल्कि उसके साथ साथ और भी लोग हैं। वहीं कहानी की शुरुआत रूप बाबा फिर से हवेली में आने से, जहां वह किसी अनजान कारण से खींचा चला था, उसे हवेली के रहस्यों का कुछ अंदाजा है लेकिन असल खतरे की पहचान नहीं होती। हवेली के अंदर आते ही उसे महसूस होता है कि मंजुलिका यानी विद्या बालन की आत्मा अब और भी शक्तिशाली हो गई है और उसके साथ एक और आत्मा जुड़ी हुई है और नई मंजुलिका माधुरी दीक्षित, जो कि उससे भी अधिक प्रतिशोधी और शक्तिशाली होती है। रूप बाबा की मुलाकात मीरा तृप्ति डिमरी से होती, जो कि एक युवती और हवेली के रहस्यों के पीछे का सच पता लगाने की कोशिश कर रही होती है। मीरा को हवेली के साथ कुछ पुरानी कड़ियाँ जुड़ी हुई मिलती हैं जो कि उसकी जिंदगी से संबंधित हो सकती हैं। मैं बात कर लें रूप बाबा और छोटा चेतन, जो कि रूप बाबा के साथ काम करता है, वो दोनों मिलकर लोगों को ठगने का और भूत न होने का इस विश्वास अंधविश्वास के साथ बहुत सारे पैसे कमा रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच रूप बाबा की मुलाकात तृप्ति डिमरी यानी कि मीरा कपूर से होती है, जो कि उस किले की मालकिन होती है और वहाँ पे पुराना खंडर जैसे होने वाली वहाँ की मालकिन और उसके पापा रक्तघाट के राजा होती हैं, जो कि विजय राज प्ले करने वाली हैं। इन सब के बीच कहानी होती है जहाँ पे रूप बाबा उससे प्यार के चक्कर में उसकी हवेली में जाता है और वहाँ के भूत को भगाने की उससे कसम खाता है। लेकिन कहानी कुछ इस प्रकार से होती है जहाँ पे रूप बाबा को पता चलता है कि वहाँ कुछ पुरानी शक्तियाँ और जिससे रूप बाबा डरकर भागने की कोशिश में नजर आते हुए दिखता है। वहीं जब दोनों मंजुलिका आपस में बढ़ती हैं, जैसे जैसे रूप बाबा और मीरा हवेली के अंदर और गहराई में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पुरानी मंजुलिका यानी कि विद्या बालन और नई मंजुलिका के बीच एक पुराना संघर्ष चल रहा है और ये दोनों आत्माएं पुरानी हवेली पर अधिकार जताना चाहती हैं। पुरानी हवेली यानी कि रक्तघाट की हवेली ने सदियों से इस हवेली को अपना जागीर समझा है, जबकि नई मंजुलिका का दावा है कि वह असली मालकिन वहाँ रक्तघाट के गढ़ की होने वाली है और पुरानी मंजुलिका ने उसे धोखा किया और उसके साथ छल कपट करके यह किया। यहाँ पर कहानी और भी खतरनाक होती हुई नजर आती है क्योंकि अब रूप बाबा को इन दोनों आत्माओं के बीच समझौता कराना होगा या कि फिर उन्हें रोकना होगा ताकि वो निर्दोष लोगों को नुकसान ना पहुंचा सके। कहानी तब मुश्किल मोड़ में आती है जब पता चलता है कि वो आत्माएं एक दूसरे से लड़ रही हैं और पूरे उस रक्तघाट के महल को खंडहर बनाने में तुल हुई हैं। रहस्यमय की गाथा और भी खतरनाक होती है जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है। रूप बाबा को एक प्राचीन किताब मिलती है जो कि दोनों आत्माओं के पीछे छिपे रहस्यों को खोलती हुई नजर आती है। इसमें खुलासा होता नजर आता है कि मंजुलिका असल में पुराने जमाने में एक रानी थी जिसे धोखे से उसी हवेली में मरवा दिया गया था और वह सहेली मंजुलिका बनकर हवेली में राज करती है और इसी गाथा को वर्तमान में फिर से उभर आई है। अब दोनों आत्माएं हवेली पर अपना कब्जा करना चाहती हैं। रूप बाबा और मीरा इस गाथा को सुलझाने की कोशिश में लगे होते हैं। इस दौरान उनका सामना नटवर और छोटा पंडित राजपाल यादव और बड़े पंडित संजय मिश्रा से होता है, जो अपनी हरसमयी लेकिन गंभीर स्थिति में हवेली के रहस्य से जुड़े होते हैं और वो दोनों रूप बाबा और उसके साथी को वो ठहराने में तुले होते हैं कि ये लोग पाखंडी लोग हैं, झूठे पाखंडी लोग हैं।
क्लाइमेक्स की ओर जैसे जैसे कहानी बढ़ती वैसे वैसे कार्तिक आर्यन उन तीनों को चुनकिया बनाने में कामयाब रहता है और प्रकाश राज जो कि उस किले के राजा हैं और तृप्ति तिमड़ी जो कि उस किले की महारानी होती हैं कुछ इस प्रकार की रहस्यमयी क्लाइमैक्स में हमें कहानी देखने को मिलती है जिसे हमें पता चलता है कि हवेली के राजा महाराज विजयराज और उनकी सेना की कहानी भी सामने आती है और इस पूरे कहानी का एक नया संघर्ष सामने निकल कर आता है और एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि कहानी में मोड़ तब आता है जब पुरानी मंजुलिका और नई मंजुलिका दोनों ही रूप बाबा और मीरा को निशाना बनाने की कोशिश करती हुई नजर आती हैं। हवेली में कई अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं जैसे कि दीवारों से चीखें निकलना, अचानक जलते दीपक और दरवाजों का खुला बंद होना। अंततः रू बाबा को एक ऐसा उपाय ढूंढना होता है जिससे वह दोनों आत्माओं को शांत कर सके, लेकिन रू बाबा को उन दोनों आत्माओं को देखने के बाद पहले तो रू बाबा को विश्वास नहीं होता कि भूत जैसी नाम की चीज कोई होती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है रू बाबा डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करते हुए नजर आती है, लेकिन मीरा और प्रतिपति तिमरी के रोल में जो कि रानी होती है वहां की, वो उसे समझाती है और उसे अपने प्यार में होने के बावजूद वहां से उस आत्माओं को निकालने और उसके अंगरक्षक कच्चन की आत्माओं से जुड़ती हुई नजर आती हैं जो कि भूतिया लड़ाई में शामिल होती जाती हैं। अंतिम युद्ध फिल्म की कहानी बेहद अंतिम के क्लाइमेक्स सीन में बेहद रोमांचक और डरावना हो सकता है जहां का हवेली में एक भीषण आत्माओं का युद्ध छिड़ा जाता है। रू बाबा अपनी खास शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दोनों मंजुलिका के बीच युद्ध रोकने की कोशिश करते हुए नजर आता है, लेकिन इसी बीच उसकी जान भी खतरे में पड़ जाती है। हवेली के भूतिया माहौल में जब सब कुछ टूट जाता है बिखरता है रू बाबा और मीरा का इस रहस्य का अंतिम समाधान मिल जाता है। अंत में दोनों मंजुलिकाओं को आत्माओं की शांति मिलती है और हवेली के बावजूद हमेशा मिट जाता है और रू बाबा और मीरा इस भूतिया अनुभव से बाहर निकलती हैं, लेकिन कहानी में अंतिम मोड़ तब लेती है जब पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव यानी कि अक्षय कुमार की एंट्री होती है जो एक नए और बड़े रहस्य की ओर संकेत करती है जिससे फ्रेंचाइज का भविष्य और भी रोमांचक और खतरनाक देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ आपको फिल्म की पूरी कहानी जाननी है तो दोस्तों इस फिल्म की पूरी कहानी जानने के लिए आपको इस फिल्म को थिएटर्स में देखना होगा। वहीं बात कर लें फुल ब्लड 3 ओवरऑल केवल एक हॉरर कॉमेडी फिल्म नहीं है बल्कि इसमें आत्माओं के संघर्ष, पौराणिक कथाओं, रोमांच रहस्यों का संगम, साथ ही साथ हॉरर कॉमेडी स्त्री 2 के बाद हॉरर कॉमेडी इंडिया में काफी ज्यादा प्रचलित है तो फिल्म को दर्शकों को हंसाने के साथ साथ डराती हुई भी नजर आएगी और फिल्म में रू बाबा की जादुई ताकतें और उनकी रहस्यपूर्ण हरकतें फिल्म में और दिलचस्प बनाने का काम करती हैं। साथ ही साथ फिल्म की कहानी और कॉमेडी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग नजर आती है जिससे ऑडियंस और क्रिटिक्स को मूवी को इस फिल्म में अंत तक बांधे रहने में कामयाब होती हुई नजर आती है। वहीं बात कर लें कि इस फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से मोड़ लेती हुई नजर आ सकती है। साथ ही साथ ऑडियंस और क्रिटिक्स का मानना है कि इस फिल्म में अक्षय कुमार का कैमियो हो सकता है। आने वाले समय में जैसे ही इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा तो पता चल जाएगा कि इस फिल्म में अक्षय कुमार का कैमियो देखने को मिलता है या नहीं। अगर इस फिल्म में अक्षय कुमार का कैमियो हुआ तो दोस्तों यह फिल्म लगभग 400 से 500 करोड़ के बीच की कमाई कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो सकती है, क्योंकि भूल भुलैया 1 जो कि 2007 में रिलीज हुई थी वह एक कल्ट क्लासिक हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो कि अक्षय कुमार की वजह से एक कल्ट क्लासिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म बन पाई थी, क्योंकि अक्षय कुमार का कॉमेडी रोल्स में काफी ज्यादा खतरनाक कल्ट रोल देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर इस फिल्म में अक्षय कुमार का कैमियो हुआ तो दोस्तों यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फाड़ के रख देने वाली है। वहीं बात कर लें कि फिल्म की कहानी ट्रेलर देखने के बाद कुछ इसी प्रकार नजर आने वाली है। वहीं बात कर लें इस फिल्म कास्टिंग और फिल्मांकन की तो दोस्तों कार्तिक आर्यन ने भूल भुलैया 2 की भूमिका के लिए फिर से कास्ट किया गया था, जहाँ पे बताया गया था कि भूल भुलैया 2 के बाद कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 के लिए भी साइन किया गया, जहाँ की भूल भुलैया 3 में कार्तिक आर्यन ही हमें मुख्य लीड भूमिका में देखने को मिलेंगे। वहीं 12 फरवरी 2024 को विद्या बालन की वापसी की घोषणा की गई थी। वहीं 21 फरवरी 2024 को माधुरी दीक्षित और तृप्ति तिमड़ी की 7 फिल्म के साथ जुड़ने की खबर आई थी। वहीं अंततः राजकुमार यादव और संजय मिश्रा, विजय राज और अन्य कलाकार भी प्रमुख भूमिकाओं में शामिल हुए। वहीं फिल्म की शूटिंग 9 मार्च 2024 को पूरी तरह से मुंबई में शुरू हुई थी 9 मार्च 2024 को मुंबई में शुरू हुई जिसमें कार्तिक आर्यन का पहला ट्रेन सीन के साथ शुरू हुआ, जिसमें निर्देशक अनीस बज्मी ने फिल्म के शूटिंग के दौरान चोट लगी लेकिन उन्होंने फिल्म की शूटिंग जारी रखा और कोलकाता में फिल्म का अगला शेड्यूल 8 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ, जहां कार्तिक आर्यन को हावड़ा ब्रिज और विक्टोरिया मेमोरियम पर बाइक चलाते हुए शूट किया गया था। इसके बाद फिल्म की शूटिंग मध्य प्रदेश के ऊर्जा लेह लद्दाख में की गई, जहां प्रमुख सीन और रोमांटिक गानों को फिल्माया गया। फिल्म का क्लाइमेक्स ओरछा के प्रसिद्ध स्थलों में ओरछा किला और राम राजा मंदिर में शूट किया गया था और अंततः फिल्म की शूटिंग जुलाई 2024 तक फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट करवा ली गई थी। वहीं बात कर लें इस फिल्म के म्यूजिक की तो दोस्तों फिल्म का संगीत तनीष बख्शी, सचेत परंपरा, अमाल मलिक,
लीजो जॉर्ज डीजे चेताश ने तैयार किया। वहीं गीतों के बोल समीर रंजन आर रश्मि बिराग और अन्य द्वारा इस फिल्म के संगीत को लिखा गया है। फिल्म में टाइटल ट्रैक और ओमी जो तुम्हार गाना फिर से रिक्रिएट किया जाएगा, जो कि बुलबुलैया 2 में भी था, जो कि बुलबुलैया 1 के बाद एक कल्ट क्लासिक बन गया था। वहीं बात कर ले इस फिल्म के ट्रेलर और टीजर की, तो दोस्तों जैसे इस फिल्म के टीजर को रिलीज किया गया, ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म के टीजर को कुछ खास रिस्पांस देखने को नहीं मिला, तो मेकर्स ने इस फिल्म के ट्रेलर को जल्दी रिलीज करने का फैसला किया, जहां पे सिंगम अगेन के मेकर्स ने टीजर ना रिलीज करते हुए डायरेक्ट ट्रेलर रिलीज करने का फैसला किया और उन्होंने 7 अक्टूबर को अपने ट्रेलर को रिलीज किया, जहाँ पे मेकर्स ने पहले बुलबुलैया 2 के टीजर के बाद 6 अक्टूबर को ट्रेलर रिलीज किया जाने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणवश उन्होंने इस फिल्म के टीजर को ट्रेलर को डिले करते हुए बुलबुलैया के ट्रेलर के 7 अक्टूबर के रिलीज होने के बाद बुलबुलैया के मेकर्स ने सिंगम अगेन के ट्रेलर के 7 अक्टूबर को रिलीज होने के बाद 9 अक्टूबर को बुलबुलैया 3 का ट्रेलर रिलीज किया, जहाँ पे इस फिल्म के ट्रेलर रिलीज के साथ ही इस फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिला, जहाँ पे फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से ट्रेलर के मुताबिक देखने को मिलती है। रू बाबा कार्तिक आर्यन जो कि लोगों को ठगने का काम करता है, लोगों को चूतिया बनाकर, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि रू बाबा को मीरा कपूर यानी कि तृप्ति दिमरी से प्यार हो जाता है और तृप्ति दिमरी उसे अपने किले यानी कि रक्तगढ़ के किले में ले जाती है, जहां उसे पता चलता है यहां पे कई सारी आत्माएं भटक रही हैं। जानने से मंजुलिका, पुरानी मंजुलिका और नई मंजुलिका के बीच की कुछ कहानियां देखने को मिलती है, जहां पे ये सब के बीच का, पहले तो कार्तिक आर्यन को लग रहा होता है कि इस हवेली में कोई भूत ऊत नहीं है और वह इस सबको निपटारा करके तृप्ति दिमरी से जल्द शादी कर लेगा, लेकिन कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है हमें कुछ रहस्यमयी घटनाएं साथ ही साथ तृप्ति दिमरी के साथ कुछ अचानक से रहस्यमयी घटनाएं होती हुई नजर आती हैं। साथ ही साथ राजपाल यादव, संजय मिश्रा और ये तीनों लोग मिलकर कुछ खिचड़ी पकाते हुए नजर आते हैं, जहाँ पे हमें जानने को मिलता है कि इन लोग वहाँ पे सचमुच में कई सारी भूत और आत्माएं हैं और ये सभी डर के मारे भागने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं, जहाँ पे कार्तिक आर्यन यानी कि रू बाबा को पहले लगता है कि यहाँ पे कोई भूत ऊत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है कार्तिक आर्यन को पता चलता है रू बाबा को कि यहाँ पे कई सारी आत्माएं हैं और वो डर के मारे भागने की कोशिश करते हुए नजर आता है, लेकिन इन्हीं सब कारणों के बीच उसे कई सारी कहानियों को रस्में को सुलझाने के लिए मीरा कपूर यानी कि तृप्ति दिमरी मजबूर करती है और बताती है उसके प्यार में पड़ जाने के बाद कार्तिक आर्यन फाइनली डिसाइड करता है कि वो इन आत्माओं को भगाने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आएगा और उनसे वो लड़ने के लिए तैयार होता है और कई सारे टर्न एंड ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, जहाँ पे क्रिटिक्स द्वारा बताया जा रहा है कि इस फिल्म के क्लाइमेक्स में अक्षय कुमार उर्फ आदित्य श्रीवास्तव का कैमियो देखने को मिल सकता है, जहाँ पे भूलभुलैया 1 के बाद अक्षय कुमार इस फिल्म में कैमियो करते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि भूलभुलैया 1 के हिट होने के बाद लगभग साल 2022 में टी सीरीज ने पुनः अनाउंस किया था कि भूलभुलैया 2 को बनाया जाएगा, जहाँ पे मेकर्स ने बताया था कि भूलभुलैया 2 में अक्षय कुमार की जगह हमें कार्तिक आर्यन देखने को मिलेंगे, जहाँ पे कार्तिक आर्यन को रिप्लेस करने के बाद भूलभुलैया 2 एक हिट फिल्म साबित हुई, जहाँ के मेकर्स ने उसके कुछ दिनों बाद अनाउंस किया कि भूलभुलैया 3 का अगला पार्ट भी हमें देखने को मिलेगा और मेकर्स ने इस मूवी को फ्रेंचाइज के रूप में बदलने का डिसाइड किया और इसमें कई सारी मूवीज को आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं, जहाँ पे टी सीरीज के मेकर्स इस फिल्म के बाद हमें कई सारी कहानियों को जोड़ते हुए फिल्में देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ क्रिटिक्स की माने तो इस फिल्म में अक्षय कुमार का छोटा सा लेकिन मजबूत कैमियो देखने को मिल सकता है। वहीं बात कर लें इस फिल्म के ट्रेलर रिस्पांस की और सिंगम अगेन के साथ इस फिल्म के क्लैश की, तो दोस्तों जैसे ही इस फिल्म को 9 अक्टूबर को इस फिल्म के ट्रेलर को रिलीज किया गया, इस फिल्म ने अपने 24 घंटे में लगभग 157 मिलियन से अधिक व्यूज क्रॉस कर दिए, जहां पे इस फिल्म में सभी पुरानी मूवीज के ट्रेलर को रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सबसे ज्यादा 24 घंटे में देखे जाने वाला ट्रेलर बना, जहाँ पे सिंगम अगेन के मेकर्स द्वारा अनाउंस किया गया था कि उन्होंने 24 घंटों में लगभग 135 मिलियन से अधिक व्यूज प्राप्त किए हैं। वहीं पे भूलभुलैया 3 के मेकर्स ने बताया कि 24 घंटे में उनके ट्रेलर ने लगभग 158 मिलियन से अधिक व्यूज क्रॉस कर लिए हैं, जहाँ पे भूलभुलैया 3 का ट्रेलर और सिंगम अगेन के ट्रेलर से काफी ज्यादा प्रभावित नजर आया है और लोगों को भूलभुलैया 3 और सिंगम अगेन दोनों से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, जहाँ पे सिंगम अगेन एक कल्ट क्लासिक मास मसाला फिल्म होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ भूलभुलैया 3 एक
कल्ट क्लासिक हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म होगी आग देखने में, जहां पे दोनों फिल्में एक फ्रेंचाइज होंगी, जहां पे दोनों फिल्में तीसरी फिल्म की तीसरी कड़ी देखने को मिलेगी, जहां पे सिंघम अगेन सिंघम 3 होने वाली है, वहीं भूल भुलैया 3 जो कि भूल भुलैया का थर्ड पार्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों दोनों फिल्मों के बीच जबरदस्त टक्कर होने वाली है। जिस फिल्म की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई, लोगों को वही फिल्म पसंद आने वाली है और वही फिल्म ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो सकती है, जहाँ पे भूल भुलैया के मेकर्स ने पहले ही एक साल पहले बता दिया था कि वो इस फिल्म को 1 नवंबर 2024 को रिलीज करने वाले हैं। वहीं सिंघम अगेन के मेकर्स ने बता दिया कि वो लोग भी इस फिल्म को 31 अक्टूबर 2024 को रिलीज करने वाले हैं, जहाँ पे दोनों के मेकर्स ही दिवाली के मौके पर क्लैश करने वाले हैं। जिस फिल्म की स्टोरी थोड़ी सी भी बेहतर होती हुई नजर आई तो त्यौहार के मौके चल रहे हैं, वो फिल्म लगभग 500 से अधिक करोड़ के बीच की कमाई कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो सकती है। अगर भूल भुलैया 3 फिल्म की कहानी में दम हुआ और काफ़ी सारे टर्न एंड ट्विस्ट, क्योंकि इस फिल्म की स्टारकास्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, वहीं दूसरी तरफ सिंघम अगेन की स्टारकास्ट भी काफ़ी ज़्यादा, बहुत सारे बॉलीवुड के एक्ट्रेस देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों दोनों ही फिल्मों में कई स्टारकास्ट काफ़ी बड़ी और भयंकर देखने को मिल रही है। जिस फिल्म की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग और ऑडियंस को बैठाए रखने में कामयाब होती है, वही फिल्म इस दिवाली की विनर फिल्म साबित हो सकती है। वहीं बात कर लें कि भूल भुलैया 3 के मेकर्स को एक प्रॉफिट मिलने वाला है, चूँकि इस फिल्म का बजट लगभग 100 से 120 करोड़ के बीच का होना है। तो दोस्तों इस फिल्म को हिट होने के लिए लगभग 250 से 300 करोड़ के बीच की कमाई करनी होगी। वहीं की बात कर लें सिंघम 3 की, तो दोस्तों इस फिल्म का बजट लगभग 250 से 300 करोड़ के बीच का होगा। तो दोस्तों इस फिल्म को हिट होने के लिए लगभग 400 से 500 करोड़ के बीच की कमाई करनी होगी। तो दोस्तों अगर भूल भुलैया 3 ने 300 करोड़ का भी कलेक्शन कर लिया तो यह फिल्म एक हिट फिल्म साबित हो जाएगी। वहीं बात कर लें इस फिल्म की रिलीजेस की, तो दोस्तों इस फिल्म को 1 नवंबर 2024 को वर्ल्ड वाइड लेवल पे हिंदी के साथ साथ साउथ की सभी लैंग्वेज में रिलीज किया जाने वाला है। वहीं बात कर लें इस फिल्म के OTT रिलीज डेट, सैटेलाइट राइट्स और यूट्यूब प्रीमियर की, तो दोस्तों इस फिल्म के OTT राइट्स को नेटफ्लिक्स द्वारा खरीदा गया है। तो दोस्तों थिएटर रिलीज के कुछ दिनों बाद यह फिल्म आपको नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे, और डिजिटल प्रीमियर की बात करें तो दोस्तों यह फिल्म आपको सोनी मैक्स के टेलीविजन चैनल में फुल HD 4K में देखने को मिल जाएगी। भूल भुलैया 3 साल 2024 की अपकमिंग ए हॉरर कॉमेडी इंडियन हिंदी लैंग्वेज की हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन अनीस बज्मी द्वारा किया गया है। वहीं इस फिल्म की स्टोरी को आकाश कौशिक द्वारा लिखा गया है। वहीं यह फिल्म टी सीरीज फिल्म और सीने वन स्टूडियो द्वारा निर्मित की गई है। यह फिल्म भूल भुलैया फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म है, जो कि भूल भुलैया 3-1 जो कि साल 2007 में, वहीं भूल भुलैया 2 जो कि साल 2022 में के बाद फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगी। वहीं इस फिल्म की कहानी कोलकाता पश्चिम बंगाल के इर्द गिर्द घूमती नजर आने वाली है। वहीं इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अनीस बज्मी। वहीं इस फिल्म की स्टोरी को आकाश कौशिक द्वारा लिखा गया है। वहीं इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं भूषण कुमार, कृष्ण कुमार खेदवानी और मुराद खेदानी। वहीं इस फिल्म के स्टारकास्ट में नजर आएंगे कार्तिक आर्यन रूहान रांधवा रूप बाबा के रूप में, विद्या बालन पुरानी मंजुलिका के रूप में, माधुरी दीक्षित नई मंजुलिका के रूप में, तृप्ति डिमरी मीरा कपूर के रूप में, विजय राज महाराज रक्तघाट के राजा के रूप में नजर आएंगे। वहीं राजपाल यादव नटवर उर्फ छोटा पंडित के रोल में देखने को मिलेंगे। वहीं इनके अलावा संजय मिश्रा जगन्नाथ शास्त्री बड़े पंडित के रोल में, वहीं अक्षय कुमार डॉक्टर अरिजित श्रीवास्तव क्रोस्ट के डेट सीन में देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात कर लें इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी मनु आनंद द्वारा की गई है। वहीं इस फिल्म का म्यूजिक संदीप सिरोडकर, बैकग्राउंड स्कोर वहीं तनिष्क बख्शी, सचेत परंपरा, अमाल मलिक, लीजो लॉर्ड, डीजे चेतास द्वारा इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर और बैकग्राउंड म्यूजिक को दिया गया है। वहीं इस फिल्म को एडिट किया है संजय कनकला ने। वहीं इस फिल्म का बजट 150 करोड़ के इर्द गिर्द होने वाला है। वहीं इस फिल्म को 1 नवंबर 2024 को दिवाली के अवसर पर वर्ल्ड वाइड लेवल पर रिलीज किया जाने वाला है। वहीं बात कर लें इस फिल्म की स्टोरी की, तो दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी लगभग कोलकाता के भूल भुलैया 3 फिल्म की कहानी कोलकाता के एक प्राचीन और भूतिया हवेली के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी, जहां रूप बाबा कार्तिक आर्यन एक रहस्यमयी मकसद से पहुंचता है। हवेली का इतिहास बेहद डरावना और यहां पहले भी कई घटनाएं घट चुकी होती हैं। हवेली के अंदर आने वाले लोगों की चीखें आज भी हवेली की दीवारों में गूंजती हैं, और सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मंजुलिका की आत्मा, जिसे लोग आज तक भुला नहीं पाए हैं, लेकिन इस बार स्थिति और भी पेचीदा है, क्योंकि अब मंजुलिका की आत्मा केवल अकेली नहीं है बल्कि उसके साथ साथ और भी लोग हैं। वहीं कहानी की शुरुआत रूप बाबा फिर से हवेली में आने से, जहां वह किसी अनजान कारण से खींचा चला था, उसे हवेली के रहस्यों का कुछ अंदाजा है लेकिन असल खतरे की पहचान नहीं होती। हवेली के अंदर आते ही उसे महसूस होता है कि मंजुलिका यानी विद्या बालन की आत्मा अब और भी शक्तिशाली हो गई है, और उसके साथ एक और आत्मा जुड़ी हुई है,
और नई मंजूलिका माधुरी दीक्षित जो कि उससे भी अधिक प्रतिशोधी और शक्तिशाली होती है। रू बाबा की मुलाकात मीरा तृप्ति दिमरी से होती जो कि एक युवती और हवेली के रहस्यों के पीछे का सच पता लगाने की कोशिश कर रही होती है। मीरा को हवेली के साथ कुछ पुरानी कड़ियाँ जुड़ी हुई मिलती हैं जो कि उसकी जिंदगी से संबंधित हो सकती हैं। मैं बात कर लें रू बाबा और छोटा चेतन जो कि रू बाबा के साथ काम करता है, वो दोनों मिलकर लोगों को ठगने का और भूत ना होने का इस विश्वास अंधविश्वास के साथ बहुत सारे पैसे कमा रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच रू बाबा की मुलाकात तृप्ति दिमरी यानी कि मीरा कपूर से होती है जो कि उस किले की मालकिन होती है और वहाँ पे पुराना खंडर जैसे होने वाली वहाँ की मालकिन और उसके पापा रक्तघाट के राजा होती हैं जो कि विजय राज प्ले करने वाली हैं। इन सब के बीच कहानी होती है जहाँ पे रू बाबा उसे प्यार के चक्कर में उसकी हवेली में जाता है और वहाँ के भूत को भगाने की उससे कसम खाता है। लेकिन कहानी कुछ इस प्रकार से होती है जहाँ पे रू बाबा को पता चलता है कि वहाँ कुछ पुरानी शक्तियाँ और जिससे रू बाबा डरकर भागने की कोशिश में नजर आते हुए दिखता है। वहीं जब दोनों मंजूलिका आपस में बढ़ती हैं जैसे जैसे रू बाबा और मीरा हवेली के अंदर और गहराई में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पुरानी मंजूलिका यानी कि विद्यावालन और नई मंजूलिका के बीच एक पुराना संघर्ष चल रहा है और ये दोनों आत्माएं पुरानी हवेली पर अधिकार जताना चाहती हैं। पुरानी हवेली यानी कि रक्तघाट की का हवेली ने सदियों से इस हवेली को अपना जागीर समझा है जबकि नई मंजूलिका का दावा है कि वह असली मालकिन वहाँ रक्तघाट के गढ़ की होने वाली है और पुरानी मंजूलिका ने उसे धोखा किया और उसके साथ छल कपट करके यह किया। यहाँ पर कहानी और भी खतरनाक होती हुई नजर आती है क्योंकि अब रू बाबा को इन दोनों आत्माओं के बीच समझौता कराना होगा या कि फिर उन्हें रोकना होगा ताकि वो निर्दोष लोगों को नुकसान ना पहुंचा सके। कहानी तब मुश्किल मोड़ में आती है जब पता चलता है कि वो आत्माएं एक दूसरे से लड़ रही हैं और पूरे उस रक्तघाट को रक्तघाट के महल को खंडहर बनाने में तुली हुई हैं। रहस्यमय की गाथा और भी खतरनाक होती है जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है। रू बाबा को एक प्राचीन किताब मिलती है जो कि दोनों आत्माओं के पीछे छिपे रहस्यों को खोलती हुई नजर आती है। इसमें खुलासा होता नजर आता है कि मंजूलिका असल में पुराने जमाने में एक रानी थी जिसे धोखे से उसी हवेली में मरवा दिया गया था और वह सहेली मंजूलिका बनकर हवेली में राज करती है और इसी गाथा को वर्तमान में फिर से उभर आई है। अब दोनों आत्माएं हवेली पर अपना कब्जा करना चाहती हैं। रू बाबा और मीरा इस गाथा को सुलझाने की कोशिश में लगे होते हैं। इस दौरान उनका सामना नटवर और छोटा पंडित राजपाल यादव और बड़े पंडित संजय मिश्रा से होता है जो अपनी हरसमयी लेकिन गंभीर स्थिति में हवेली के रहस्य से जुड़े होते हैं और वो दोनों रू बाबा और उसके साथी को वो ठहराने में तुले होते हैं कि ये लोग पाखंडी लोग हैं, झूठे पाखंडी लोग हैं। क्लाइमेक्स की ओर जैसे जैसे कहानी बढ़ती वैसे वैसे कार्तिक आर्यन उन तीनों को चूतिया बनाने में कामयाब रहता है और प्रकाश राज जो कि उस किले के राजा हैं और तृप्ति दिमरी जो कि उस किले की महारानी होती हैं कुछ इस प्रकार की रहस्यमयी क्लाइमैक्स में हमें कहानी देखने को मिलती है जिससे हमें पता चलता है कि हवेली के राजा महाराज विजयराज और उनकी सेना की कहानी भी सामने आती है और इस पूरे कहानी का एक नया संघर्ष सामने निकल कर आता है और एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि कहानी में मोड़ तब आता है जब पुरानी मंजूलिका और नई मंजूलिका दोनों ही रू बाबा और मीरा को निशाना बनाने की कोशिश करती हुई नजर आती हैं। हवेली में कई अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं जैसे कि दीवारों से चीखें निकलना, अचानक जलते दीपक और दरवाजों का खुला बंद होना। अंततः रू बाबा को एक ऐसा उपाय ढूंढना होता है जिससे वह दोनों आत्माओं को शांत कर सके। लेकिन रू बाबा को उन दोनों आत्माओं को देखने के बाद पहले तो रू बाबा को विश्वास नहीं होता कि भूत जैसी नाम की चीज कोई होती है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है रू बाबा डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करते हुए नजर आती है। लेकिन मीरा और प्रतिपति दिमरी के रोल में जो कि रानी होती है वहाँ की, वो उसे समझाती है और उसे अपने प्यार में होने के बावजूद वहाँ से उस आत्माओं को निकालने और उसके अंगरक्षक कच्चन की आत्माओं से जुड़ती हुई नजर आती हैं जो कि भूतिया लड़ाई में शामिल होती जाती हैं। अंतिम युद्ध फिल्म की कहानी बेहद अंतिम के क्लाइमेक्स सीन में बेहद रोमांचक और डरावना हो सकता है जहां का हवेली में एक भीषण आत्माओं का युद्ध छिड़ा जाता है। रू बाबा अपनी खास शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दोनों मंजूलिका के बीच युद्ध रोकने की कोशिश करते हुए नजर आता है लेकिन इसी बीच उसकी जान भी खतरे में पड़ जाती है। हवेली के भूतिया माहौल में जब सब कुछ टूट जाता है बिखरता है रू बाबा और मीरा का इस रहस्य का अंतिम समाधान मिल जाता है। अंत में दोनों मंजूलिकाओं को आत्माओं की शांति मिलती है और हवेली के बावजूद हमेशा मिट जाता है और रू बाबा और मीरा इस भूतिया अनुभव से बाहर निकलती हैं। लेकिन कहानी में अंतिम मोड़ तब लेती है जब पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव यानी कि अक्षय कुमार की एंट्री होती है जो एक नए और बड़े रहस्य की ओर संकेत करती है जिससे फ्रेंचाइज का भविष्य और भी रोमांचक और खतरनाक देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ आपको फिल्म की पूरी कहानी जाननी है तो दोस्तों इस फिल्म की पूरी कहानी जानने के लिए आपको इस फिल्म को थिएटर्स में देखना होगा। वहीं बात कर लें फुल ब्लड 3 ओवरऑल केवल एक हॉरर कॉमेडी फिल्म नहीं है बल्कि इसमें आत्माओं के संघर्ष, पौराणिक कथाओं,
रोमांच रहस्यों का संगम, साथ ही साथ हॉरर कॉमेडी स्त्री 2 के बाद हॉरर कॉमेडी इंडिया में काफी ज्यादा प्रचलित है, तो फिल्म को दर्शकों को हंसाने के साथ साथ डराती हुई भी नजर आएगी। और फिल्म में रू बाबा की जादुई ताकतें और उनकी रहस्यपूर्ण हरकतें फिल्म में और दिलचस्प बनाने का काम करती हैं। साथ ही साथ फिल्म की कहानी और कॉमेडी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग नजर आती है, जिससे ऑडियंस और क्रिटिक्स को मूवी को इस फिल्म में अंत तक बांधे रहने में कामयाब होती हुई नजर आती है। वहीं बात कर लें कि इस फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से मोड़ लेती हुई नजर आ सकती है। साथ ही साथ ऑडियंस और क्रिटिक्स का मानना है कि इस फिल्म में अक्षय कुमार का कैमियो हो सकता है। आने वाले समय में जैसे ही इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा तो पता चल जाएगा कि इस फिल्म में अक्षय कुमार का कैमियो देखने को मिलता है या नहीं। अगर इस फिल्म में अक्षय कुमार का कैमियो हुआ तो दोस्तों यह फिल्म लगभग 400 से 500 करोड़ के बीच की कमाई कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो सकती है, क्योंकि भूल भुलैया 1 जो कि 2007 में रिलीज हुई थी वह एक कल्ट क्लासिक हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जो कि अक्षय कुमार की वजह से एक कल्ट क्लासिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म बन पाई थी, क्योंकि अक्षय कुमार का कॉमेडी रोल्स में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक कल्ट रोल देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर इस फिल्म में अक्षय कुमार का कैमियो हुआ तो दोस्तों यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फाड़ के रख देने वाली है। वहीं बात कर लें कि फिल्म की कहानी टेलर देखने के बाद कुछ इसी प्रकार नजर आने वाली है। वहीं बात कर लें इस फिल्म कास्टिंग और फिल्मांकन की, तो दोस्तों कार्तिक आर्यन ने भूल भुलैया 2 की भूमिका के लिए फिर से कास्ट किया गया था, जहाँ पे बताया गया था कि भूल भुलैया 2 के बाद कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 के लिए भी साइन किया गया, जहाँ की भूल भुलैया 3 में कार्तिक आर्यन ही हमें मुख्य लीड भूमिका में देखने को मिलेंगे। वहीं 12 फरवरी 2024 को विद्या बालन की वापसी की घोषणा की गई थी। वहीं 21 फरवरी 2024 को माधुरी दीक्षित और तृप्ति दिमरी की साथ फिल्म के साथ जुड़ने की खबर आई थी। वहीं अंततः राजकुमार यादव और संजय मिश्रा, विजय राज और अन्य कलाकार भी प्रमुख भूमिकाओं में शामिल हुए। वहीं फिल्म की शूटिंग 9 मार्च 2024 को पूरी तरह से मुंबई में शुरू हुई थी। 9 मार्च 2024 को मुंबई में शुरू हुई, जिसमें कार्तिक आर्यन का पहला ट्रेन सीन के साथ शुरू हुआ, जिसमें निर्देशक अनीस बज्मी ने फिल्म के शूटिंग के दौरान चोट लगी, लेकिन उन्होंने फिल्म की शूटिंग जारी रखा और कोलकाता में फिल्म का अगला शेड्यूल 8 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ, जहां कार्तिक आर्यन को हावड़ा ब्रिज और विक्टोरिया मेमोरियम पर बाइक चलाते हुए शूट किया गया था। इसके बाद फिल्म की शूटिंग मध्य प्रदेश के ऊर्जा ले लद्दाख में की गई, जहां प्रमुख सीन और रोमांटिक गानों को फिल्माया गया। फिल्म का क्लाइमेक्स ओरछा के प्रसिद्ध स्थलों में ओरछा किला और राजा राम राजा मंदिर में शूट किया गया था। और अंततः फिल्म की शूटिंग जुलाई 2024 तक फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट करवा ली गई थी। वहीं बात कर लें इस फिल्म के म्यूजिक की, तो दोस्तों फिल्म का संगीत तनीष बख्शी, सचेत परंपरा, अमाल मलिक, लीजुल जॉर्ज, डीजे चेतास ने तैयार किया। वहीं गीतों के बोल समीर रंजन, आर रश्मि, विराग और अन्य द्वारा इस फिल्म के संगीत को लिखा गया है। वहीं फिल्म में टाइटल ट्रैक और ओमी जो तुम्हार गाना फिर से रिक्रिएट किया जाएगा, जो कि भूल भुलैया 2 में भी था, जो कि भूल भुलैया 1 के बाद एक कल्ट क्लासिक बन गया था। वहीं बात कर लें इस फिल्म के ट्रेलर और टीजर की, तो दोस्तों जैसे इस फिल्म के टीजर को रिलीज किया गया, ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म के टीजर को कुछ खास रिस्पांस देखने को नहीं मिला, तो मेकर्स ने इस फिल्म के ट्रेलर को जल्दी रिलीज करने का फैसला किया, जहां पे सिंगम अगेन के मेकर्स ने टीजर ना रिलीज करते हुए डायरेक्ट ट्रेलर रिलीज करने का फैसला किया। और उन्होंने 7 अक्टूबर को अपने ट्रेलर को रिलीज किया, जहाँ पे मेकर्स ने पहले भूल भुलैया 2 के टीजर के बाद 6 अक्टूबर को ट्रेलर रिलीज किया जाने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणवश उन्होंने इस फिल्म के टीजर को ट्रेलर को डिले करते हुए भूल भुलैया के ट्रेलर के 7 अक्टूबर के रिलीज होने के बाद भूल भुलैया के मेकर्स ने सिंगम अगेन के ट्रेलर के 7 अक्टूबर को रिलीज होने के बाद 9 अक्टूबर को भूल भुलैया 3 का ट्रेलर रिलीज किया, जहाँ पे इस फिल्म के ट्रेलर रिलीज के साथ ही इस फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिला, जहाँ पे फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से ट्रेलर के मुताबिक देखने को मिलती है। रू बाबा कार्तिक आर्यन, जो कि लोगों को ठगने का काम करता है, लोगों को चूतिया बनाकर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि रू बाबा को मीरा कपूर यानी कि तृप्ति दिमरी से प्यार हो जाता है, और तृप्ति दिमरी उसे अपने किले यानी कि रक्तगढ़ के किले में ले जाती है, जहां उसे पता चलता है कि यहां पे कई सारी आत्माएं भटक रही हैं। जानने से मंजुलिका, पुरानी मंजुलिका और नई मंजुलिका के बीच की कुछ कहानियां देखने को मिलती है, जहां पे ये सब के बीच का पहले तो कार्तिक आर्यन को लग रहा होता है कि इस हवेली में कोई भूत ऊत नहीं है और वह इस सबको निपटारा करके तृप्ति दिमरी से जल्द शादी कर लेगा, लेकिन कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है हमें कुछ रहस्यमयी घटनाएं साथ ही साथ तृप्ति दिमरी के साथ कुछ अचानक से रहस्यमयी घटनाएं होती हुई नजर आती हैं। साथ ही साथ राजपाल यादव, संजय मिश्रा और ये तीनों लोग मिलकर कुछ खिचड़ी पकाते हुए नजर आते हैं, जहाँ पे हमें जानने को मिलता है कि इन लोग वहाँ पे सचमुच में कई सारी भूत और आत्माएं हैं और ये सभी डर के मारे भागने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं,
जहाँ पे कार्तिक आर्यन यानी कि रू बाबा को पहले लगता है कि यहाँ पे कोई भूत वूत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है कार्तिक आर्यन को पता चलता है रू बाबा को कि यहाँ पे कई सारी आत्माएं हैं और वो डर के वहाँ से डर के मारे भागने की कोशिश करते हुए नजर आता है। लेकिन इन्हीं सब कारणों के बीच उसे कई सारी कहानियों को रस्में को सुलझाने के लिए मीरा कपूर यानी कि तृतीय दिमदी मजबूर करती है और बताती है उसके प्यार में पड़ जाने के बाद कार्तिक आर्यन फाइनली डिसाइड करता है कि वो इन आत्माओं को भगाने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आएगा और उनसे वो लड़ने के लिए तैयार होता है। और कई सारे टर्न एंड ट्विस्ट देखने को मिलते हैं जहाँ पे क्रिटिक्स द्वारा बताया जा रहा है कि इस फिल्म के क्लाइमेक्स में हमें अक्षय कुमार उर्फ आदित्य श्रीवास्तव का कैमियो देखने को मिल सकता है, जहाँ पे भूल भुलैया 1 के बाद अक्षय कुमार इस फिल्म में कैमियो करते हुए देखने को मिल सकते हैं। चूँकि भूल भुलैया 1 के हिट होने के बाद लगभग साल 2007 के बाद साल 2022 में टी सीरीज ने पुनः अनाउंस किया था कि भूल भुलैया 2 को बनाया जाएगा, जहाँ पे मेकर्स ने बताया था कि भूल भुलैया 2 में अक्षय कुमार की जगह हमें कार्तिक आर्यन देखने को मिलेंगी, जहाँ पे कार्तिक आर्यन को रिप्लेस करने के बाद भूल भुलैया 2 एक हिट फिल्म साबित हुई। जहाँ की मेकर्स ने उसके कुछ दिनों बाद अनाउंस किया कि भूल भुलैया 3 का अगला पार्ट भी हमें देखने को मिलेगा और मेकर्स ने इस मूवी को फ्रेंचाइज के रूप में बदलने का डिसाइड किया और इसमें कई सारी मूवीज को आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं। जहाँ पे टी सीरीज के मेकर इस फिल्म के बाद हमें कई सारी कहानियों को जोड़ते हुए फिल्में देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ क्रिटिक्स की माने तो इस फिल्म में अक्षय कुमार का छोटा सा लेकिन मजबूत कैमियो देखने को मिल सकता है। वहीं बात कर लें इस फिल्म के ट्रेलर रिस्पॉन्स की और सिंगामा गेन के साथ इस फिल्म के क्लैश की। तो दोस्तों जैसे ही इस फिल्म को 9 अक्टूबर को इस फिल्म के ट्रेलर को रिलीज किया गया, इस फिल्म ने अपने 24 घंटे में लगभग 157 मिलियन से अधिक व्यूज क्रॉस कर दिए, जहां पे इस फिल्म ने सभी पुरानी मूवीज के ट्रेलर को रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सबसे ज्यादा 24 घंटे में देखे जाने वाला ट्रेलर बना, जहाँ पे सिंघम अगेन के मेकर्स द्वारा अनाउंस किया गया था कि उन्होंने 24 घंटों में लगभग 135 मिलियन से अधिक व्यूज प्राप्त किए हैं। वहीं पे भूल भुलैया 3 के मेकर्स ने बताया कि 24 घंटे में उनके ट्रेलर ने लगभग 158 मिलियन से अधिक व्यूज क्रॉस कर लिए हैं, जहाँ पे भूल भुलैया 3 का ट्रेलर और सिंघम अगेन के ट्रेलर से काफी ज्यादा प्रभावित नजर आया है और लोगों को भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन दोनों से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। जहाँ पे सिंघम अगेन एक कल्ट क्लासिक मास मसाला फिल्म होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ भूल भुलैया 3 एक कल्ट क्लासिक हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म होगी। आग देखने में जहाँ पे दोनों फिल्में एक फ्रेंचाइज होंगी, जहाँ पे दोनों फिल्में तीसरी फिल्म की तीसरी कड़ी देखने को मिलेगी, जहाँ पे सिंघम अगेन सिंघम 3 होने वाली है, वहीं भूल भुलैया 3 जो कि भूल भुलैया का थर्ड पार्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों दोनों फिल्मों के बीच जबरदस्त टक्कर होने वाली है, जिस फिल्म की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई लोगों को वही फिल्म पसंद आने वाली है और वही फिल्म ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो सकती है। जहाँ पे भूल भुलैया के मेकर्स ने पहले ही एक साल पहले बता दिया था कि वो इस फिल्म को 1 नवंबर 2024 को रिलीज करने वाले हैं, वहीं सिंघम अगेन के मेकर्स ने बता दिया कि वो लोग भी इस फिल्म को 31 अक्टूबर 2024 को रिलीज करने वाले हैं, जहाँ पे दोनों के मेकर्स ही दिवाली के मौके पर क्लैश करने वाले हैं। जिस फिल्म की स्टोरी थोड़ी सी भी बेहतर होती हुई नजर आई तो त्यौहार के मौके चल रहे हैं, वो फिल्म लगभग 500 से अधिक करोड़ के बीच की कमाई कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो सकती है। अगर भूल भुलैया 3 फिल्म की कहानी में दम हुआ और काफ़ी सारे टर्न एंड ट्विस्ट, क्योंकि इस फिल्म की स्टारकास्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, वहीं दूसरी तरफ सिंघम अगेन की स्टारकास्ट भी काफ़ी ज़्यादा, बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों दोनों ही फिल्मों में कई स्टारकास्ट काफ़ी बड़ी और भयंकर देखने को मिल रही है, जिस फिल्म की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग और ऑडियंस को बैठाए रखने में कामयाब होती है, वही फिल्म इस दिवाली की विनर फिल्म साबित हो सकती है। वहीं बात कर लें कि भूल भुलैया 3 के मेकर्स को एक प्रॉफिट मिलने वाला है, क्योंकि इस फिल्म का बजट लगभग 100 से 120 करोड़ के बीच का होना है। तो दोस्तों इस फिल्म को हिट होने के लिए लगभग 250 से 300 करोड़ के बीच की कमाई करनी होगी। वहीं की बात कर लें सिंघम 3 की, तो दोस्तों इस फिल्म का बजट लगभग 250 से 300 करोड़ के बीच का होगा। तो दोस्तों इस फिल्म को हिट होने के लिए लगभग 400 से 500 करोड़ के बीच की कमाई करनी होगी। तो दोस्तों अगर भूल भुलैया 3 ने 300 करोड़ का भी कलेक्शन कर लिया तो यह फिल्म एक हिट फिल्म साबित हो जाएगी। वहीं बात कर लें इस फिल्म की रिलीजियस की, तो दोस्तों इस फिल्म को 1 नवंबर 2024 को वर्ल्ड वाइड लेवल पे हिंदी के साथ साथ साउथ की सभी लैंग्वेज में रिलीज किया जाने वाला है। वहीं बात कर लें इस फिल्म के OTT रिलीज डेट, सैटेलाइट राइट्स और यूट्यूब प्रीमियर की, तो दोस्तों इस फिल्म के OTT राइट्स को नेटफ्लिक्स द्वारा खरीदा गया है। तो दोस्तों थिएटर रिलीज के कुछ दिनों बाद यह फिल्म आपको नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे, और डिजिटल प्रीमियर की बात करें तो दोस्तों यह फिल्म आपको सोनी मैक्स के टेलीविजन चैनल में Full HD 4K में देखने को मिल जाएगी। भूल भुलैया 3 साल 2024 की अपकमिंग ए हॉरर कॉमेडी इंडियन हिंदी लैंग्वेज की हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन अनीस बज्मी द्वारा किया गया है। वहीं फिल्म की स्टोरी को आकाश कौशिक द्वारा लिखा गया है। वहीं यह फिल्म टी सीरीज फिल्म्स और सीने वन स्टूडियो द्वारा निर्मित की गई है। यह फिल्म भूल भुलैया फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म है, जो कि भूल भुलैया 3
जो कि साल 2007 में, वहीं भूल भुलैया 2 जो कि साल 2022 में के बाद फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरे मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगी। वहीं इस फिल्म की कहानी कोलकाता पश्चिम बंगाल के इर्द गिर्द घूमती नजर आने वाली है। वहीं इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अनीस बज्मी। वहीं इस फिल्म की स्टोरी को आकाश कौशिक द्वारा लिखा गया है। वहीं इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं भूषण कुमार, कृष्ण कुमार खेदवानी और मुराद खेदानी। वहीं इस फिल्म के स्टारकास्ट में नजर आएंगे कार्तिक आर्यन रूहान रांधवा रूप बाबा के रूप में, विद्या बालन पुरानी मंजुलिका के रूप में, माधुरी दीक्षित नई मंजुलिका के रूप में, तृप्ति डिमरे मीरा कपूर के रूप में, विजय राज महाराज रक्तघाट के राजा के रूप में नजर आएंगे। वहीं राजपाल यादव नटवर उर्फ छोटा पंडित के रोल में देखने को मिलेंगे। वहीं इनके अलावा संजय मिश्रा जगन्नाथ शास्त्री बड़े पंडित के रोल में, वहीं अक्षय कुमार डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव क्रोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात कर लें इस फिल्म की, सिनेमेटोग्राफी मनु आनंद द्वारा की गई है। वहीं इस फिल्म का म्यूजिक संदीप सिरोडकर, बैकग्राउंड स्कोर वहीं तनिष बख्शी, सचेत परंपरा, अमाल मलिक, लीजो लॉर्ड, डीजे चेतास द्वारा इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर और बैकग्राउंड म्यूजिक को दिया गया है। वहीं इस फिल्म को एडिट किया है संजय कनकला ने। वहीं इस फिल्म का बजट 150 करोड़ के इर्द गिर्द होने वाला है। वहीं इस फिल्म को 1 नवंबर 2024 को दिवाली के अवसर पर वर्ल्ड वाइड लेवल पर रिलीज किया जाने वाला है। वहीं बात कर लें इस फिल्म की स्टोरी की, तो दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी लगभग कोलकाता के भूल भुलैया 3 फिल्म की कहानी कोलकाता के एक प्राचीन और भूतिया हवेली के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी, जहां रूप बाबा कार्तिक आर्यन एक रहस्यमयी मकसद से पहुंचता है। हवेली का इतिहास बेहद डरावना और यहां पहले भी कई घटनाएं घट चुकी होती हैं। हवेली के अंदर आने वाले लोगों की चीखें आज भी हवेली की दीवारों में गूंजती हैं और सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मंजुलिका की आत्मा, जिसे लोग आज तक भुला नहीं पाए हैं, लेकिन इस बार स्थिति और भी पेचीदा है क्योंकि अब मंजुलिका की आत्मा केवल अकेली नहीं है बल्कि उसके साथ साथ और भी लोग हैं। वहीं कहानी की शुरुआत रूप बाबा फिर से हवेली में आने से, जहां वह किसी अनजान कारण से खींचा चला था, उसे हवेली के रहस्यों का कुछ अंदाजा है लेकिन असल खतरे की पहचान नहीं होती। हवेली के अंदर आते ही उसे महसूस होता है कि मंजुलिका यानी विद्या बालन की आत्मा अब और भी शक्तिशाली हो गई है और उसके साथ एक और आत्मा जुड़ी हुई है और नई मंजुलिका माधुरी दीक्षित, जो कि उससे भी अधिक प्रतिशोधी और शक्तिशाली होती है। रूप बाबा की मुलाकात मीरा तृप्ति डिमरी से होती, जो कि एक युवती और हवेली के रहस्यों के पीछे का सच पता लगाने की कोशिश कर रही होती है। मीरा को हवेली के साथ कुछ पुरानी कड़ियाँ जुड़ी हुई मिलती हैं जो कि उसकी जिंदगी से संबंधित हो सकती हैं। मैं बात कर लें रूप बाबा और छोटा चेतन, जो कि रूप बाबा के साथ काम करता है, वो दोनों मिलकर लोगों को ठगने का और भूतना होने का इस विश्वास अंधविश्वास के साथ बहुत सारे पैसे कमा रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच रूप बाबा की मुलाकात तृप्ति डिमरी यानी कि मीरा कपूर से होती है, जो कि उस किले की मालकिन होती है और वहाँ पे पुराना खंडर जैसे होने वाली वहाँ की मालकिन और उसके पापा रक्तघाट के राजा होते हैं, जो कि विजय राज प्ले करने वाली हैं। इन सब के बीच कहानी होती है जहाँ पे रूप बाबा उसे प्यार के चक्कर में उसकी हवेली में जाता है और वहाँ के भूत को भगाने की उससे कसम खाता है। लेकिन कहानी कुछ इस प्रकार से होती है जहाँ पे रूप बाबा को पता चलता है कि वहाँ कुछ पुरानी शक्तियाँ और जिससे रूप बाबा डरकर भागने की कोशिश में नजर आते हुए दिखता है। वहीं जब दोनों मंजुलिका आपस में बढ़ती हैं, जैसे जैसे रूप बाबा और मीरा हवेली के अंदर और गहराई में जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि पुरानी मंजुलिका यानी कि विद्या बालन और नई मंजुलिका के बीच एक पुराना संघर्ष चल रहा है और ये दोनों आत्माएं पुरानी हवेली पर अधिकार जताना चाहती हैं। पुरानी हवेली यानी कि रक्तघाट की का हवेली ने सदियों से इस हवेली को अपना जागीर समझा है, जबकि नई मंजुलिका का दावा है कि वह असली मालकिन वहाँ रक्तघाट के गढ़ की होने वाली है और पुरानी मंजुलिका ने उसे धोखा किया और उसके साथ छल कपट करके यह किया। यहाँ पर कहानी और भी खतरनाक होती हुई नजर आती है क्योंकि अब रूप बाबा को इन दोनों आत्माओं के बीच समझौता कराना होगा या कि फिर उन्हें रोकना होगा ताकि वो निर्दोष लोगों को नुकसान ना पहुंचा सके। कहानी तब मुश्किल मोड़ में आती है जब पता चलता है कि वो आत्माएं एक दूसरे से लड़ रही हैं और पूरे उस रक्तघाट के महल को खंडहर बनाने में तुली हुई हैं। रहस्यमय की गाथा और भी खतरनाक होती है जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है। रूप बाबा को एक प्राचीन किताब मिलती है जो कि दोनों आत्माओं के पीछे छिपे रहस्यों को खोलती हुई नजर आती है। इसमें खुलासा होता नजर आता है कि मंजुलिका असल में पुराने जमाने में एक रानी थी जिसे धोखे से उसी हवेली में मरवा दिया गया था और वह सहेली मंजुलिका बनकर हवेली में राज करती है और इसी गाथा को वर्तमान में फिर से उभर आई है। अब दोनों आत्माएं हवेली पर अपना कब्जा करना चाहती हैं। रूप बाबा और मीरा इस गाथा को सुलझाने की कोशिश में लगे होते हैं। इस दौरान उनका सामना नटवर और छोटा पंडित
राजपाल यादव और बड़े पंडित संजय मिश्रा से होता है, जो अपनी हसबैंड लेकिन गंभीर स्थिति में हवेली के रहस्य से जुड़े होते हैं, और वो दोनों रूप बाबा और उसके साथी को वो ठहराने में तुले होते हैं कि ये लोग पाखंडी लोग हैं, झूठे पाखंडी लोग हैं। क्लाइमेक्स की ओर जैसे जैसे कहानी बढ़ती वैसे वैसे कार्तिक आर्यन उन तीनों को चुनकिया बनाने में कामयाब रहता है, और प्रकाश राज जो कि उस किले के राजा हैं और तृप्ति तिमड़ी जो कि उस किले की महारानी होती हैं, कुछ इस प्रकार की रहस्यमयी क्लाइमैक्स में हमें कहानी देखने को मिलती है, जिसे हमें पता चलता है कि हवेली के राजा महाराज विजयराज और उनकी सेना की कहानी भी सामने आती है, और इस पूरे कहानी का एक नया संघर्ष सामने निकल कर आता है, और एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि कहानी में मोड़ तब आता है जब पुरानी मंजुलिका और नई मंजुलिका दोनों ही रूप बाबा और मीरा को निशाना बनाने की कोशिश करती हुई नजर आती हैं। हवेली में कई अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं, जैसे कि दीवारों से चीखे निकलना, अचानक जलते दीपक और दरवाजों का खुला बंद होना। अंततः रू बाबा को एक ऐसा उपाय ढूंढना होता है जिससे वह दोनों आत्माओं को शांत कर सके, लेकिन रू बाबा को उन दोनों आत्माओं को देखने के बाद पहले तो रू बाबा को विश्वास नहीं होता कि भूत जैसी नाम की चीज कोई होती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है रू बाबा डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करते हुए नजर आती है, लेकिन मीरा और प्रतिपति तिमरे के रोल में जो कि रानी होती है वहां की, वो उसे समझाती है और उसे अपने प्यार में होने के बावजूद वहां से उस आत्माओं को निकालने और उसके अंगरक्षक कच्चन की आत्माओं से जुड़ती हुई नजर आती हैं, जो कि भूतिया लड़ाई में शामिल होती जाती हैं। अंतिम युद्ध फिल्म की कहानी बेहद अंतिम के क्लाइमेक्स सीन में बेहद रोमांचक और डरावना हो सकता है, जहां का हवेली में एक भीषण आत्माओं का युद्ध छिड़ा जाता है। रू बाबा अपनी खास शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दोनों मंजुलिका के बीच युद्ध रोकने की कोशिश करते हुए नजर आता है, लेकिन इसी बीच उसकी जान भी खतरे में पड़ जाती है। हवेली के भूतिया माहौल में जब सब कुछ टूट जाता है, बिखरता है, रू बाबा और मीरा का इस रहस्य का अंतिम समाधान मिल जाता है। अंत में दोनों मंजुलिकाओं को आत्माओं की शांति मिलती है और हवेली के बावजूद हमेशा मिट जाता है, और रू बाबा और मीरा इस भूतिया अनुभव से बाहर निकलती हैं, लेकिन कहानी में अंतिम मोड़ तब लेती है जब पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव यानी कि अक्षय कुमार की एंट्री होती है, जो एक नए और बड़े रहस्य की ओर संकेत करती है, जिससे फ्रेंचाइज का भविष्य और भी रोमांचक और खतरनाक देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ आपको फिल्म की पूरी कहानी जाननी है तो दोस्तों इस फिल्म की पूरी कहानी जानने के लिए आपको इस फिल्म को थिएटर्स में देखना होगा। वहीं बात कर लें फुल ब्लेड 3 ओवरऑल केवल एक हॉरर कॉमेडी फिल्म नहीं है, बल्कि इसमें आत्माओं के संघर्ष, पौराणिक कथाओं, रोमांच रहस्यों का संगम, साथ ही साथ हॉरर कॉमेडी स्त्री 2 के बाद हॉरर कॉमेडी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, तो फिल्म को दर्शकों को हंसाने के साथ साथ डराती हुई भी नजर आएगी, और फिल्म में रू बाबा की जादुई ताकतें और उनकी रहस्यपूर्ण हरकतें फिल्म में और दिलचस्प बनाने का काम करती हैं। साथ ही साथ फिल्म की कहानी और कॉमेडी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नजर आती है, जिससे ऑडियंस और क्रिटिक्स को मूवी को इस फिल्म में अंत तक बांधे रहने में कामयाब होती हुई नजर आती है। वहीं बात कर लें कि इस फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से मोड़ लेती हुई नजर आ सकती है। साथ ही साथ ऑडियंस और क्रिटिक्स का मानना है कि इस फिल्म में अक्षय कुमार का कैमियो हो सकता है। आने वाले समय में जैसे ही इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा तो पता चल जाएगा कि इस फिल्म में अक्षय कुमार का कैमियो देखने को मिलता है या नहीं। अगर इस फिल्म में अक्षय कुमार का कैमियो हुआ तो दोस्तों यह फिल्म लगभग 400 से 500 करोड़ के बीच की कमाई कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो सकती है, क्योंकि भूल भुलैया 1 जो कि 2007 में रिलीज हुई थी वह एक कल्ट क्लासिक हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जो कि अक्षय कुमार की वजह से एक कल्ट क्लासिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म बन पाई थी, क्योंकि अक्षय कुमार का कॉमेडी रोल्स में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक कल्ट रोल देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर इस फिल्म में अक्षय कुमार का कैमियो हुआ तो दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फाड़ के रख देने वाली है। मैं बात कर लें कि फिल्म की कहानी टेलर देखने के बाद कुछ इसी प्रकार नजर आने वाली है। मैं बात कर लें इस फिल्म कास्टिंग और फिल्मांकन की, तो दोस्तों कार्तिक आर्यन ने भूल भुलैया 2 की भूमिका के लिए फिर से कास्ट किया गया था, जहाँ पे बताया गया था कि भूल भुलैया 2 के बाद कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 के लिए भी साइन किया गया, जहाँ की भूल भुलैया 3 में कार्तिक आर्यन ही हमें मुख्य लीड भूमिका में देखने को मिलेंगे। वहीं 12 फरवरी 2024 को विद्या बालन की वापसी की घोषणा की गई थी। वहीं 21 फरवरी 2024 को माधुरी दीक्षित और तृप्ति तिमड़ी की 7 फिल्म के साथ जुड़ने की खबर आई थी। वहीं अंततः राजकुमार यादव और संजय मिश्रा, विजय राज और अन्य कलाकार भी प्रमुख भूमिकाओं में शामिल हुए। वहीं फिल्म की शूटिंग 9 मार्च 2024 को पूरी तरह से मुंबई में शुरू हुई थी 9 मार्च 2024 को मुंबई में शुरू हुई, जिसमें कार्तिक आर्यन का पहला ट्रेन सीन के साथ शुरू हुआ, जिसमें निर्देशक अनीस बजमी ने फिल्म के शूटिंग के दौरान चोट लगी, लेकिन उन्होंने फिल्म की शूटिंग जारी रखा और कोलकाता में फिल्म का अगला शेड्यूल 8 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ, जहां कार्तिक आर्यन को हावड़ा ब्रिज और विक्टोरिया मेमोरियम पर बाइक चलाते हुए शूट किया गया था। इसके बाद फिल्म की शूटिंग मध्य प्रदेश के ऊर्जा लेह लद्दाख में की गई, जहां प्रमुख सीन और रोमांटिक गानों को फिल्माया गया।
फिल्म का क्लाइमेक्स ओरछा के प्रसिद्ध स्थलों में ओरछा किला और राजा राम राजा मंदिर में शूट किया गया था और अंततः फिल्म की शूटिंग जुलाई 2024 तक फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट करवा ली गई थी। वहीं बात कर लें इस फिल्म के म्यूजिक की तो दोस्तों फिल्म का संगीत तनीष बख्शी, सचेत परंपरा, अमाल मलिक, लीजो जॉर्ज, डीजे चेतास ने तैयार किया। वहीं गीतों के बोल समीर रंजन, रश्मि बिराग और अन्य द्वारा इस फिल्म के संगीत को लिखा गया है। वहीं फिल्म में टाइटल ट्रैक और ओमी जो तुम्हार गाना फिर से रिक्रिएट किया जाएगा जो कि बुलबुल 2 में भी था, जो कि बुलबुल 1 के बाद एक कल्ट क्लासिक बन गया था। वहीं बात कर लें इस फिल्म के ट्रेलर और टीजर की तो दोस्तों जैसे इस फिल्म के टीजर को रिलीज किया गया ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म के टीजर को कुछ खास रिस्पांस देखने को नहीं मिला तो मेकर्स ने इस फिल्म के ट्रेलर को जल्दी रिलीज करने का फैसला किया, जहां पे सिंगम अगेन के मेकर्स ने टीजर ना रिलीज करते हुए डायरेक्ट ट्रेलर रिलीज करने का फैसला किया और उन्होंने 7 अक्टूबर को अपने ट्रेलर को रिलीज किया, जहां पे मेकर्स ने पहले भूलभुलैया 2 के टीजर के बाद 6 अक्टूबर को ट्रेलर रिलीज किया जाने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणवश उन्होंने इस फिल्म के टीजर को ट्रेलर को डिले करते हुए भूलभुलैया के ट्रेलर के 7 अक्टूबर के रिलीज होने के बाद भूलभुलैया के मेकर्स ने सिंगम अगेन के ट्रेलर के 7 अक्टूबर को रिलीज होने के बाद 9 अक्टूबर को भूलभुलैया 3 का ट्रेलर रिलीज किया, जहाँ पे इस फिल्म के ट्रेलर रिलीज के साथ ही इस फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिला, जहाँ पे फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से ट्रेलर के मुताबिक देखने को मिलती है। रूबाबा कार्तिक आर्यन जो कि लोगों को ठगने का काम करता है, लोगों को चूतिया बनाकर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि रूबाबा को मीरा कपूर यानी कि तृप्ति दिमरी से प्यार हो जाता है और तृप्ति दिमरी उसे अपने किले यानी कि रक्तगढ़ के किले में ले जाती है, जहां उसे पता चलता है कि यहां पे कई सारी आत्माएं भटक रही हैं। जानने से मंजुलिका, पुरानी मंजुलिका और नई मंजुलिका के बीच की कुछ कहानियां देखने को मिलती है, जहां पे ये सब के बीच का पहले तो कार्तिक आर्यन को लग रहा होता है कि इस हवेली में कोई भूत ऊत नहीं है और वह इस सबको निपटारा करके तृप्ति दिमरी से जल्द शादी कर लेगा, लेकिन कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है हमें कुछ रहस्यमय घटनाएं साथ ही साथ तृप्ति दिमरी के साथ कुछ अचानक से रहस्यमय घटनाएं होती हुई नजर आती हैं। साथ ही साथ राजपाल यादव, संजय मिश्रा और ये तीनों लोग मिलकर कुछ खिचड़ी पकाते हुए नजर आते हैं, जहाँ पे हमें जानने को मिलता है कि इन लोग वहाँ पे सचमुच में कई सारी भूत और आत्माएं हैं और ये सभी डर के मारे भागने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं, जहाँ पे कार्तिक आर्यन यानी कि रूबाबा को पहले लगता है कि यहाँ पे कोई भूत ऊत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है कार्तिक आर्यन को पता चलता है रूबाबा को कि यहाँ पे कई सारी आत्माएं हैं और वो डर के मारे भागने की कोशिश करते हुए नजर आता है, लेकिन इन्हीं सब कारणों के बीच उसे कई सारी कहानियों को रस्में को सुलझाने के लिए मीरा कपूर यानी कि तृप्ति दिमरी मजबूर करती है और बताती है। उसके प्यार में पड़ जाने के बाद कार्तिक आर्यन फाइनली डिसाइड करता है कि वो इन आत्माओं को भगाने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आएगा और उनसे वो लड़ने के लिए तैयार होता है और कई सारे टर्न एंड ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, जहाँ पे क्रिटिक्स द्वारा बताया जा रहा है कि इस फिल्म के क्लाइमेक्स में अक्षय कुमार उर्फ आदित्य श्रीवास्तव का कैमियो देखने को मिल सकता है, जहाँ पे भूलभुलैया 1 के बाद अक्षय कुमार इस फिल्म में कैमियो करते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि भूलभुलैया 1 के हिट होने के बाद लगभग साल 2022 में टी सीरीज ने पुनः अनाउंस किया था कि भूलभुलैया 2 को बनाया जाएगा, जहाँ पे मेकर्स ने बताया था कि भूलभुलैया 2 में अक्षय कुमार की जगह हमें कार्तिक आर्यन देखने को मिलेंगे, जहाँ पे कार्तिक आर्यन को रिप्लेस करने के बाद भूलभुलैया 2 एक हिट फिल्म साबित हुई, जहाँ के मेकर्स ने उसके कुछ दिनों बाद अनाउंस किया कि भूलभुलैया 3 का अगला पार्ट भी हमें देखने को मिलेगा और मेकर्स ने इस मूवी को फ्रेंचाइज के रूप में बदलने का डिसाइड किया और इसमें कई सारी मूवीज को आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं, जहाँ पे टी सीरीज के मेकर इस फिल्म के बाद हमें कई सारी कहानियों को जोड़ते हुए फिल्में देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ क्रिटिक्स की माने तो इस फिल्म में अक्षय कुमार का छोटा सा लेकिन मजबूत कैमियो देखने को मिल सकता है। वहीं बात कर लें इस फिल्म के ट्रेलर रिस्पांस की और सिंगम अगेन के साथ इस फिल्म के क्लैश की तो दोस्तों जैसे ही इस फिल्म को 9 अक्टूबर को इस फिल्म के ट्रेलर को रिलीज किया गया इस फिल्म ने अपने 24 घंटे में लगभग 157 मिलियन से अधिक व्यूज क्रॉस कर दिए, जहां पे इस फिल्म में सभी पुरानी मूवीज के ट्रेलर को रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सबसे ज्यादा 24 घंटे में देखे जाने वाला ट्रेलर बना, जहां पे सिंगम अगेन के मेकर द्वारा अनाउंस किया गया था कि उन्होंने 24 घंटों में लगभग 135 मिलियन से अधिक व्यूज प्राप्त किए हैं। वहीं पे भूलभुलैया 3 के मेकर्स ने बताया कि 24 घंटों में उनके ट्रेलर ने लगभग 158 मिलियन से अधिक व्यूज क्रॉस कर लिए हैं, जहाँ पे भूलभुलैया 3 का ट्रेलर और सिंगम अगेन के ट्रेलर से काफी ज्यादा प्रभावित नजर आया है और लोगों को भूलभुलैया 3 और सिंगम अगेन दोनों से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, जहाँ पे सिंगम अगेन एक कल्ट क्लासिक
कल्ट क्लासिक मास मसाला फिल्म होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ होल प्लेयर 3 एक कल्ट क्लासिक हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म होगी। आग देखने में जहां पे दोनों फिल्में एक फ्रेंचाइज होंगी, जहां पे दोनों फिल्में तीसरी फिल्म की तीसरी कड़ी देखने को मिलेगी। जहां पे सिंघम अगेन सिंघम 3 होने वाली है, वहीं भूल भुलैया 3 जो कि भूल भुलैया का थर्ड पार्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों दोनों फिल्मों के बीच जबरदस्त टक्कर होने वाली है। जिस फिल्म की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई, लोगों को वही फिल्म पसंद आने वाली है और वही फिल्म ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो सकती है। जहाँ पे भूल भुलैया के मेकर्स ने पहले ही एक साल पहले बता दिया था कि वो इस फिल्म को 1 नवंबर 2024 को रिलीज करने वाले हैं, वहीं सिंघम अगेन के मेकर्स ने बता दिया कि वो लोग भी इस फिल्म को 31 अक्टूबर 2024 को रिलीज करने वाले हैं। जहाँ पे दोनों के मेकर्स ही दिवाली के मौके पर क्लैश करने वाले हैं। जिस फिल्म की स्टोरी थोड़ी सी भी बेहतर होती हुई नजर आई तो त्यौहार के मौके चल रहे हैं, वो फिल्म लगभग 500 से अधिक करोड़ के बीच की कमाई कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो सकती है। अगर भूल भुलैया 3 फिल्म की कहानी में दम हुआ और काफ़ी सारे टर्न एंड ट्विस्ट, क्योंकि इस फिल्म की स्टारकास्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, वहीं दूसरी तरफ सिंघम अगेन की स्टारकास्ट भी काफ़ी ज़्यादा, बहुत सारे बॉलीवुड के एक्ट्रेस देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों दोनों ही फिल्मों में कई स्टारकास्ट काफ़ी बड़ी और भयंकर देखने को मिल रही है। जिस फिल्म की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग और ऑडियंस को बैठाए रखने में कामयाब होती है, वही फिल्म इस दिवाली की विनर फिल्म साबित हो सकती है। वहीं बात कर लें कि भूल भुलैया 3 के मेकर्स को एक प्रॉफिट मिलने वाला है, क्योंकि इस फिल्म का बजट लगभग 100 से 120 करोड़ के बीच का होना है। तो दोस्तों इस फिल्म को हिट होने के लिए लगभग 250 से 300 करोड़ के बीच की कमाई करनी होगी। वहीं की बात कर लें सिंघम 3 की, तो दोस्तों इस फिल्म का बजट लगभग 250 से 300 करोड़ के बीच का होगा। तो दोस्तों इस फिल्म को हिट होने के लिए लगभग 400 से 500 करोड़ के बीच की कमाई करनी होगी। तो दोस्तों अगर भूल भुलैया 3 ने 300 करोड़ का भी कलेक्शन कर लिया तो यह फिल्म एक हिट फिल्म साबित हो जाएगी। वहीं बात कर लें इस फिल्म की रिलीजेस की, तो दोस्तों इस फिल्म को 1 नवंबर 2024 को वर्ल्ड वाइड लेवल पे हिंदी के साथ साथ साउथ की सभी लैंग्वेज में रिलीज किया जाने वाला है। वहीं बात कर लें इस फिल्म के OTT रिलीज डेट, सैटेलाइट राइट्स और यूट्यूब प्रीमियर की, तो दोस्तों इस फिल्म के OTT राइट्स को नेटफ्लिक्स द्वारा खरीदा गया है। तो दोस्तों थिएटर रिलीज के कुछ दिनों बाद यह फिल्म आपको नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे, और डिजिटल प्रीमियर की बात करें तो दोस्तों यह फिल्म आपको सोनी मैक्स के टेलीविजन चैनल में फुल HD 4K में देखने को मिल जाएगी। भूल भुलैया 3 साल 2024 की अपकमिंग ए हॉरर कॉमेडी इंडियन हिंदी लैंग्वेज की हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन अनीस बज्मी द्वारा किया गया है। वहीं फिल्म की स्टोरी को आकाश कौशिक द्वारा लिखा गया है। वहीं यह फिल्म टी सीरीज फिल्म्स और सीने वन स्टूडियो द्वारा निर्मित की गई है। यह फिल्म भूल भुलैया फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म है, जो कि भूल भुलैया 3-1 जो कि साल 2007 में, वहीं भूल भुलैया 2 जो कि साल 2022 में के बाद फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगी। वहीं इस फिल्म की कहानी कोलकाता पश्चिम बंगाल के इर्द गिर्द घूमती नजर आने वाली है। वहीं इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अनीस बज्मी। वहीं इस फिल्म की स्टोरी को आकाश कौशिक द्वारा लिखा गया है। वहीं इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं भूषण कुमार, कृष्ण कुमार खेदवानी और मुराद खेदानी। वहीं इस फिल्म के स्टारकास्ट में नजर आएंगे कार्तिक आर्यन, रूहान रांधवा रूप बाबा के रूप में, विद्या बालन पुरानी मंजुलिका के रूप में, माधुरी दीक्षित नई मंजुलिका के रूप में, तृप्ति डिमरी मीरा कपूर के रूप में, विजय राज महाराज रक्तघाट के राजा के रूप में नजर आएंगे। वहीं राजपाल यादव नटवर उर्फ छोटा पंडित के रोल में देखने को मिलेंगे। वहीं इनके अलावा संजय मिश्रा जगन्नाथ शास्त्री बड़े पंडित के रोल में, वहीं अक्षय कुमार डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव क्रोस्ट के डेट सीन में देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात कर लें इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी मनु आनंद द्वारा की गई है। वहीं इस फिल्म का म्यूजिक संदीप सिरोडकर, बैकग्राउंड स्कोर वहीं तनिष बख्शी, सचेत परंपरा, अमाल मलिक, लीजो लॉर्ड, डीजे चेतास द्वारा इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर और बैकग्राउंड म्यूजिक को दिया गया है। वहीं इस फिल्म को एडिट किया है संजय कनकला ने। वहीं इस फिल्म का बजट 150 करोड़ के इर्द गिर्द होने वाला है। वहीं इस फिल्म को 1 नवंबर 2024 को दिवाली के अवसर पर वर्ल्ड वाइड लेवल पर रिलीज किया जाने वाला है। वहीं बात कर लें इस फिल्म की स्टोरी की, तो दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी लगभग कोलकाता के भूल भुलैया 3 फिल्म की कहानी कोलकाता के एक प्राचीन और भूतिया हवेली के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी, जहां रूप बाबा कार्तिक आर्यन एक रहस्यमयी मकसद से पहुंचता है। हवेली का इतिहास बेहद डरावना और यहां पहले भी कई घटनाएं घट चुकी होती हैं। हवेली के अंदर आने वाले लोगों की चीखें आज भी हवेली की दीवारों में गूंजती हैं, और सबसे बड़ा रहस्य है कि मंजुलिका की आत्मा, जिसे लोग आज तक भुला नहीं पाए हैं, लेकिन इस बार स्थिति और भी पेचीदा है, क्योंकि अब मंजुलिका की आत्मा केवल अकेली नहीं है बल्कि उसके साथ साथ और भी लोग हैं। वहीं कहानी की शुरुआत रूप बाबा फिर से हवेली में आने से, जहां वह किसी अनजान कारण से खींचा चलाता, उसे हवेली के रहस्यों का कुछ अंदाजा है लेकिन असल खतरे की पहचान नहीं होती। हवेली के अंदर आते ही उसे महसूस होता है कि मंजुलिका यानी विद्या बालन की आत्मा अब और भी शक्तिशाली हो गई है, और उसके साथ एक और आत्मा जुड़ी हुई है।
और नई मंजुलिका माधुरी दीक्षित जो कि उससे भी अधिक प्रतिशोधी और शक्तिशाली होती है। रू बाबा की मुलाकात मीरा तृप्ति तिमरी से होती जो कि एक युवती और हवेली के रहस्यों के पीछे का सच पता लगाने की कोशिश कर रही होती है। मीरा को हवेली के साथ कुछ पुरानी कड़ियाँ जुड़ी हुई मिलती हैं जो कि उसकी जिंदगी से संबंधित हो सकती हैं। मैं बात कर लें रू बाबा और छोटा चेतन जो कि रू बाबा के साथ काम करता है, वो दोनों मिलकर लोगों को ठगने का और भूत न होने का इस विश्वास के अंधविश्वास के साथ बहुत सारे पैसे कमा रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच रू बाबा की मुलाकात तृप्ति तिमरी यानी कि मीरा कपूर से होती है जो कि उस किले की मालकिन होती है और वहाँ पे पुराना खंडर जैसे होने वाली वहाँ की मालकिन और उसके पापा रक्तघाट के राजा होती हैं जो कि विजय राज प्ले करने वाली हैं। इन सब के बीच कहानी होती है जहाँ पे रू बाबा उसे प्यार के चक्कर में उसकी हवेली में जाता है और वहाँ के भूत को भगाने की उससे कसम खाता है। लेकिन कहानी कुछ इस प्रकार से होती है जहाँ पे रू बाबा को पता चलता है कि वहाँ कुछ पुरानी शक्तियाँ और जिससे रू बाबा डरकर भागने की कोशिश में नजर आते हुए दिखता है। वहीं जब दोनों मंजुलिका आपस में बढ़ती हैं जैसे जैसे रू बाबा और मीरा हवेली के अंदर और गहराई में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पुरानी मंजुलिका यानी कि विद्यावालन और नई मंजुलिका के बीच एक पुराना संघर्ष चल रहा है और ये दोनों आत्माएं पुरानी हवेली पर अधिकार जताना चाहती हैं। पुरानी हवेली यानी कि रक्तघाट की का हवेली ने सदियों से इस हवेली को अपना जागीर समझा है जबकि नई मंजुलिका का दावा है कि वह असली मालकिन वहाँ रक्तघाट के गढ़ की होने वाली है और पुरानी मंजुलिका ने उसे धोखा किया और उसके साथ छल कपट करके यह किया। यहाँ पर कहानी और भी खतरनाक होती हुई नजर आती है क्योंकि अब रू बाबा को इन दोनों आत्माओं के बीच समझौता कराना होगा या कि फिर उन्हें रोकना होगा ताकि वो निर्दोष लोगों को नुकसान ना पहुंचा सके। कहानी तब मुश्किल मोड़ में आती है जब पता चलता है कि वो आत्माएं एक दूसरे से लड़ रही हैं और पूरे उस रक्तघाट को रक्तघाट के महल को एक खंडहर बनाने में तुली हुई हैं। रहस्यमय की गाथा और भी खतरनाक होती है जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है। रू बाबा को एक प्राचीन किताब मिलती है जो कि दोनों आत्माओं के पीछे छिपे रहस्यों को खोलती हुई नजर आती है। इसमें खुलासा होता नजर आता है कि मंजुलिका असल में पुराने जमाने में एक रानी थी जिसे धोखे से उसी हवेली में मरवा दिया गया था और वह सहेली मंजुलिका बनकर हवेली में राज करती है और इसी गाथा को वर्तमान में फिर से उभर आई है। अब दोनों आत्माएं हवेली पर अपना कब्जा करना चाहती हैं। रू बाबा और मीरा इस गाथा को सुलझाने की कोशिश में लगे होते हैं। इस दौरान उनका सामना नटवर और छोटा पंडित राजपाल यादव और बड़े पंडित संजय मिश्रा से होता है जो अपनी हरसमयी लेकिन गंभीर स्थिति में हवेली के रहस्य से जुड़े होते हैं और वो दोनों रू बाबा और उसके साथी को वो ठहराने में तुले होते हैं कि ये लोग पाखंडी लोग हैं, झूठे पाखंडी लोग हैं। क्लाइमेक्स की ओर जैसे जैसे कहानी बढ़ती वैसे वैसे कार्तिक आर्यन उन तीनों को चूतिया बनाने में कामयाब रहता है और प्रकाश राज जो कि उस किले के राजा हैं और तृप्ति तिमरी जो कि उस किले की महारानी होती हैं कुछ इस प्रकार की रहस्यमयी क्लाइमैक्स में हमें कहानी देखने को मिलती है जिसे हमें पता चलता है कि हवेली के राजा महाराज विजयराज और उनकी सेना की कहानी भी सामने आती है और इस पूरे कहानी का एक नया संघर्ष सामने निकल कर आता है और एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि कहानी में मोड़ तब आता है जब पुरानी मंजुलिका और नई मंजुलिका दोनों ही रू बाबा और मीरा को निशाना बनाने की कोशिश करती हुई नजर आती हैं। हवेली में कई अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं जैसे कि दीवारों से चीखें निकलना, अचानक जलते दीपक और दरवाजों का खुला बंद होना। अंततः रू बाबा को एक ऐसा उपाय ढूंढना होता है जिससे वह दोनों आत्माओं को शांत कर सके। लेकिन रू बाबा को उन दोनों आत्माओं को देखने के बाद पहले तो रू बाबा को विश्वास नहीं होता कि भूत जैसी नाम की चीज कोई होती है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है रू बाबा डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करते हुए नजर आती है। लेकिन मीरा और प्रतिपति तिमरी के रोल में जो कि रानी होती है वहाँ की, वो उसे समझाती है और उसे अपने प्यार में होने के बावजूद वहाँ से उस आत्माओं को निकालने और उसके अंगरक्षक कच्चन की आत्माओं से जुड़ती हुई नजर आती हैं जो कि भूतिया लड़ाई में शामिल होती जाती हैं। अंतिम युद्ध फिल्म की कहानी बेहद अंतिम के क्लाइमेक्स सीन में बेहद रोमांचक और डरावना हो सकता है जहां का हवेली में एक भीषण आत्माओं का युद्ध छिड़ा जाता है। रू बाबा अपनी खास शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दोनों मंजुलिका के बीच युद्ध रोकने की कोशिश करते हुए नजर आता है लेकिन इसी बीच उसकी जान भी खतरे में पड़ जाती है। हवेली के भूतिया माहौल में जब सब कुछ टूट जाता है बिखरता है रू बाबा और मीरा का इस रहस्य का अंतिम समाधान मिल जाता है। अंत में दोनों मंजुलिकाओं को आत्माओं की शांति मिलती है और हवेली के बावजूद हमेशा मिट जाता है और रू बाबा और मीरा इस भूतिया अनुभव से बाहर निकलती है। लेकिन कहानी में अंतिम मोड़ तब लेती है जब पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव यानी कि अक्षय कुमार की एंट्री होती है जो एक नए और बड़े रहस्य की ओर संकेत करती है जिससे फ्रेंचाइज का भविष्य और भी रोमांचक और खतरनाक देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ आपको फिल्म की पूरी कहानी जाननी है तो दोस्तों इस फिल्म की पूरी कहानी जानने के लिए आपको इस फिल्म को थिएटर्स में देखना होगा। वहीं बात कर लें फुल ब्लेड 3 ओवरऑल केवल एक हॉरर कॉमेडी फिल्म नहीं है बल्कि इसमें आत्माओं के संघर्ष पौराणिक कथाओं
रोमांच रहस्यों का संगम, साथ ही साथ हॉरर कॉमेडी स्त्री 2 के बाद हॉरर कॉमेडी इंडिया में काफी ज्यादा प्रचलित है, तो फिल्म को दर्शकों को हंसाने के साथ साथ डराती हुई भी नजर आएगी। और फिल्म में रू बाबा की जादुई ताकतें और उनकी रहस्यपूर्ण हरकतें फिल्म में और दिलचस्प बनाने का काम करती हैं। साथ ही साथ फिल्म की कहानी और कॉमेडी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नजर आती है, जिससे ऑडियंस और क्रिटिक्स को मूवी को इस फिल्म में अंत तक बांधे रहने में कामयाब होती हुई नजर आती है। वहीं बात कर लें कि इस फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से मोड़ लेती हुई नजर आ सकती है। साथ ही साथ ऑडियंस और क्रिटिक्स का मानना है कि इस फिल्म में अक्षय कुमार का कैमियो हो सकता है। आने वाले समय में जैसे ही इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा तो पता चल जाएगा कि इस फिल्म में अक्षय कुमार का कैमियो देखने को मिलता है या नहीं। अगर इस फिल्म में अक्षय कुमार का कैमियो हुआ तो दोस्तों यह फिल्म लगभग 400 से 500 करोड़ के बीच की कमाई कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो सकती है, क्योंकि भूल भुलैया 1 जो कि 2007 में रिलीज हुई थी वह एक कल्ट क्लासिक हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जो कि अक्षय कुमार की वजह से एक कल्ट क्लासिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म बन पाई थी। चूँकि अक्षय कुमार का कॉमेडी रोल्स में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक कल्ट रोल देखने को मिलता है, तो दोस्तों अगर इस फिल्म में अक्षय कुमार का कैमियो हुआ तो दोस्तों यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फाड़ के रख देने वाली है। वहीं बात कर लें कि फिल्म की कहानी ट्रेलर देखने के बाद कुछ इसी प्रकार नजर आने वाली है। वहीं बात कर लें इस फिल्म कास्टिंग और फिल्मांकन की, तो दोस्तों कार्तिक आर्यन ने भूल भुलैया 2 की भूमिका के लिए फिर से कास्ट किया गया था, जहाँ पे बताया गया था कि भूल भुलैया 2 के बाद कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 के लिए भी साइन किया गया है, जहाँ की भूल भुलैया 3 में कार्तिक आर्यन ही हमें मुख्य लीड भूमिका में देखने को मिलेंगे। वहीं 12 फरवरी 2024 को विद्या बालन की वापसी की घोषणा की गई थी। वहीं 21 फरवरी 2024 को माधुरी दीक्षित और तृप्ति दिमनी की साथ फिल्म के साथ जुड़ने की खबर आई थी। वहीं अंततः राजकुमार यादव और संजय मिश्रा, विजय राज और अन्य कलाकार भी प्रमुख भूमिकाओं में शामिल हुए। वहीं फिल्म की शूटिंग 9 मार्च 2024 को पूरी तरह से मुंबई में शुरू हुई थी 9 मार्च 2024 को मुंबई में शुरू हुई, जिसमें कार्तिक आर्यन का पहला ट्रेन सीन के साथ शुरू हुआ, जिसमें निर्देशक अनीस बज्मी ने फिल्म के शूटिंग के दौरान चोट लगी, लेकिन उन्होंने फिल्म की शूटिंग जारी रखा और कोलकाता में फिल्म का अगला शेड्यूल 8 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ, जहां कार्तिक आर्यन को हावड़ा ब्रिज और विक्टोरिया मेमोरियम पर बाइक चलाते हुए शूट किया गया था। इसके बाद फिल्म की शूटिंग मध्य प्रदेश के ऊर्जा लेह लद्दाख में की गई, जहाँ प्रमुख सीन और रोमांटिक गानों को फिल्माया गया। फिल्म का क्लाइमेक्स ओरछा के प्रसिद्ध स्थलों में ओरछा किला और राम राजा मंदिर में शूट किया गया था। और अंततः फिल्म की शूटिंग जुलाई 2024 तक फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट करवा ली गई थी। वहीं बात कर लें फिल्म के म्यूजिक की, तो दोस्तों फिल्म का संगीत तनिष्क बख्शी, सचेत परंपरा, अमाल मलिक, लीजो जॉर्ज, डीजे चेतास ने तैयार किया। वहीं गीतों के बोल समीर रंजन, रश्मि विराग और अन्य द्वारा इस फिल्म के संगीत को लिखा गया है। वहीं फिल्म में टाइटल ट्रैक और ओमी जो तुम्हार गाना फिर से रिक्रिएट किया जाएगा, जो कि भूलभुलैया 2 में भी था, जो कि भूलभुलैया 1 के बाद एक कल्ट क्लासिक बन गया था। वहीं बात कर लें इस फिल्म के ट्रेलर और टीजर की, तो दोस्तों जैसे इस फिल्म के टीजर को रिलीज किया गया, ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म के टीजर को कुछ खास रिस्पांस देखने को नहीं मिला, तो मेकर्स ने इस फिल्म के ट्रेलर को जल्दी रिलीज करने का फैसला किया, जहां पे सिंगम अगेन के मेकर्स ने टीजर ना रिलीज करते हुए डायरेक्ट ट्रेलर रिलीज करने का फैसला किया और उन्होंने 7 अक्टूबर को अपने ट्रेलर को रिलीज किया, जहां पे मेकर्स ने पहले भूलभुलैया 2 के टीजर के बाद 6 अक्टूबर को ट्रेलर रिलीज किया जाने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणवश उन्होंने इस फिल्म के टीजर को ट्रेलर को डिले करते हुए भूलभुलैया के ट्रेलर के 7 अक्टूबर के रिलीज होने के बाद भूलभुलैया के मेकर्स ने सिंगम अगेन के ट्रेलर के 7 अक्टूबर को रिलीज होने के बाद 9 अक्टूबर को भूलभुलैया 3 का ट्रेलर रिलीज किया, जहां पे इस फिल्म के ट्रेलर रिलीज के साथ ही इस फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिला, जहां पे फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से ट्रेलर के मुताबिक देखने को मिलती है। रू बाबा कार्तिक आर्यन जो कि लोगों को ठगने का काम करता है, लोगों को चूतिया बनाकर, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि रू बाबा को मीरा कपूर यानी कि तृप्ति दिमरी से प्यार हो जाता है और तृप्ति दिमरी उसे अपने किले यानी कि रक्तगढ़ के किले में ले जाती है, जहां उसे पता चलता है यहां पे कई सारी आत्माएं भटक रही हैं। जानने से मंजुलिका, पुरानी मंजुलिका और नई मंजुलिका के बीच की कुछ कहानियां देखने को मिलती है, जहां पे ये सब के बीच का पहले तो कार्तिक आर्यन को लग रहा होता है कि इस हवेली में कोई भूत ऊत नहीं है और वह इस सबको निपटारा करके तृप्ति दिमरी से जल्द शादी कर लेगा, लेकिन कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है हमें कुछ रहस्यमय घटनाएं साथ ही साथ तृप्ति दिमरी के साथ कुछ अचानक से रहस्यमय घटनाएं होती हुई नजर आती हैं। साथ ही साथ राजपाल यादव, संजय मिश्रा और ये तीनों लोग मिलकर कुछ खिचड़ी पकाते हुए नजर आते हैं, जहां पे
जहाँ पे हमें जानने को मिलता है कि इन लोग वहाँ पे सचमुच में कई सारी भूत और आत्माएं हैं और ये सभी डर के मारे भागने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। जहाँ पे कार्तिक आर्यन यानी कि रू बाबा को पहले लगता है कि यहाँ पे कोई भूत ऊत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है कार्तिक आर्यन को पता चलता है रू बाबा को कि यहाँ पे कई सारी आत्माएं हैं और वो डर के वहाँ से डर के मारे भागने की कोशिश करते हुए नजर आता है। लेकिन इन्हीं सब कारणों के बीच उसे कई सारी कहानियों को रस्में को सुलझाने के लिए मीरा कपूर यानी कि तीर्थी दिमरी मजबूर करती है और बताती है उसके प्यार में पड़ जाने के बाद कार्तिक आर्यन फाइनली डिसाइड करता है कि वो इन आत्माओं को भगाने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आएगा और उनसे वो लड़ने के लिए तैयार होता है। और कई सारे टर्न एंड ट्विस्ट देखने को मिलते हैं जहाँ पे क्रिटिक्स द्वारा बताया जा रहा है कि इस फिल्म के क्लाइमेक्स में अक्षय कुमार उर्फ आदित्य श्रीवास्तव का कैमियो देखने को मिल सकता है। जहाँ पे भूल भुलैया 1 के बाद अक्षय कुमार इस फिल्म में कैमियो करते हुए देखने को मिल सकते हैं। चूँकि भूल भुलैया 1 के हिट होने के बाद लगभग साल 2007 के बाद साल 2022 में टी सीरीज ने पुनः अनाउंस किया था कि भूल भुलैया 2 को बनाया जाएगा। जहाँ पे मेकर्स ने बताया था कि भूल भुलैया 2 में अक्षय कुमार की जगह हमें कार्तिक आर्यन देखने को मिलेंगे। जहाँ पे कार्तिक आर्यन को रिप्लेस करने के बाद भूल भुलैया 2 एक हिट फिल्म साबित हुई। जहाँ के मेकर्स ने उसके कुछ दिनों बाद अनाउंस किया कि भूल भुलैया 3 का अगला पार्ट भी हमें देखने को मिलेगा और मेकर्स ने इस मूवी को फ्रेंचाइज के रूप में बदलने का डिसाइड किया और इसमें कई सारी मूवीज को आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं। जहाँ पे टी सीरीज के मेकर इस फिल्म के बाद हमें कई सारी कहानियों को जोड़ते हुए फिल्म में देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ क्रिटिक्स की माने तो इस फिल्म में अक्षय कुमार का छोटा सा लेकिन मजबूत कैमियो देखने को मिल सकता है। वहीं बात कर लें इस फिल्म के ट्रेलर रिस्पॉन्स की और सिंगामा गेम के साथ इस फिल्म के क्लैश की। तो दोस्तों जैसे ही इस फिल्म को 9 अक्टूबर को इस फिल्म के ट्रेलर को रिलीज किया गया, इस फिल्म ने अपने 24 घंटे में लगभग 157 मिलियन से अधिक व्यूज क्रॉस कर दिए। जहाँ पे इस फिल्म में सभी पुरानी मूवीज के ट्रेलर को रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सबसे ज्यादा 24 घंटे में देखे जाने वाला ट्रेलर बना। जहाँ पे सिंघम अगेन के मेकर्स द्वारा अनाउंस किया गया था कि उन्होंने 24 घंटों में लगभग 135 मिलियन से अधिक व्यूज प्राप्त किए हैं। वहीं पे भूल भुलैया 3 के मेकर्स ने बताया कि 24 घंटे में उनके ट्रेलर ने लगभग 158 मिलियन से अधिक व्यूज क्रॉस कर लिए हैं। जहाँ पे भूल भुलैया 3 का ट्रेलर और सिंघम अगेन के ट्रेलर से काफी ज्यादा प्रभावित नजर आया है और लोगों को भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन दोनों से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। जहाँ पे सिंघम अगेन एक कल्ट क्लासिक मास मसाला फिल्म होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ भूल भुलैया 3 एक कल्ट क्लासिक हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म होगी। आगे देखने में जहाँ पे दोनों फिल्में एक फ्रेंचाइज होंगी, जहाँ पे दोनों फिल्में तीसरी फिल्म की तीसरी कड़ी देखने को मिलेगी। जहाँ पे सिंघम अगेन सिंघम 3 होने वाली है, वहीं भूल भुलैया 3 जो कि भूल भुलैया का थर्ड पार्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों दोनों फिल्मों के बीच जबरदस्त टक्कर होने वाली है। जिस फिल्म की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई, लोगों को वही फिल्म पसंद आने वाली है और वही फिल्म ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो सकती है। जहाँ पे भूल भुलैया के मेकर्स ने पहले ही एक साल पहले बता दिया था कि वो इस फिल्म को 1 नवंबर 2024 को रिलीज करने वाले हैं। वहीं सिंघम अगेन के मेकर्स ने बता दिया कि वो लोग भी इस फिल्म को 31 अक्टूबर 2024 को रिलीज करने वाले हैं। जहाँ पे दोनों के मेकर्स ही दिवाली के मौके पर क्लैश करने वाले हैं। जिस फिल्म की स्टोरी थोड़ी सी भी बेहतर होती हुई नजर आई तो त्यौहार के मौके चल रहे हैं, वो फिल्म लगभग 500 से अधिक करोड़ के बीच की कमाई कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो सकती है। अगर भूल भुलैया 3 फिल्म की कहानी में दम हुआ और काफ़ी सारे टर्न एंड ट्विस्ट, क्योंकि इस फिल्म की स्टारकास्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, वहीं दूसरी तरफ सिंघम अगेन की स्टारकास्ट भी काफ़ी ज़्यादा, बहुत सारे बॉलीवुड के एक्ट्रेस देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों दोनों ही फिल्मों में कई स्टारकास्ट काफ़ी बड़ी और भयंकर देखने को मिल रही है। जिस फिल्म की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग और ऑडियंस को बैठाए रखने में कामयाब होती है, वही फिल्म इस दिवाली की विनर फिल्म साबित हो सकती है। वहीं बात कर लें कि भूल भुलैया 3 के मेकर्स को एक प्रॉफिट मिलने वाला है, चूँकि इस फिल्म का बजट लगभग 100 से 120 करोड़ के बीच का होना है। तो दोस्तों इस फिल्म को हिट होने के लिए लगभग 250 से 300 करोड़ के बीच की कमाई करनी होगी। वहीं की बात कर लें सिंघम 3 की, तो दोस्तों इस फिल्म का बजट लगभग 250 से 300 करोड़ के बीच का होगा। तो दोस्तों इस फिल्म को हिट होने के लिए लगभग 400 से 500 करोड़ के बीच की कमाई करनी होगी। तो दोस्तों अगर भूल भुलैया 3 ने 300 करोड़ का भी कलेक्शन कर लिया तो यह फिल्म एक हिट फिल्म साबित हो जाएगी। वहीं बात कर लें इस फिल्म की रिलीजेस की, तो दोस्तों इस फिल्म को 1 नवंबर 2024 को वर्ल्ड वाइड लेवल पे हिंदी के साथ साथ साउथ की सभी लैंग्वेज में रिलीज किया जाने वाला है। वहीं बात कर लें इस फिल्म के OTT रिलीज डेट, सैटेलाइट राइट्स और यूट्यूब प्रीमियर की, तो दोस्तों इस फिल्म के OTT राइट्स को नेटफ्लिक्स द्वारा खरीदा गया है। तो दोस्तों थिएटर रिलीज के कुछ दिनों बाद यह फिल्म आपको नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे, और डिजिटल प्रीमियर की बात करें तो दोस्तों यह फिल्म आपको सोनी मैक्स के टेलीविजन चैनल में फुल HD 4K में देखने को मिल जाएगी। भूल भुलैया 3 साल 2024 की अपकमिंग ए हॉरर कॉमेडी इंडियन हिंदी लैंग्वेज की हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन अनीस बज्मी द्वारा किया गया है।
वहीं इस फिल्म की स्टोरी को आकाश कौशिक द्वारा लिखा गया है, वहीं यह फिल्म टी सीरीज फिल्म्स और सीने वन स्टूडियो द्वारा निर्मित की गई है। यह फिल्म भूल भुलैया फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म है, जो कि भूल भुलैया 3-1 जो कि साल 2007 में, वहीं भूल भुलैया 2 जो कि साल 2022 में के बाद फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगी। वहीं इस फिल्म की कहानी कोलकाता पश्चिम बंगाल के इर्द गिर्द घूमती नजर आने वाली है। वहीं इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अनीस बज्मी, वहीं इस फिल्म की स्टोरी को आकाश कौशिक द्वारा लिखा गया है। वहीं इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं भूषण कुमार, कृष्ण कुमार खेदवानी और मुराद खेदानी। वहीं इस फिल्म के स्टारकास्ट में नजर आएंगे कार्तिक आर्यन रूहान रांधवा रूप बाबा के रूप में, विद्या बालन पुरानी मंजुलिका के रूप में, माधुरी दीक्षित नई मंजुलिका के रूप में, तृप्ति डिमरी मीरा कपूर के रूप में, विजय राज महाराज रक्तघाट के राजा के रूप में नजर आएंगे। वहीं राजपाल यादव नटवर उर्फ छोटा पंडित के रोल में देखने को मिलेंगे। वहीं इनके अलावा संजय मिश्रा जगन्नाथ शास्त्री बड़े पंडित के रोल में, वहीं अक्षय कुमार डॉक्टर अरिजित श्रीवास्तव क्रोस्ट के डेट सीन में देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात कर लें इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी मनु आनंद द्वारा की गई है। वहीं इस फिल्म का म्यूजिक संदीप सिरोडकर, बैकग्राउंड स्कोर वहीं तनिष्क बख्शी, सचेत परंपरा, अमाल मलिक, लीजो लॉर्ड, डीजे चेतास द्वारा इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर और बैकग्राउंड म्यूजिक को दिया गया है। वहीं इस फिल्म को एडिट किया है संजय कनकला ने। वहीं इस फिल्म का बजट 150 करोड़ के इर्द गिर्द होने वाला है। वहीं इस फिल्म को 1 नवंबर 2024 को दिवाली के अवसर पर वर्ल्ड वाइड लेवल पर रिलीज किया जाने वाला है। वहीं बात कर लें इस फिल्म की स्टोरी की, तो दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी लगभग कोलकाता के भूल भुलैया 3 फिल्म की कहानी कोलकाता के एक प्राचीन और भूतिया हवेली के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी, जहां रूप बाबा कार्तिक आर्यन एक रहस्यमय मकसद से पहुंचता है। हवेली का इतिहास बेहद डरावना और यहां पहले भी कई घटनाएं घट चुकी होती हैं। हवेली के अंदर आने वाले लोगों की चीखें आज भी हवेली की दीवारों में गूंजती हैं और सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मंजुलिका की आत्मा, जिसे लोग आज तक भुला नहीं पाए हैं, लेकिन इस बार स्थिति और भी पेचीदा है, क्योंकि अब मंजुलिका की आत्मा केवल अकेली नहीं है बल्कि उसके साथ साथ और भी लोग हैं। वहीं कहानी की शुरुआत रूप बाबा फिर से हवेली में आने से, जहां वह किसी अनजान कारण से खींचा चला था। उसे हवेली के रहस्यों का कुछ अंदाजा है, लेकिन असल खतरे की पहचान नहीं होती। हवेली के अंदर आते ही उसे महसूस होता है कि मंजुलिका यानी विद्या बालन की आत्मा अब और भी शक्तिशाली हो गई है और उसके साथ एक और आत्मा जुड़ी हुई है और नई मंजुलिका माधुरी दीक्षित, जो कि उससे भी अधिक प्रतिशोधी और शक्तिशाली होती है। रूप बाबा की मुलाकात मीरा तृप्ति डिमरी से होती, जो कि एक युवती और हवेली के रहस्यों के पीछे का सच पता लगाने की कोशिश कर रही होती है। मीरा को हवेली के साथ कुछ पुरानी कड़ियाँ जुड़ी हुई मिलती हैं, जो कि उसकी जिंदगी से संबंधित हो सकती हैं। वहीं बात कर लें रूप बाबा और छोटा चेतन, जो कि रूप बाबा के साथ काम करता है, वो दोनों मिलकर लोगों को ठगने का और भूत न होने का इस विश्वास अंधविश्वास के साथ बहुत सारे पैसे कमा रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच रूप बाबा की मुलाकात तृप्ति डिमरी यानी कि मीरा कपूर से होती है, जो कि उस किले की मालकिन होती है और वहाँ पे पुराना खंडर जैसे होने वाली वहाँ की मालकिन और उसके पापा वह रक्तघाट के राजा होती हैं, जो कि विजय राज प्ले करने वाली हैं। इन सब के बीच कहानी होती है, जहाँ पे रूप बाबा उसे प्यार के चक्कर में उसकी हवेली में जाता है और वहाँ के भूत को भगाने की उससे कसम खाता है। लेकिन कहानी कुछ इस प्रकार से होती है, जहाँ पे रूप बाबा को पता चलता है कि वहाँ कुछ पुरानी शक्तियाँ और जिससे रूप बाबा डरकर भागने की कोशिश में नजर आते हुए दिखता है। वहीं जब दोनों मंजुलिका आपस में बढ़ती हैं, जैसे जैसे रूप बाबा और मीरा हवेली के अंदर और गहराई में जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि पुरानी मंजुलिका यानी कि विद्या बालन और नई मंजुलिका के बीच एक पुराना संघर्ष चल रहा है और ये दोनों आत्माएं पुरानी हवेली पर अधिकार जताना चाहती हैं। पुरानी हवेली यानी कि रक्तघाट की का हवेली ने सदियों से इस हवेली को अपना जागीर समझा है, जबकि नई मंजुलिका का दावा है कि वह असली मालकिन वहाँ रक्तघाट के गढ़ की होने वाली है और पुरानी मंजुलिका ने उसे धोखा किया और उसके साथ छल कपट करके यह किया। यहाँ पर कहानी और भी खतरनाक होती हुई नजर आती है, क्योंकि अब रूप बाबा को इन दोनों आत्माओं के बीच समझौता कराना होगा या कि फिर उन्हें रोकना होगा, ताकि वो निर्दोष लोगों को नुकसान ना पहुंचा सके। कहानी तब मुश्किल मोड़ में आती है जब पता चलता है कि वो आत्माएं एक दूसरे से लड़ रही हैं और पूरे उस रक्तघाट के महल को खंडहर बनाने में तुली हुई हैं। रहस्यमय की गाथा और भी खतरनाक होती है, जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, रूप बाबा को एक प्राचीन किताब मिलती है, जो कि दोनों आत्माओं के पीछे छिपे रहस्यों को खोलती हुई नजर आती है। इसमें खुलासा होता नजर आता है कि मंजुलिका असल में पुराने जमाने में एक रानी थी, जिसे धोखे से उसी हवेली में मरवा दिया गया था और वह सहेली मंजुलिका बनकर हवेली में राज करती है
और इसी गाथा को वर्तमान में फिर से उभर आई है। अब दोनों आत्माएं हवेली पर अपना कब्जा करना चाहती हैं। रू बाबा और मीरा इस गाथा को सुलझाने की कोशिश में लगे होते हैं। इस दौरान उनका सामना नटवर और छोटा पंडित राजपाल यादव और बड़े पंडित संजय मिश्रा से होता है, जो अपनी हस्बैंड लेकिन गंभीर स्थिति में हवेली के रहस्य से जुड़े होते हैं। और वो दोनों रू बाबा और उसके साथी को वो ठहराने में तुले होते हैं कि ये लोग पाखंडी लोग हैं, झूठे पाखंडी लोग हैं। क्लाइमेक्स की ओर जैसे जैसे कहानी बढ़ती वैसे वैसे कार्तिक आर्यन उन तीनों को चूतिया बनाने में कामयाब रहता है और प्रकाश राज जो कि उस किले के राजा हैं और तृप्ति तिमड़ी जो कि उस किले की महारानी होती हैं कुछ इस प्रकार की रहस्यमयी क्लाइमेक्स में गोल भुलैया 3 साल 2024 की अपकमिंग ए हॉरर कॉमेडी इंडियन हिंदी लैंग्वेज की हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन अनीस बज्मी द्वारा किया गया है। वहीं इस फिल्म की स्टोरी को आकाश कौशिक द्वारा लिखा गया है। वहीं यह फिल्म टी सीरीज फिल्म्स और सिने वन स्टूडियो द्वारा निर्मित की गई है। यह फिल्म भूल भुलैया फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म है, जो कि भूल भुलैया 3-1 जो कि साल 2007 में, वहीं भूल भुलैया 2 जो कि साल 2022 में के बाद फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरे मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगी। वहीं इस फिल्म की कहानी कोलकाता पश्चिम बंगाल के इर्द गिर्द घूमती नजर आने वाली है। वहीं इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अनीस बज्मी। वहीं इस फिल्म की स्टोरी को आकाश कौशिक द्वारा लिखा गया है। वहीं इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं भूषण कुमार, कृष्ण कुमार खेदवानी और मुराद खेदानी। वहीं इस फिल्म के स्टारकास्ट में नजर आएंगे कार्तिक आर्यन रूहान रांधवा रूप बाबा के रूप में, विद्या बालन पुरानी मंजुलिका के रूप में, माधुरी दीक्षित नई मंजुलिका के रूप में, तृप्ति डिमरी मीरा कपूर के रूप में, विजय राज महाराज रक्तघाट के राजा के रूप में नजर आएंगे। वहीं राजपाल यादव नटवर उर्फ छोटा पंडित के रोल में देखने को मिलेंगे। वहीं इनके अलावा संजय मिश्रा जगन्नाथ शास्त्री बड़े पंडित के रोल में, वहीं अक्षय कुमार डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव क्रोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात कर लें इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी मनु आनंद द्वारा की गई है। वहीं इस फिल्म का म्यूजिक संदीप सिरोडकर, बैकग्राउंड स्कोर वहीं तनिष बख्शी, सचेत परंपरा, अमाल मलिक, लीजो लॉर्ड, डीजे चेतास द्वारा इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर और बैकग्राउंड म्यूजिक को दिया गया है। वहीं इस फिल्म को एडिट किया है संजय कनकला ने। वहीं इस फिल्म का बजट 150 करोड़ के इर्द गिर्द होने वाला है। वहीं इस फिल्म को 1 नवंबर 2024 को दिवाली के अवसर पर वर्ल्ड वाइड लेवल पर रिलीज किया जाने वाला है। वहीं बात कर लें इस फिल्म की स्टोरी की, तो दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी लगभग कोलकाता के भूल भुलैया 3 फिल्म की कहानी कोलकाता के एक प्राचीन और भूतिया हवेली के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी, जहां रू बाबा कार्तिक आर्यन एक रहस्यमय मकसद से पहुंचता है। हवेली का इतिहास बेहद डरावना और यहां पहले भी कई घटनाएं घट चुकी होती हैं। हवेली के अंदर आने वाले लोगों की चीखें आज भी हवेली की दीवारों में गूंजती हैं और सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मंजुलिका की आत्मा, जिसे लोग आज तक भुला नहीं पाए हैं, लेकिन इस बार स्थिति और भी पेचीदा है क्योंकि अब मंजुलिका की आत्मा केवल अकेली नहीं है बल्कि उसके साथ साथ और भी लोग हैं। वहीं कहानी की शुरुआत रू बाबा फिर से हवेली में आने से, जहां वह किसी अनजान कारण से खींचा चला था, उसे हवेली के रहस्यों का कुछ अंदाजा है लेकिन असल खतरे की पहचान नहीं होती। हवेली के अंदर आते ही उसे महसूस होता है कि मंजुलिका यानी विद्या बालन की आत्मा अब और भी शक्तिशाली हो गई है और उसके साथ एक और आत्मा जुड़ी हुई है और नई मंजुलिका माधुरी दीक्षित, जो कि उससे भी अधिक प्रतिशोधी और शक्तिशाली होती है। रू बाबा की मुलाकात मीरा तृप्ति तिमरी से होती, जो कि एक युवती और हवेली के रहस्यों के पीछे का सच पता लगाने की कोशिश कर रही होती है। मीरा को हवेली के साथ कुछ पुरानी कड़ियाँ जुड़ी हुई मिलती हैं जो कि उसकी जिंदगी से संबंधित हो सकती हैं। वहीं बात कर लें रू बाबा और छोटा चेतन जो कि रू बाबा के साथ काम करता है, वो दोनों मिलकर लोगों को ठगने का और भूत न होने का इस विश्वास अंधविश्वास के साथ बहुत सारे पैसे कमा हो रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच रू बाबा की मुलाकात तृप्ति तिमड़ी यानी कि मीरा कपूर से होती है, जो कि उस किले की मालकिन होती है और वहाँ पे पुराना खंडर जैसे होने वाली वहाँ की मालकिन और उसके पापा रक्तघाट के राजा होती हैं, जो कि विजय राज प्ले करने वाली हैं। इन सब के बीच कहानी होती है जहाँ पे रू बाबा उससे प्यार के चक्कर में उसकी हवेली में जाता है और वहाँ के भूत को भगाने की उससे कसम खाता है। लेकिन कहानी कुछ इस प्रकार से होती है जहाँ पे रू बाबा को पता चलता है कि वहाँ कुछ पुरानी शक्तियाँ और जिससे रू बाबा डरकर भागने की कोशिश में नजर आते हुए दिखता है। वहीं जब दोनों मंजुलिका आपस में बढ़ती हैं, जैसे जैसे रू बाबा और मीरा हवेली के अंदर और गहराई में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पुरानी मंजुलिका यानी कि विद्या बालन और नई मंजुलिका के बीच एक पुराना संघर्ष चल रहा है और ये दोनों आत्माएं पुरानी हवेली पर अधिकार जताना चाहती हैं। पुरानी हवेली यानी कि रक्तघाट की का हवेली ने सदियों से इस हवेली को अपना जागीर समझा है, जबकि नई मंजुलिका का दावा है कि वह असली मालकिन वहाँ रक्तघाट के गढ़ की होने वाली है।
और पुरानी मंजुलिका ने उसे धोखा किया और उसके साथ छल कपट करके यह किया। यहाँ पर कहानी और भी खतरनाक होती हुई नजर आती है, क्योंकि अब रू बाबा को इन दोनों आत्माओं के बीच समझौता कराना होगा या कि फिर उन्हें रोकना होगा ताकि वो निर्दोष लोगों को नुकसान ना पहुंचा सके। कहानी तब मुश्किल मोड़ में आती है जब पता चलता है कि वो आत्माएं एक दूसरे से लड़ रही हैं और पूरे उस रक्तघाट के महल को खंडहर बनाने में तुली हुई हैं। रहस्यमय की गाथा और भी खतरनाक होती है जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है। रू बाबा को एक प्राचीन किताब मिलती है जो कि दोनों आत्माओं के पीछे छिपे रहस्यों को खोलती हुई नजर आती है। इसमें खुलासा होता नजर आता है कि मंजुलिका असल में पुराने जमाने में एक रानी थी जिसे धोखे से उसी हवेली में मरवा दिया गया था और वह सहेली मंजुलिका बनकर हवेली में राज करती है और इसी गाथा को वर्तमान में फिर से उभर आई है। अब दोनों आत्माएं हवेली पर अपना कब्जा करना चाहती हैं। रू बाबा और मीरा इस गाथा को सुलझाने की कोशिश में लगे होते हैं। इस दौरान उनका सामना नटवर और छोटा पंडित राजपाल यादव और बड़े पंडित संजय मिश्रा से होता है जो अपनी हरसमय लेकिन गंभीर स्थिति में हवेली के रहस्य से जुड़े होते हैं और वो दोनों रू बाबा और उसके साथी को वो ठहराने में तुले होते हैं कि ये लोग पाखंडी लोग हैं, झूठे पाखंडी लोग हैं। क्लाइमेक्स की ओर जैसे जैसे कहानी बढ़ती वैसे वैसे कार्तिक आर्यन उन तीनों को चूतिया बनाने में कामयाब रहता है और प्रकाश राज जो कि उस किले के राजा हैं और तृप्ति तिमड़ी जो कि उस किले की महारानी होती हैं कुछ इस प्रकार की रहस्यमयी गोल बुलैया 3 साल 2024 की अपकमिंग ए हॉरर कॉमेडी इंडियन हिंदी लैंग्वेज की हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन अनीस बजमी द्वारा किया गया है। वहीं फिल्म की स्टोरी को आकाश कौशिक द्वारा लिखा गया है। वहीं यह फिल्म तीसरी फिल्म्स और सीने वन स्टूडियो द्वारा निर्मित की गई है। यह फिल्म भूल भुलैया फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म है जो कि भूल भुलैया 3-1 जो कि साल 2007 में, वहीं भूल भुलैया 2 जो कि साल 2022 में के बाद फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगी। वहीं इस फिल्म की कहानी कोलकाता पश्चिम बंगाल के इर्द गिर्द घूमती नजर आने वाली है। वहीं इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अनीस बजमी। वहीं इस फिल्म की स्टोरी को आकाश कौशिक द्वारा लिखा गया है। वहीं इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं भूषण कुमार, कृष्ण कुमार खेदवानी और मुराद खेदानी। वहीं इस फिल्म के स्टारकास्ट में नजर आएंगे कार्तिक आर्यन रूहान रांधवा रू बाबा के रूप में, विद्या बालन पुरानी मंजुलिका के रूप में, माधुरी दीक्षित नई मंजुलिका के रूप में, तृप्ति दिमरी मीरा कपूर के रूप में, विजय राज महाराज रक्तघाट के राजा के रूप में नजर आएंगे। वहीं राजपाल यादव नटवर उर्फ छोटा पंडित के रोल में देखने को मिलेंगे। वहीं इनके अलावा संजय मिश्रा जगन्नाथ शास्त्री बड़े पंडित के रोल में, वहीं अक्षय कुमार डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव प्रोस्ट के डेट सीन में देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात कर लें इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी मनु आनंद द्वारा की गई है। वहीं इस फिल्म का म्यूजिक संदीप सिरोडकर, बैकग्राउंड स्कोर वहीं तनिष बख्शी, सचेत परंपरा, अमाल मलिक, लीजो लॉर्ड, डीजे चेतास द्वारा इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर और बैकग्राउंड म्यूजिक को दिया गया है। वहीं इस फिल्म को एडिट किया है संजय कनकला ने। वहीं इस फिल्म का बजट 150 करोड़ के इर्द गिर्द होने वाला है। वहीं इस फिल्म को 1 नवंबर 2024 को दिवाली के अवसर पर वर्ल्ड वाइड लेवल पर रिलीज किया जाने वाला है। वहीं बात कर लें इस फिल्म की स्टोरी की तो दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी लगभग कोलकाता के भूल भुलैया 3 फिल्म की कहानी कोलकाता के एक प्राचीन और भूतिया हवेली के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी जहाँ रू बाबा कार्तिक आर्यन एक रहस्यमय मकसद से पहुंचता है। हवेली का इतिहास बेहद डरावना और यहाँ पहले भी कई घटनाएं घट चुकी होती हैं। हवेली के अंदर आने वाले लोगों की चीखें आज भी हवेली की दीवारों में गूंजती हैं और सबसे बड़ा रहस्य है कि मंजुलिका की आत्मा जिसे लोग आज तक भुला नहीं पाए हैं, लेकिन इस बार स्थिति और भी पेचीदा है क्योंकि अब मंजुलिका की आत्मा केवल अकेली नहीं है बल्कि उसके साथ साथ और भी लोग हैं। वहीं कहानी की शुरुआत रू बाबा फिर से हवेली में आने से जहाँ वह किसी अनजान कारण से खींचा चलाता उसे हवेली के रहस्यों का कुछ अंदाजा है लेकिन असल खतरे की पहचान नहीं होती। हवेली के अंदर आते ही उसे महसूस होता है कि मंजुलिका यानी विद्या बालन की आत्मा अब और भी शक्तिशाली हो गई है और उसके साथ एक और आत्मा जुड़ी हुई है और नई मंजुलिका माधुरी दीक्षित जो कि उससे भी अधिक प्रतिशोधी और शक्तिशाली होती है। रू बाबा की मुलाकात मीरा तृप्ति तिमरी से होती जो कि एक युवती और हवेली के रहस्यों के पीछे का सच पता लगाने की कोशिश कर रही होती है। मीरा को हवेली के साथ कुछ पुरानी कड़ियाँ जुड़ी हुई मिलती हैं जो कि उसकी जिंदगी से संबंधित हो सकती हैं। मैं बात कर लें रू बाबा और छोटा चेतन जो कि रू बाबा के साथ काम करता है, वो दोनों मिलकर लोगों को ठगने का और भूत न होने का इस विश्वास अंधविश्वास के साथ बहुत सारे पैसे कमा रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच रू बाबा की मुलाकात तृप्ति तिमड़ी यानी कि मीरा कपूर से होती है जो कि उस
किले की मालकिन होती है और वहाँ पे पुराना खंडर जैसे होने वाली वहाँ की मालकिन और उसके पापा रक्तघाट के राजा होते हैं जो कि विजयराज प्ले करने वाली हैं। इन सब के बीच कहानी होती है जहाँ पे रूबाबा उसे प्यार के चक्कर में उसकी हवेली में जाता है और वहाँ के भूत को भगाने की उससे कसम खाता है। लेकिन कहानी कुछ इस प्रकार से होती है जहाँ पे रूबाबा को पता चलता है कि वहाँ कुछ पुरानी शक्तियाँ और जिससे रूबाबा डरकर भागने की कोशिश में नजर आते हुए दिखता है। वहीं जब दोनों मंजुलिका आपस में बढ़ती हैं, जैसे जैसे रूबाबा और मीरा हवेली के अंदर और गहराई में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पुरानी मंजुलिका यानी कि विद्यावालन और नई मंजुलिका के बीच एक पुराना संघर्ष चल रहा है और ये दोनों आत्माएं पुरानी हवेली पर अधिकार जताना चाहती हैं। पुरानी हवेली यानी कि रक्तघाट की का हवेली ने सदियों से इस हवेली को अपना जागीर समझा है जबकि नई मंजुलिका का दावा है कि वह असली मालकिन वहाँ रक्तघाट के गढ़ की होने वाली है और पुरानी मंजुलिका ने उसे धोखा किया और उसके साथ छल कपट करके यह किया। यहाँ पर कहानी और भी खतरनाक होती हुई नजर आती है क्योंकि अब रू बाबा को इन दोनों आत्माओं के बीच समझौता कराना होगा या कि फिर उन्हें रोकना होगा ताकि वो निर्दोष लोगों को नुकसान ना पहुंचा सके। कहानी तब मुश्किल मोड़ में आती है जब पता चलता है कि वो आत्माएं एक दूसरे से लड़ रही हैं और पूरे उस रक्तघाट को रक्तघाट के महल को एक खंडहर बनाने में तुली हुई हैं। रहस्यमय की गाथा और भी खतरनाक होती है जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है। रू बाबा को एक प्राचीन किताब मिलती है जो कि दोनों आत्माओं के पीछे छिपे रहस्यों को खोलती हुई नजर आती है। इसमें खुलासा होता नजर आता है कि मंजुलिका असल में पुराने जमाने में एक रानी थी जिसे धोखे से उसी हवेली में मरवा दिया गया था और वह सहेली मंजुलिका बनकर हवेली में राज करती है और इसी गाथा को वर्तमान में फिर से उभर आई है। अब दोनों आत्माएं हवेली पर अपना कब्जा करना चाहती हैं। रू बाबा और मीरा इस गाथा को सुलझाने की कोशिश में लगे होते हैं। इस दौरान उनका सामना नटवर और छोटा पंडित राजपाल यादव और बड़े पंडित संजय मिश्रा से होता है जो अपनी हरसमयी लेकिन गंभीर स्थिति में हवेली के रहस्य से जुड़े होते हैं और वो दोनों रू बाबा और उसके साथी को वो ठहराने में तुले होते हैं कि ये लोग पाखंडी लोग हैं, झूठे पाखंडी लोग हैं। क्लाइमेक्स की ओर जैसे जैसे कहानी बढ़ती वैसे वैसे कार्तिक आर्यन उन तीनों को चूतिया बनाने में कामयाब रहता है और प्रकाश राज जो कि उस किले के राजा हैं और तृप्ति तिमड़ी जो कि उस किले की महारानी होती हैं कुछ इस प्रकार की रहस्यमयी गोल भुलैया 3 साल 2024 की अपकमिंग ए हॉरर कॉमेडी इंडियन हिंदी लैंग्वेज की हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन अनीस बजमी द्वारा किया गया है। वहीं इस फिल्म की स्टोरी को आकाश कौशिक द्वारा लिखा गया है। वहीं यह फिल्म टी सीरीज फिल्म्स और सीने वन स्टूडियो द्वारा निर्मित की गई है। यह फिल्म भूल भुलैया फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म है जो कि भूल भुलैया 3-1 जो कि साल 2007 में वहीं भूल भुलैया 2 जो कि साल 2022 में के बाद फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ विद्या बालन माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगी। वहीं इस फिल्म की कहानी कोलकाता पश्चिम बंगाल के इर्द गिर्द घूमती नजर आने वाली है। वहीं इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अनीस बजमी। वहीं इस फिल्म की स्टोरी को आकाश कौशिक द्वारा लिखा गया है। वहीं इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं भूषण कुमार, कृष्ण कुमार खेदवानी और मुराद खेदानी। वहीं इस फिल्म के स्टारकास्ट में नजर आएंगे कार्तिक आर्यन रूहान रांधवा रू बाबा के रूप में, विद्या बालन पुरानी मंजुलिका के रूप में, माधुरी दीक्षित नई मंजुलिका के रूप में, तृप्ति डिमरी मीरा कपूर के रूप में, विजय राज महाराज रक्तघाट के राजा के रूप में नजर आएंगे। वहीं राजपाल यादव नटवर उर्फ छोटा पंडित के रोल में देखने को मिलेंगे। वहीं इनके अलावा संजय मिश्रा जगन्नाथ शास्त्री बड़े पंडित के रोल में, वहीं अक्षय कुमार डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव क्रोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात कर लें इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी मनु आनंद द्वारा की गई है। वहीं इस फिल्म का म्यूजिक संदीप सिरोडकर, बैकग्राउंड स्कोर वहीं तनिष्क बख्शी, सचेत परंपरा, अमाल मलिक, लीजो लॉर्ड, डीजे चेतास द्वारा इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर और बैकग्राउंड म्यूजिक को दिया गया है। वहीं इस फिल्म को एडिट किया है संजय कनकला ने। वहीं इस फिल्म का बजट 150 करोड़ के इर्द गिर्द होने वाला है। वहीं इस फिल्म को 1 नवंबर 2024 को दिवाली के अवसर पर वर्ल्ड वाइड लेवल पर रिलीज किया जाने वाला है। वहीं बात कर लें इस फिल्म की स्टोरी की तो दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी लगभग एक कोलकाता के भूल भुलैया 3 फिल्म की कहानी कोलकाता के एक प्राचीन और भूतिया हवेली के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी जहां रू बाबा कार्तिक आर्यन एक रहस्यमय मकसद से पहुंचता है। हवेली का इतिहास बेहद डरावना और यहां पहले भी कई घटनाएं घट चुकी होती हैं। हवेली के अंदर आने वाले लोगों की चीखें आज भी हवेली की दीवारों में गूंजती हैं और सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मंजुलिका की आत्मा जिसे लोग आज तक भुला नहीं पाए हैं। लेकिन इस बार स्थिति और भी पेचीदा है क्योंकि अब मंजुलिका की आत्मा केवल अकेली नहीं है बल्कि उसके साथ साथ और भी लोग हैं। वहीं कहानी की शुरुआत रू बाबा फिर से हवेली में आने से जहां वह किसी अनजान कारण से खींचा चला था उसी हवेली के रहस्यों का कुछ अंदाजा